तो नमस्कार सर, व्यूअर से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में। हरारे हरिकेन्स वर्सेस केप टाउन स्वैम्प आर्मी का ये मुकाबला है, जिम्बाब्वे टी टेन लीग का ये चौथा मुकाबला है। तो देखते हैं आज कौन सी टीम जो है वो जीत नजर आएगी। दिन में आज फिर से तीन मुकाबले जो है वो खेले जाने हैं। दिन का पहला मुकाबला है और जिम्बाब्वे टी टेन लीग का ये चौथा मुकाबला है। तो देखते हैं कौन सी टीम किस पर भारी होगी। एक तरफ होगी मॉर्गन की टीम हरारे हरिकेन्स, एक तरफ होगी केप टाउन स्वैम्प आर्मी की टीम जो कि पार्थिव पटेल जो है वो कप्तान है इस टीम के। और दोनों टीमों की शुरुआत जो है वो खराब हुई है। जी हाँ, दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जो है वो हार कर यहाँ पर पहुंची हैं। अब देखते हैं किस तरीके से किसको मिलती है जीत, कौन सी टीम जो है बेहतर नजर आती है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों टीमों की, मगर उससे पहले आप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट लाइव हिंदी पर। तो लाइव हिंदी कमेंट्री जो है क्रिकेट लाइव हिंदी पर स्टार्ट हो चुकी है। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को, क्योंकि मुकाबला जो है सिर्फ 10 ओवर का, मगर सुपर डुपर हिट रहता है यहाँ पर। हरारे हरिकेन्स की बात की जाए तो कल के मुकाबले में चेज करते हुए एक बड़ा टोटल जो है वो चेज कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं टीम की बल्लेबाजी जो है वो बिखर गई, गेंदबाजी में भी दम नजर नहीं आया। पर केप टाउन स्वैम्प आर्मी की कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यह रही कि गेंदबाजों ने थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, प्लस अब बल्लेबाजों ने थोड़े बहुत रन बनाए। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट रहेगा हरारे हरिकेन्स के सामने। अब देखना होगा क्या पार्थिव पटेल अपनी पहली जीत दर्ज करेंगे या फिर इयान मॉर्गन की टीम जो है अपनी पहली जीत जो है दर्ज करेगी, क्योंकि दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला, अपने शुरुआती मुकाबले जो है जिम्बाब्वे टी टेन लीग के, हार कर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप सब लोग जुड़ते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और इन्जॉय करते रहिएगा इस मुकाबले को यहाँ पर जिम्बाब्वे चीचन लीग को। रणधीर पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर, कोई है क्या? बिल्कुल है सर जी, हम तो हैं आपके साथ। राहुल कुमार जुड़े हुए हैं, उमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों भाइयों को हाय भाई, कैसे हो आप दोनों भाई? जुड़ते रहिएगा इस मुकाबले में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टाइम की, देखिए 6 बजे टॉस होगा और 6:30 बजे जो है पहला मुकाबला शुरू होगा, मगर उससे पहले बात करेंगे दोनों टीमों की, दोनों टीमें जो है वो किस प्रकार यहाँ पर खेलते नजर आई हैं। बात करते हैं मौसम की, तो मौसम को सूरत की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। जी हाँ, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं ये है मौसम का सूरत हाल। तो जिम्बाब्वे में खेला जाएगा ये मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर। कल जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबले जो हैं हुए थे इस पिच के ऊपर। शाम के समय जब अंडरलाइट मुकाबला खेला गया तो एक स्मॉल टोटल भी जो है डिफेंड होते हुए नजर आया है, मगर इस पिच के ऊपर 100 प्लस रन जो है वो 10 ओवर बनते हुए नजर आए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो एक अच्छी खासी पिच नजर आई है और स्पिनर गेंदबाजों ने, जी हाँ, एक छोटा फॉर्मेट है, 10 ओवर का फॉर्मेट है, मगर स्पिनर गेंदबाजों ने इस पिच के ऊपर जो है दबाव बना के रखा है बल्लेबाजों के ऊपर। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला जाएगा यह मुकाबला। 21.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दिन का मुकाबला है, तो ये कहीं ना कहीं धूप जो है वो काफी हद तक खिली हुई है इस ग्राउंड के ऊपर। बादल जो है छाई नहीं है, पूरी तरीके से धूप जो है पिच के ऊपर पड़ रही है। तो मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं अब स्पिनर गेंदबाजों के हौसले जो हैं वो और ज्यादा बुलंद जाएंगे, क्योंकि अंडरलाइट मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला दिन की रोशनी में खेला जाएगा। है छोटा फॉर्मेट, मगर स्पिनर गेंदबाजों ने कल बता दिया है कि भाई कोई भी फॉर्मेट हो हम जो है की रोल जो है निभाते हुए नजर आते हैं। 82% ह्यूमिडिटी है, 2% चांसेस हैं बारिश होने के। तो उम्मीद यही है कि पूरे 20 ओवर का खेल और पूरे तीन मुकाबले जो दिन में होने हैं वो तीनों मुकाबले होते हुए नजर आएंगे और कोई बारिश जो है बाधा नहीं डालेगी यहां पर। और धूप जो है वो काफी हद तक खिली हुई है यहां पर, तो मुकाबला जो है काफी बढ़िया रहने वाला है। तो समझ गए होंगे मौसम का सूरत हाल। यहां पर 21.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, धूप जो है वो खिली हुई है, 82% ह्यूमिडिटी है, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है और कहीं ना कहीं यहां पर 2% चांसेस हैं बारिश होने के। तो यह है मौसम का सूरत हाल। मौसम जो है वो काफी हद तक जो है काफी अच्छा बना हुआ है और क्रिकेट को लेकर तो भाई एक जबरदस्त मौसम है और ये पिच भी काफी हद तक जो है यहां पर जो है काफी हद तक जो है एक जबरदस्त मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है यहां पर। तो बात करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड की, कि दोनों टीमों के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो जो है टीम के अंदर है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्क्वाड की। तो स्क्वाड में आपके सामने है केप टाउन स्वैम्प आर्मी, यहाँ कल एक अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, करीम जन्नत ने कहीं ना कहीं खराब कर दिया था उस मुकाबले को, मगर बल्लेबाजी से करीम जन्नत ने एक माहौल जो है क्रिएट किया था मुकाबला जीतने का, मगर वो बहुत ही छोटा चांस था। मगर आज देखना होगा ये बल्लेबाजी जो है वो किस तरह से आती है। इस टीम के अंदर जो है रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, शेन विलियम्स हैं इस टीम के अंदर, भानुका राजपक्षा हैं, महेश टेक्सेना है, शेल्डन कॉटरेल टीम के अंदर हैं, करीम जन्नत हैं, चमिका कुरुरत्ने हैं, पीटर हेड्सग्लू ने कल जबरदस्त गेंदबाजी करी है, मैथ्यू ब्रिड्सकी इस टीम के अंदर हैं, रिचर्ड नगरावा ने भी एक अच्छी गेंदबाजी की थी दूसरे ओवर के अंदर, बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करते नजर आए थे यहां पर। चिपास जुआवो जो है ओपन करने आए थे, शायद मेरे हिसाब से पार्थिव पटेल को ओपन करना चाहिए क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं आप शुरुआती 2 ओवर के अंदर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो है वो कर सकते हैं। साथ में हैमिल्टन मैसाकैडजा इस टीम के अंदर हैं, तरिवनेश मुरमा
ईरानी इस टीम के अंदर है, साथ में टिनेशी कुमुनवाकुमी जो है इस टीम के अंदर है, पार्थिव पटेल है, मोहम्मद इरफान है, स्टुअर्ट बिनी है, एक नाम और जोड़ दूँ टॉम करन, जी हाँ टॉम करन भी इस टीम के अंदर है। ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी कल के मुकाबले में, 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए थे, तो आज देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं टॉम करन। तो ये केप टाउन सैम्प आर्मी की है स्क्वाड, और बात करते हैं अब यहाँ पर हरारे हरिकेन्स की। जी हाँ, पहला मुकाबला बल्लेबाजी जो है फसड्डी साबित हुई है, आज देखना होगा क्या होता है, गेंदबाजी भी कुछ खास हुई नहीं, विकटें लेते गए मगर कहीं ना कहीं गेंदबाज जो है वो पिटते भी रहे साथ साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर टीम इस प्रकार है, इयान मॉर्गन जो है वो कप्तान है, मोहम्मद नबी इस टीम के अंदर है, इविन लुइस जो है बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के ही भी इस टीम के अंदर है, रॉबिन उथप्पा है, साथ में जनरल फ्रारिया इस टीम के अंदर है, शहनवाज धानी इस टीम के अंदर है, जुआन जेंसन इस टीम के अंदर है, समित पटेल हैं, केविन कोथगोड़ा जो है इस टीम के अंदर हैं, क्रिस्टोफर मफू इस टीम के अंदर हैं, रेगिस चकम्बावा हैं, लुक जोंगवे इस टीम के अंदर हैं, ब्रैंडन मोहता इस टीम के अंदर हैं, तशिंगा मुखवीवा इस टीम के अंदर हैं, साथ में इरफान पठान हैं, खालिद शाह इस टीम के अंदर हैं, एस श्रीशांत जो हैं वो इस टीम के अंदर हैं। टीम ठीक ठाक लग रही है, बल्लेबाजी ठीक ठाक लग रही है, मगर बल्लेबाजी फॉर्म में नहीं है, इसलिए पहला मुकाबला जो है बहुत ही बुरी तरीके से हरारे हरिकेन्स जो है वो हारते हुए नजर आई है। बाकी अब देखते हैं आज क्या होता है। बाकी दोनों टीमों की अगर बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो दोनों टीमों में देखा जाए तो बल्लेबाजी केप टाउन सैम्प आर्मी की काफ़ी बेहतर नजर आई है, और गेंदबाजी में भी देखें तो केप टाउन सैम्प आर्मी की गेंदबाजी जो है ठीक थी। अगर करीम जन्नत के ओवर्स निकाल दिए जाएँ तो केप टाउन सैम्प आर्मी के सभी गेंदबाजों ने, चाहे पीटर हेड्सग्लू हो, टॉम करन हो, और यहाँ पर जो 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 डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं वो भी जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए थे। यहाँ पर अगर टीम कंपैरिजन को लेकर चलें तो शायद यहाँ पर थोड़ा पलड़ा भारी है केप टाउन सैम्प आर्मी का। अब देखना होगा किस तरीके से मुकाबला होता है। बाकी दोनों टीमों की अगर मैं देखूँ पहले मुकाबले को, तो पहले मुकाबले के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर हरारे हरिकेन्स की टीम सिर्फ और सिर्फ 79 रन बना पाई चेज करते हुए, वहीं अगर बात की जाए केप टाउन सैम्प आर्मी की तो 118 रन तक पहुँचते हुए नजर आए, जहाँ पर पार्थिव पटेल, करीम जन्नत की एक लाजवाब बल्लेबाजी थी, सदन रहमान उल्ला गुरबाज ने भी कुछ अपने शॉट्स दिखाए थे। जरूरत यहां पर भानुका राजपक्षा की है, क्योंकि भानुका राजपक्षा और कहीं ना कहीं रहमानुल्लाह गुरबाज के पास टीचर का काफी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि व्हाट यहां पर पकड़िया, यहाँ पर जो है हरिकेन्स के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, यानी मॉर्गन इस टीम के अंदर है, रॉबिन उथप्पा जो है चीटन खेले हुए हैं वो इस टीम के अंदर है, इविन लुइस हैं। तो देखो टीम में दोनों टीमों के पास जो है वो काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी है जो एक अच्छा खासा प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों टीमों का कंपेरिजन किस तरीके से रहा था पिछला मुकाबला, मगर दोनों टीमें अनफॉर्चुनेटली अपना पहला मुकाबला जो है वो हारते हुए नजर आए थे, और देखने वाली बात रहेगी अब किस तरीके से आज खेल चलता है। बाकी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इन्जॉय करिएगा इस मुकाबले को। 6 बजे होगा टॉस और 6:30 बजे ये मुकाबला जो है वो शुरू होगा। अब बात करेंगे पिच की, भाई पिच किस तरीके से रहने वाली है इस मुकाबले के अंदर, तो पिच भी काफी हद तक जो है बेहतर प्रदर्शन जो है वो करता नजर आई है इस पिच के ऊपर, जो है काफ़ी अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिला है। तो बात करते हैं पिच की, हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला जाएगा ये मुकाबला, और इस पिच पे अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी जो करना जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अनुकूल रहा है, और कल तो देखिए 3 मुकाबले खेले गए, तीनों मुकाबले जो है वो डिफेंड होते हुए नजर आए हैं। तो क्या यही सिनेरियो रहेगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करिए, 110-120 रन बनाइए और टोटल को जो है वो डिफेंड करिए, क्योंकि दूसरी टीम को पास चेज करने की वो क्षमता नहीं है। अब देखते हैं आज क्या रहता है, आज भी डिफेंड होता है या फिर आज चेज होते हुए नजर आएगा, ये देखना होगा। मगर ओवरऑल देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल ये पिच रही है, और इस पिच पर जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर रहा है 3 मुकाबलों का 119 रहा है, मतलब अब कोई भी टीम बल्लेबाजी कर रही है वो 100+ रन बनाते हुए नजर आ रही है इस पिच के ऊपर। और इस पिच पे जो है स्पिनर गेंदबाजियां, उम्मीद नहीं थी मगर स्पिनर गेंदबाजों ने बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी करी है 3 मुकाबलों के अंदर, और विकेट यहां पर चटकाते हुए नजर आते हैं स्पिनर गेंदबाज इस टीचन मुकाबले के अंदर। वैसे इस ग्राउंड पर जो है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जो है मुकाबले जीतते हुए नजर आई है कि 120 रन बनाइए आप, 110-120+ स्कोर खड़ा करिए और टोटल को जो है डिफेंड करिए। तो क्या आज भी सिनेरियो रहेगा कि टॉस जीतकर कप्तान जो है वो पहले बल्लेबाजी करेंगे और 110-120 रन बनाएंगे और टोटल को जो है वो डिफेंड करेंगे, ये देखना होगा। वैसे तो चांसेस यही है कि कप्तान भी मैचेस देख रहे हैं, वो जानते हैं कि एक बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा कर दिया जाए तो फिर आसान नहीं होगा इस पिच के ऊपर जो है वो चेज करना, इसीलिए टॉस जीतकर शायद कप्तान जो है वो आज पहले बल्लेबाजी जो है वो करना चाहे। यहां पर समझ गए पिच के बारे में, बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल है, यहाँ पर जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है वो 119 है, और वहीं अगर बात की जाए तो स्पिनर गेंदबाज ज़्यादा विकेट छटका रहे हैं बृहस्पत तेज गेंदबाजों के यहाँ पर, और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, जी हाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो ज़्यादा मुकाबले जीत चुकी है, 3 मुकाबले हुए, 3 मुकाबले जो हैं पहले बल्लेबाजी करने टीम ने जीते हैं। तो हो सकता है आज भी कप्तान जो है वो टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो है वो लेते हुए नजर आएँ। तो ये है यहाँ पर पिच का सूरत हाल। अगर पिच के स्टेट्स की बात करूँ
तो वो आप देख लीजिएगा, नजर डाल लीजिएगा पिच के स्टैट्स की तरफ। यहाँ पर देखिएगा तीन मुकाबले खेले गए हैं और तीनों मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करने टीम जीते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 119 रहा है, मगर सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर भी 97 रहा है। यहाँ पर हाईएस्ट टोटल 128 का है और लोएस्ट टोटल जो है वो 79 का है। लोएस्ट डिफेंड की अगर बात की जाए तो 128 बताया गया, मगर रात के अगर शाम के मुकाबले को अगर देखेंगे तो 105 रन भी, जी हाँ 105 और 106 रन भी डिफेंड होते हुए नजर आए आपके पास। अगर मजबूत गेंदबाजी है, जी हाँ अगर एक मजबूत गेंदबाजी है तो आप टोटल को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। कल ऐसा ही हुआ था, कल जो है 105 रन भी यहाँ पर डिफेंड करते हुए नजर आई थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जोहान्सबर्ग बफेलो की टीम, तो यही उम्मीद रहेगी आज भी कप्तान कोशिश करेंगे कि टॉस जीती और पहले जो है बल्लेबाजी करिए और पहले बल्लेबाजी करके 110-120 रन का आंकड़ा जो है वो छूइए और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं टोटल को डिफेंड कर लीजिएगा। अगर मैं सिनेरियो देखूं पहले दूसरे मुकाबले, तो पहले मुकाबले में ऐसा हुआ था कि 128 रन बने थे और दूसरी टीम जो है वो 79 रन बना पाई 49 रन से, वहां पर जो है मुकाबला जीत गई टीम। उसके दूसरे मुकाबले में देखेंगे तो 126 रन बने 10 ओवर के अंदर, 3 विकेट नुकसान पर 118 बना पाई दूसरी टीम और 8 रन से उस मुकाबले को जीत लिया। और वहीं अगर मैं तीसरे मुकाबले की बात करूं, शाम के अंडर लाइट्स की बात करें, तो 105 रन बनाए थे पहली टीम ने और दूसरी टीम ने सिर्फ और सिर्फ 95 रन बना पाई और 10 रन से उस मुकाबले जीत लिया। तो अंडर लाइट, मेरे हिसाब से अंडर लाइट चेस करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है बृहस्पत यहाँ पर दिन के मुकाबले में। अब देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पर वेन्यू का स्टेट्स, अब बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन भी। जैसे मैं बताया आपको, यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज जो है वो काफ़ी हद तक दबाव डालते हुए नजर आए हैं, काफ़ी हद तक बल्लेबाजी जो है वो अच्छी करते गेंदबाजी जो है वो अच्छी करते नजर आए हैं। अब देखना होगा आज के इस मुकाबले में किस तरीके से खेल होता है। अगर बात की जाए पेस वर्सेस स्पिन की, तो नज़र डालिएगा आप यहाँ पर 71% विकटेज, जी हाँ 71% विकटेज जो हैं वो स्पिनर गेंदबाज छटकाते नजर आए। तो अगर फैंटेसी टीम बना रहे हैं भैया, दो स्पिनर गेंदबाज एक ऑलराउंडर जरूर रखिएगा। कहीं ना कहीं स्पिनर गेंदबाज इस पिच पे काफ़ी हद तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए विकेट निकाल रहे हैं। 25 विकेट निकाल चुके हैं यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज। वहीं अगर बात की जाए तेज गेंदबाजों की, तेज गेंदबाज सिर्फ 29% विकेट निकाल रहे हैं और एक यहाँ पर जो विकेट निकाली है 17 विकेट निकाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये पिच चल रही है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इन 60 जो 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 दो तीन मुकाबले हुए 60 विकेटें होती हैं उनमें से अगर देखेंगे तो 32 विकेटें गिरी हैं उनमें से 25 विकेटें जो हैं स्पिनर गेंदबाज छटकाते नजर आए। तो अगर फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो स्पिनर गेंदबाजों पर थोड़ा फोकस ज्यादा करिएगा यहां पर। तो ये पिच का सूरत हाल, बाकी पिच के बारे में आपको बता दिया है। बाकी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है, चाहेंगे कि एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखने को मिले। बाकी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। उमेश भाई कह रहे पहला मैच जैकपॉट होगा, सबसे बर्बाद टीम है ये। उमेश भाई देखो, मुकाबला अगर अच्छा हुआ तो मज़ा आएगा इस खेल में। रीटा देवी कह रही हाय सर, हाय रीटा देवी कैसे हैं आप यहाँ पर। इट्स रिमिक्स फंस भाई कह रहे हैं कौन सी टीम जीतेगी। भाई देखिए मेरी तरफ से तो भाई मैं यहाँ पर टॉस के बाद ही बताऊंगा भाई क्या सीनारी रहेगी, क्या प्लेइंग लाइन है, क्योंकि प्लेइंग लाइन पता है लेट मिलती है। मगर ओवरऑल देखा जाए इन तीन मुकाबलों के अंदर जो है पहले बल्लेबाजी करने टीम जीते, तो कोशिश ये रहेगी कि पहले बल्लेबाजी करने टीम के साथ रहें। मगर केपटाउन सैम्प आर्मी जो है यहाँ पर हरिकेन से जो है वो काफ़ी अच्छी टीम है यहाँ पर। फ्रेंडली टीम दो ना भाई, तनिष्क भाई बिल्कुल फैंटेसी टीम बताऊंगा आपको। मैं प्लेइंग 11 की तरफ भी चलूंगा कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो बेहतर है, उस हिसाब से अपने आप फैंटेसी टीम जो है वो बना पाएंगे। बाकी हम भी एडवाइस करते रहेंगे भाई ये खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, ये खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप अपने अंदाजे से जो है वो टीम बना सकते हैं, जो प्रदर्शन जो है वो काफ़ी अच्छे करते नजर आएगी यहाँ पर। बाकी अब चलते हैं जरा यहाँ बात करते हैं व्यूअर्स की। जी हाँ, व्यूअर्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टीम को हमारे व्यूअर्स जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं केपटाउन सैम्प आर्मी। केपटाउन सैम्प आर्मी को 54% लोगों ने वोट किया है, कहा है कि भाई केपटाउन सैम्प आर्मी की टीम जो है इस मुकाबले को जीतते नजर आएगी। 40% लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हरारे हरिकेन्स में वो दम है जो कि केपटाउन सैम्प आर्मी को जो है वो हरा सकती है। तो देखते हैं अब कौन सी टीम जीतता है। बाकी हमारी टीम हम टॉस के बाद देंगे, कि भी टॉस का बताएंगे हम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और किस टीम के साथ जो है वो रहना चाहेंगे यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर केपटाउन सैम्प आर्मी को ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 54% लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हरारी हरिकेन्स को सिर्फ 46% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाकी नेक टू नेक है, दोनों टीमें हार के ही आई हैं और कॉम्बिनेशन जो है दोनों टीमों का काफ़ी बढ़िया। मगर केपटाउन सैम्प आर्मी की जो हार थी उसमें भी अगर देखेंगे कुछ प्लस पॉइंट जो है नजर आए हैं। कमज़ोर कड़ी जो है वो करीम जन्नत नजर आए, मगर करीम जन्नत की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी रही थी। केपटाउन की जो बल्लेबाजी में ओपनिंग जोड़ी रही थी वो
थोड़ा सा चेंज करना होगा, हरा दिया अभी किंग्स को, स्टार्ट अच्छा लेना होगा क्योंकि ओपनर्स भी फॉर्म में नजर आए नहीं है यहाँ पर। तो ये है वहाँ पर विनिंग परसेंटेज। अब चलेंगे जरा प्लेइंग 11 की तरफ, मगर उससे पहले लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। क्या पता मुकाबला आज सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद रहेगी यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखें इस मुकाबले के अंदर तो काफ़ी बढ़िया मुकाबला रहने की उम्मीद है। चलते हैं ज़रा यहाँ पर बात करते हैं प्लेइंग 11 की, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो है वो किस प्रकार जो है वो रहने वाली है यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं हरारे हरिकेन्स की। जी हाँ, कल के मुकाबले में अगर देखा जाए इस टीम के अंदर बल्लेबाजी मुझे ठीक ठाक लगी थी। यान मॉर्गन इस टीम के अंदर थे, रॉबिन उथप्पा इस टीम के अंदर थे, तेंदई मपोसा इस टीम के अंदर थे, साथ में समित पटेल थे, मोहम्मद नबी इस टीम के अंदर थे, इरफान पठान थे, क्रिस मोफू इस टीम के अंदर थे, ब्रैंडन मंगूता इस टीम के अंदर थे, लुक जोंगवे इस टीम के अंदर थे, ननंदे बर्गर इस टीम के अंदर थे, जॉनवन फररिया इस टीम के अंदर थे। देखिए जॉनवन फररिया आपको पता होगा साउथ अफ्रीका T20 लीग के अंदर बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी जो है करते नजर आए थे, मगर आप देखना होगा आज के इस मुकाबले में किस तरीके से खेल होता है। हरारे हरिकेन्स अपना पहला मुकाबला जो है 49 रनों से हार गई थी, तो थोड़ा सा हरारे हरिकेन को अपना बैटिंग ऑर्डर जो है सेटल करना होगा। अगर बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की तो ओपनिंग करने आते हैं इयान मॉर्गन और रॉबिन उथप्पा। जी हाँ, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है, एक दाएं हाथ का बल्लेबाज है। अगर बात की जाए यहां पर सबसे पहले इयान मॉर्गन की, तो कप्तान भी है इस टीम के और इयान मॉर्गन के पास एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास T20 खेलने का, अभी तक T20 लीग के अंदर इनकी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी रही है। 22 T20 मुकाबले जो है वो खेले हैं अबू धाबी में, इन्होंने 405 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट जो एवरेज जो मकरी है, जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 का है और स्ट्राइक रेट जो है 175 का है, और एक बार 50 रन की पारी खेली है, मगर उन्होंने एवरेज देखेंगे तो 25.31 का। जी हाँ, 26 रन प्रति मैच इनका एवरेज है। तो मेरे हिसाब से इयान मॉर्गन जो है वो अच्छी चॉइस रह सकते हैं, क्योंकि इयान मॉर्गन जो है रिटायर हो चुके हैं, 36 वर्षीय हैं, मगर बल्लेबाजी अभी भी उसी तरीके से करते हैं, उसी ताबड़तोड़ तरीके से करते हैं, और अबू धाबी T20 लीग के अंदर बढ़िया प्रदर्शन रहता है इनका इयान मॉर्गन का। मगर पिछले मुकाबले में सिर्फ 6 गेंदों में 7 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए थे, तो थोड़ा सा इयान मॉर्गन को लंबा खेलना पड़ेगा, एक छोर संभाल के चलना पड़ेगा, तभी एक बड़े स्कोर की तरफ, जी यहाँ पर एक बड़े स्कोर की तरफ जो है बढ़ सकती है यहाँ पर हरारे हरिकेन्स की ये टीम। वहीं अगर बात की जाए तो इनके साथी ओपनर हैं रॉबिन उथप्पा। जी हाँ, रॉबिन उथप्पा की बात की जाए तो रॉबिन उथप्पा के पास भी अगर देखा जाए तो T20s के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। पिछले मुकाबले में सिर्फ 4 गेंदे ही खेल पाए और 0 के स्कोर पे, और रॉबिन उथप्पा जो है वो आउट होते हुए नजर आए, और रॉबिन उथप्पा जो है अगर देखा जाए तो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। तो रॉबिन उथप्पा का ये है कि यार लास्ट इस बार IPL भी नहीं खेले थे। अगर इनका T20 करियर देखा जाए रॉबिन उथप्पा का, 13 T20 एक्सपीरियंस है इनको इंटरनेशनल T20s का। 249 रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर 50 का है और 118 का स्ट्राइक रेट। थोड़ा सा IPL का रिकॉर्ड देखें तो IPL का रिकॉर्ड इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, मगर अगर देखा जाए तो 37 वर्ष से ये भी हो चुके हैं और T20 का ज़्यादा एक्सपीरियंस इनको है नहीं, तो हो सकता है कि रॉबिन उथप्पा को कोशिश करनी चाहिए कि पहली गेंद से ही आक्रामक रवैया अपना सकते हैं यहाँ पर, और रॉबिन उथप्पा जो है विकेट कीपिंग कर रहे हैं। और दूसरी टीम से अगर बात की जाए तो पार्थिव पटेल ने अपने पहले मुकाबले के अंदर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो रॉबिन उथप्पा को ना भी लें तो यहाँ पर अच्छा रहेगा शायद। मगर रॉबिन उथप्पा की बात यह है कि रॉबिन उथप्पा ओपन कर रहे हैं, तो हो सकता है ओपन करते हुए 20-22 रन बनाए, मगर पार्थिव पटेल जो है नंबर 6 और नंबर 7 पर खेलने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचना होगा। पार्थिव पटेल ओपन करने आएंगे तब आप पार्थिव पटेल के साथ जा सकते हैं, रॉबिन उथप्पा को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, या इयान मॉर्गन को ड्रॉप कर दीजिए और रॉबिन उथप्पा को आप यहां पर ले सकते हैं। यहां पर अगले खिलाड़ी, जी हाँ अगले खिलाड़ी हैं यहाँ पर जॉनवन फररिया। जी हाँ, जॉनवन फररिया जो है वो नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आए हैं, 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहता है जॉनवन फररिया का। अगर देखा जाए तो पहले मुकाबले के अंदर 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन, जी हाँ 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाते नजर आए थे। साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं और बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी करते हैं, मैं यही कहूँगा ख़राब बल्लेबाजी करते हैं डनन फररिया का। डनन फररिया के देखा जाए तो साउथ अफ्रीका T20 लीग के अंदर, जी हाँ साउथ अफ्रीका T20 लीग इन्होंने खेला था, 10 मुकाबलों के अंदर 164 रन आए थे, स्ट्राइक रेट जो है 136 का रहा था, एवरेज जो है वो 18 का रहा था। वहीं गेंदबाजी की बात की जाए 4 मैचों में 3 विकेट छटकाते हुए नजर आए थे और इकॉनमी जो है वो 6 का रहा था, मगर पिछले मुकाबले में, जी हाँ पिछले मुकाबले में फंस गए थे। गेंदबाजी ये करते नहीं, बल्लेबाजी ये करते हैं, मगर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं जनन फररिया। तो जनन फररिया को एज अ बल्लेबाज आप हमें टीम के अंदर रख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो है अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आएंगे। अब देखना होगा किस तरीके से खेल होता है, मगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा। साथ ही यहाँ पर अगले खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जी अगले खिलाड़ी जो है, क्योंकि देखिए डेनन फररिया को भी एक्सपीरियंस नहीं है T20 खेलने के लिए, पहली बार इस टूर्नामेंट को खेल रहे
रहे हैं, थोड़ा सा इनके लिए भी एडजस्टमेंट मुश्किल है। जिस तरीके से टिम शेफर्ड भी एक्सपीरियंस नहीं था टी टेन खेलने, मगर कल के मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी बता दिया था कि भाई हर गेंद पर आपको अटैक करना है, मगर अटैक करते करते आपको ये भी समझना है कि आपको अपना स्ट्राइक रेट जो है संभाल के रखना है, गेंदें लेनी है, मगर गेंदों के लेते लेते साथ साथ में अगर देखा जाए कुछ बड़े शॉट्स भी यहाँ पर खेलने हैं तो वही काम टेंडन फ्रेरे करना होगा नंबर तीन पर आकर। वैसे ओपनिंग में तो यान मॉर्गन और रॉबिन उथप्पा एक बड़े एक्सपीरियंस बल्लेबाज के बाद टेंडन फ्रेरिया नंबर तीन पे खेल रहे हैं। यहाँ पर नंबर चार पे, जी हाँ नंबर चार पे आते हैं यहाँ पर मोहम्मद नबी। जी मोहम्मद नबी की मैं कहूँगा स्टार्ट अच्छा था, काफ़ी बढ़िया स्टार्ट रहा है, 14 गेंदों में 22 रन बनाए थे पहले मुकाबले के अंदर और लगा था कि भाई हाँ मोहम्मद नबी जो हैं काफ़ी बढ़िया जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर मोहम्मद नबी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सिर्फ गेंदबाजी नहीं की पिछले मुकाबले में, बल्लेबाजी की ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया कि मोहम्मद नबी ने कि पहले मुकाबले के अंदर गेंदबाजी नहीं की। शायद पहला मुकाबला था पिच को समझ रहे थे, मगर अब समझ लिया होगा हरारी हरिकेन्स की टीम ने कि भैया मोहम्मद नबी को तो बल्लेबाजी तो करवानी है साथ साथ में गेंदबाजी भी करवानी है। कहेंगे कल के मुकाबले में बिल्कुल भी गेंदबाजी जो है नहीं की, क्योंकि स्पिनर गेंदबाजों को मदद कर रही है पिच और मोहम्मद नबी तो जाने जाते हैं कहीं ना कहीं रनों को रोकने के लिए, विकेट लेने के लिए। अगर मोहम्मद नबी ही गेंदबाजी नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे तो काम बनेगा नहीं, कि बल्लेबाजी तो ये ठीक कर रहे हैं। अगर देखा जाए अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर भी इन्होंने एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी है, अपनी टीम को जो है एक अच्छे सक्सेस को बनाया है, मगर देखा जाए टी टेन के करियर के अंदर तो थोड़ा सा टी टेन में चलते हैं जरा इनको, 8 मुकाबलों का एक्सपीरियंस है टी टेन के अंदर, 39 रन बनाए हैं, हाइएस्ट स्कोर जो है वो 21 का है। अगर मैं बात करूँ स्ट्राइक रेट का, 157 का स्ट्राइक रेट रहा है, एवरेज जो है वो 13 का रहा है, और गेंदबाजी की बात करूं तो ज़्यादा गेंदबाजी इन्होंने टी टेन में करी भी नहीं है। देखिए करते भी नहीं है टी टेन में गेंदबाजी, मगर करना चाहिए क्योंकि इस पिच के ऊपर देखेंगे मोहम्मद हफीज़ ने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई, 12 गेंदों के अंदर 6 विकेट ले गए, तो शायद मोहम्मद नबी भी इस पिच के ऊपर शायद थोड़ी बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी अगर करेंगे तो शायद मुकाबला जो है हरिकेन्स को एक और गेंदबाज मिल जाएगा जो मिडिल ओवर्स में आके चौथे पांचवें ओवर के अंदर आकर अपनी टीम के लिए जो है कुछ रन्स बचा भी रहा है प्लस विकेट निकाल रहा है। बाकी 100 बॉल टूर्नामेंट भी खेलते हैं मोहम्मद नबी, अगर इनको देखा जाए तो वहाँ पर भी 6 मुकाबले 100 बॉल्स में खेले हैं उन्होंने और 6 विकेट छटकाए, इकॉनमी जो है 5.63 का रहा है। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद नबी को गेंदबाजी भी करनी चाहिए, बल्लेबाजी नो डाउट 14 गेंदों के अंदर 22 रन बनाते नजर आए हैं, 2 चौके छक्का लगाए, तो बल्लेबाजी में इनफॉर्म बल्लेबाज है नंबर 4 के लिए बेस्ट है हरारे हरिकेन्स के लिए। यहाँ पर नंबर 5 पे आते हैं समित पटेल। समित पटेल भी एज ऑलराउंडर टीम के अंदर खेल रहे हैं, वैसे ऑलराउंडर ही हैं समित पटेल। समित पटेल गेंदबाजी भी करते हैं प्लस बल्लेबाजी भी करते नजर आते हैं और अबूधाबी टी टेन लीग में, जी हाँ अबूधाबी टी टेन लीग इन्होंने खेली हुई है, 15 मुकाबलों का एक्सपीरियंस है, 11 मुकाबलों के अंदर जो है वो बल्लेबाजी इन्होंने करी है और 151 रन, जी हाँ 151 रन बनाते नजर आए हैं, 21 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और देखा जाए स्ट्राइक रेट तो 153 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो समित पटेल भी नंबर 5 बल्लेबाज है, नंबर 5 बल्लेबाजी कर सकते हैं और प्लस गेंदबाजी भी करते हैं। गेंदबाजी को उठा के देखो मैं इनकी तो अबूधाबी टी टेन लीग में ये भी ज़्यादा गेंदबाजी करते नजर नहीं आए हैं, 15 मुकाबलों के अंदर सिर्फ 7 बार गेंदबाजी करी है, 3 विकेट है, तो इकॉनमी जो है वो काफी ज्यादा ही 17.06 की है, तो इसीलिए समित पटेल जो है नंबर 5 बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी से योगदान दे नहीं रहे हैं। मगर मेरे हिसाब से दोनों मिलकर भी अगर एक एक ओवर डाल दें तो शायद हरारे हरिकेन्स की टीम को शायद 2 ओवर की सिक्योरिटी जो है वो मिल जाए, क्योंकि देखिए समित पटेल भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज हैं, गेंदबाजी जो है वो काफ़ी बढ़िया करते हैं प्लस बल्लेबाजी करते हैं। अगर मोहम्मद नबी और समित पटेल मिलकर अगर एक एक ओवर भी डाल दें तो ये पिच भी सूट कर रही है स्पिनर गेंदबाजों को, तो शायद एक अच्छा खासा मुकाबला जो है हमें देखने को मिल जाएगा, एक अच्छी खासी गेंदबाजी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे खेल रहे हैं समित पटेल, बल्लेबाजी जो है अच्छी करते हैं। नंबर 6 पे, जी हाँ नंबर 6 पे खेल रहे हैं यहाँ पर इरफान पठान, नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं इरफान पठान, 7 गेंदों में 15 रन बनाते हुए नजर आए हैं और अगर देखा जाए तो गेंदबाजी की तरफ चलें तो यहाँ पर 30 रन दिए हैं। जी हाँ यहाँ पर अगर बात की जाए तो गेंदबाजी भी, हाँ मकई गेंदबाजी भी इरफान पठान ने भी नहीं करी है, वाह क्या हमारे खिलाड़ी जो है गेंदबाजी भी नहीं करेंगे क्या, जी हाँ बिल्कुल गेंदबाजी भी नहीं करी है, तो थोड़ा सा 3 ऑलराउंडर टीम के अंदर हैं, जो तीनों ऑलराउंडर हैं ना वो गेंदबाजी कर रहे हैं सिर्फ बल्लेबाजी पे फोकस कर रहे हैं, तो 3 ऑलराउंडर रखे फ़ायदा क्या है।
यहाँ पर तो तीन ऑलराउंडर का फायदा क्या है हरारे हरिकेन्स को, अगर टीम के अंदर गेंदबाजी ही नहीं कराना तो इरफान पठान भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए इरफान पठान जो है वो पहला ओवर अच्छा डाल सकते हैं, अगर पहले ओवर में गेंदबाजी करें, नई गेंद के साथ गेंदबाजी करें तो शायद आपके लिए शुरुआती जो ओवर होता है पहला ओवर एक ओवर डाल सकते हैं। मिडिल ओवर्स के लिए आपको समित पटेल है, मोहम्मद नबी, तो इतने सारे चॉइसिस हैं ईरान मॉर्गन के पास। शायद ईरान मॉर्गन को बताना पड़ेगा भैया इरफान पठान ऑलराउंडर है, साथ में समित पटेल भी हैं, मोहम्मद नबी। चलो इरफान पठान की बात मैं करूँ तो एक अच्छे से गेंदबाज है, नई गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी करता है। मेरे हिसाब से पठान को भी वो डालना चाहिए कि नो डाउट बल्लेबाजी जो है पठान की ठीक ठाक रही थी, 7 गेंदों के अंदर 15 रन मात्र नजर आए थे, 3 चौके लगाए थे। और इरफान पठान जो है मगर वो 38 वर्ष से खिलाड़ी हैं, शायद बहुत ज्यादा बल्लेबाजी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यार अगर देखा जाए तो लेजेंड्स लीग में गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते नजर आए हैं इरफान पठान। तो मेरे हिसाब से तो यार शुरुआती पहला ओवर डाल दें, क्या पता गेंद हल्का फुल्का मूव हो तो शुरुआती विकेट्स लेने में कामयाब रहे इरफान पठान यहां पर। तो ये यहां पर बल्लेबाजी यूनिट, यहां पर फ्रायन मॉर्गन है, रोमनो थप्पा है, ओपनिंग जोड़ी नंबर 3 पे आएंगे डेनियल फरारिया, नंबर 4 पे आएंगे यहां पर मोहम्मद नबी, नंबर 5 समित पटेल और नंबर 6 पे इरफान पठान जो है वो खेलते नजर आ रहे हैं। नंबर 7 पे आए हैं यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए जी हां लुक जोंगवे वैसे ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं, राइट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं और राइट आर्म मीडियम फास्टर गेंदबाज। और लुक जोंगवे ने बता दिया है भैया टीटन किस तरीके से खेलना है अपने साथी खिलाड़ियों को, लुक जोंगवे ने, और 10 गेंदों में 20 रन बनाते हुए नजर आए थे लुक जोंगवे। जी हाँ, लाजवाब बल्लेबाजी की थी लुक जोंगवे ने, 2 चौके और 1 छक्का लगाया था। स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए पिछले मुकाबलों में तो इरफान पठान और लुक जोंगवे दोनों जो हैं 200 के स्ट्राइकर से बल्लेबाजी करें, तो देखिए मिडिल ऑर्डर तो स्ट्रांग ही है, मोहम्मद नबी हैं, समित पटेल हैं, इरफान पठान और लुक जोंगवे जैसे बल्लेबाज हैं, तो मिडिल ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा टॉप ऑर्डर को मानना होगा, खासकर ईरान मॉर्गन, रोमन थप्पा और डैनियल फरारिया को। तो यहाँ पर लुक जोंगवे की बात की जाए तो बल्लेबाजी सुपर डुपर हिट रही थी, अगर मैं गेंदबाजी की तरफ चलूँ तो गेंदबाजी में थोड़ा सा मार पड़ी थी, 22 रन दिए थे और 1 विकेट झटकाते हुए नजर आए थे लुक जोंगवे। एज अ ऑलराउंडर आप लुक जोंगवे कर सकते हैं, इकोनॉमी जो है वो 11 की रही थी, तो हो सकता है यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाज गेंदबाजी जो है करते नजर आए, बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आए। अगर लुक जोंगवे इतने हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं तो शायद थोड़ा सा ऊपर भी खेल सकते हैं, नंबर 5 पे आ सकते हैं बल्लेबाजी करेंगे, नंबर 6 पे समित पटेल, नंबर 7 पे इरफान पठान खेल सकते हैं। मगर इरफान पठान की दिक्कत ये कि अगर शुरुआती एक ओवर डाल दें, एक ओवर या पहला ओवर अच्छा चला गया दूसरा भी डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करें तो शायद विकेटकीपर को ऊपर लाकर जो है वो बल्लेबाज से प्रेशर बना सकते हैं नई गेंद के साथ, या मोहम्मद नबी जो है वो शुरुआत का पहला ओवर डाल सकते हैं नई गेंद के साथ। तो ऐसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद के साथ आपके लिए शुरुआती ओवर्स जो है वो डाल सकते हैं, और मोहम्मद नबी और समित पटेल जो है स्पिन गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी इरफान पठान भी एक आधा ओवर मिडिल ओवर्स में डाल सकते हैं। तो ये है पूरा बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर हरारे हरिकेन्स का, ईरान मॉर्गन और रोमनो थप्पा ओपन, नंबर 3 पे डैनियल फरारिया, नंबर 4 पे मोहम्मद नबी, नंबर 5 समित पटेल, नंबर 6 पे इरफान पठान, नंबर 7 पे लुक जोंगवे जो है वो खेलते नजर आते हैं। यहाँ पर चलेंगे जरा गेंदबाजी की तरफ, उससे पहले लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहेगा। चंदन बोल रहे भाई ड्रीम इलेवन में टीम बनाया था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, बांग्लादेश वर्सेस मैच टाई हो गया है और पैसे वापस आएंगे, भाई लीग चल रही थी वहाँ पर चंदन कुमार भाई, वहाँ पर जीत हार थोड़ा खेली थी आपने, वहाँ पर तो प्लेयर्स खेले थे, प्लेयर की बैटिंग तो पूरी आई होगी, गेंदबाजी अच्छी हुई होगी, रन बने होंगे तो एक लीग बनी होगी, लिस्ट बनी होगी, ऐसा नहीं टाई पे पैसे वापस होते हैं भाई, वहाँ बारिश में आने पर पैसे वापस सुने हैं, टाई पे तो नहीं सुने आते हुए यहाँ पर। खेला हो बे पहला हो बे यहाँ पर कह रहे हैं द्विवेदी भाई, देखिए खेला होने की उम्मीद है, टीटन लीग है, अभी शुरुआत हुई है जिम्बाब्वे में और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे खिलाड़ी थोड़ा सा सेटल कर रहे हैं, क्योंकि यार वो T20 खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते थे, और कहीं ना कहीं ये टीटन लीग थोड़ी नई है तो इसको एडजस्टमेंट करने में आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको पहली गेंद से ही ड्रेसिंग रूम सेट होकर आना पड़ता है, आते ही रन बनाने पड़ते हैं, आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है अपनी गेंदबाजी के अंदर की 2 ओवर जो है वो अच्छी तरीके डालना होगा। यहाँ पर अमित राणा भाई जुड़ चुके हैं, राम राम भाई जी, राम राम अमित भाई, कैसे आप जुड़े हैं हमारे साथ इस मुकाबले में, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहां पर और स्ट्रीम को शेयर करते रहिएगा, सब बढ़िया, बिल्कुल अमित राणा भाई सब बढ़िया है। चलेंगे जरा गेंदबाजी की तरफ, जी हां गेंदबाजी में अगर देखा जाए यहां पर नांद्र ब्रुगर जो है टीम के अंदर थे गेंदबाजी के लिए, क्रिस मफू या इस टीम में थे, और साथ में अगर बात की जाए तो टी मफोसा ने भी गेंदबाजी के लिए थे यहाँ पर, तीनों देंदा मफोसा इस टीम के अंदर गेंदबाजी के लिए थे, और बी मोवता भी, ब्रेंडन मवूता भी इस टीम के अंदर गेंदबाजी के लिए थे। तो चलिए बात करते हैं गेंदबाजी के लिए, नंदे बर्गर की बात करते हैं, 2 ओवर किए, 26 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, अच्छी गेंदबाजी कहूँगा मैं,
ठीक ठाक गेंदबाजी थी मगर इससे बढ़िया कर सकते थे। लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं नांद्रे बर्गर जो है वो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अगर मैं करियर को उठा के देखूँ तो यहाँ पर जिम्बाब्वे के अंदर पहले मुकाबले के अंदर ही विकेट चटकाया है और टीटन लीग साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है, टीटन लीग पहली बार खेल रहे हैं और पहली बार में ही इतनी बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि टीटन के अंदर अगर आपकी इकॉनमी जो है वो 10 या 11 के आसपास है वो ठीक है, मगर यहाँ पर थोड़ा इकॉनमी जो है थोड़ा ज़्यादा हो गई, यहाँ पर 13 रन की हो गई, शायद इससे बेहतर भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मगर साथ साथ में दो विकेट भी चटकाते हुए नजर आए थे नांदे बर्गर। अगर इकॉनमी को कंट्रोल कर लें तो शायद यहाँ पर नांदे बर्गर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी जो है वो कर सकते हैं। भारत तेज गेंदबाज है और फैंटेसी टीम को इनको टीम में रख सकते हैं यहाँ पर। साथ में एक और गेंदबाज यहां पर है क्रिस्टोफर मफूफू। जी हाँ, क्रिस्टोफर मफूफू की बात की जाए तो यार बहुत अच्छी गेंदबाजी है, मैं कहूंगा नहीं गलत नहीं है, क्योंकि यार दो ओवर में किए इन्होंने 19 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, मगर इकॉनमी अगर देखेंगे तो सबसे बेस्ट रही है। राइट आर्म मीडियम फास्टर गेंदबाज हैं जिम्बाब्वे के, तो शायद आज भी उसी तरह की गेंदबाजी जो है वो करते नजर आएंगे। जहां पर इनकी टीम में सबसे टीम ने जो है टीम के गेंदबाजों की मार पड़ी है, इनको मार नहीं पड़ी, पहले मुकाबले के अंदर 19 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, 9.50 का लोकल खिलाड़ी है कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर मफूफू, और मेरे हिसाब से तो भैया गेंदबाजी उन्होंने काफी अच्छी करी थी। तो एज ए गेंदबाज अगर आप नांदे बर्गर को नहीं रख रहे हैं तो आप ब्रेंडन यहां पर जो है मफूह को रख सकते हैं, यहां पर क्रिस मफूह को रख सकते हैं टीम के अंदर, गेंदबाजी जो है वो काफी अच्छी करेंगे यहां पर। अगले गेंदबाज की तरफ बढ़ते हैं। अगले गेंदबाज है यहां पर तिनोंदा मपोसा की अगर बात की जाए, क्या लाजवाब गेंदबाजी रही है, 30 रन दिए जरूर मगर दो विकेट छटकाए हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। यहाँ पर तिनोंदो मपोसा को राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते, देखिए स्पिनर गेंदबाजों को जमकर विकेट मिली है कल के दिन, और मेरे को लगता है आज भी स्पिनर गेंदबाज जो हैं वो कायल रहेंगे। और अगर बात की जाए तो इस मुकाबले में यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर जो है गेंदबाजी स्पिनर गेंदबाज जो है वो काफ़ी बेहतर करते नजर आएंगे, मुझे लगता है ये फिर आज भी तिनोंदो मफोसा जो है वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। है स्पिनर गेंदबाज मगर मार पड़ी थी पिछले मुकाबले के अंदर, अगर बात करें एक्सपीरियंस नहीं है टीटन खेलने का, अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो ओवर किए 30 रन दिए, दो विकेट छटकाए और 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से दिए, तो यहीं तो मैं कह रहा था हरारी खेन्स यहाँ पर एक ओवर नबी को दे सकता है, एक ओवर जो है यहाँ पर मपोसा को दे सकता है, एक ओवर समित पटेल, तो तीन ओवर स्पिन के हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली। तेज गेंदबाजी के लिए आप नांदे बर्गर को एक ओवर दे सकते हैं, फर्नांडिस को डाल दें यहाँ पर, और साथ में अगर बात की जाए तो मफूफू दो ओवर डाल देंगे तो गेंदबाजी जो है वो रोटेट होती रहेगी, क्योंकि एक गेंदबाज अगर दो ओवर पूरे करता है तो ठीक है ये भी अच्छी बात है, मगर कहीं ना कहीं वो मार्क पड़ रही है उसको भी आपको कंट्रोल करना होगा यहाँ पर। अगले गेंदबाज हैं यहाँ पर बी मऊता। जी हाँ, ब्रेंडन मऊता, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी थी पिछले मुकाबले के अंदर, पहले मुकाबले के अंदर 25 रन देकर 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे, इकॉनमी जो है 12.5 की थी, और राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर गेंदबाज। जी हाँ, राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर गेंदबाज, इनको रख लीजिएगा ब्रेंडन मऊता को रख लीजिएगा, अच्छी गेंदबाजी करेंगे और लेग स्पिन गेंदबाजी करते तो विकेट निकालेंगे, है जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है और राइट आर्म लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, मगर बल्लेबाजी का मौका मिलेगा नहीं ब्रेंडन मऊता को और विकेट छटकाएंगे। मैं पिछले मुकाबले की बात करूँ, नांदे बर्गर को दो विकेट मिले थे, यहाँ पर मपोसा को दो विकेट मिले थे और मऊता को 3 विकेट मिले थे, तो गेंदबाजी में दम है विकेट निकालने का, मगर थोड़ा सा इकोनॉमी को कंट्रोल करना होगा, अगर इकोनॉमी कंट्रोल कर पाएंगे तभी यहाँ पर गेम रहेगा। यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं और क्या होगा इस मुकाबले का देखते हैं, मगर ये टीम रहेगी हरारी हरिकेन्स की, कुछ एक आधा चेंजेस जो है वो होंगे वो आपको बताएंगे यहाँ पर। यान मॉर्गन, रवि उथप्पा, तिनोंदो मफोसा और समित पटेल, मोहम्मद नबी, इरफान पठान, क्रिस मफू और ब्रेंडन मऊता लुक जाओगे जो है वो ऑलराउंडर की भूमिका में रहेंगे, नांदे बर्गर हैं, डरन फरारिया जो है इस टीम के अंदर है, मगर हरारी हरिकेन्स को यानी मोहम्मद नबी और समित पटेल को भी चांस देना होगा गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि यार अगर मोहम्मद नबी गेंदबाजी कर जाए तो शायद हो सकता है आपकी टीम के लिए विकेट भी निकालें प्लस रन भी ना जाने दें, तो थोड़ा सा इकॉनमी कंट्रोल हो जाएगी, यान मॉर्गन को सोचना होगा मोहम्मद नबी के लिए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर पहली टीम हरारी हरिकेन्स की। अब चलेंगे ज़रा बात करेंगे केप टाउन सैम्प आर्मी की, जहाँ पर बल्लेबाजी जो है काफ़ी ठीक ठाक रही थी, गेंदबाजी भी कहूँगा ठीक ठाक रही थी, करीम जन्नत की याद मत दिलाइएगा, करीम जन्नत ने थोड़ा सा गेम को ख़राब कर दिया था अगर देखा जाए तो, नहीं तो पूरी टीम ने काफ़ी बेहतर गेंदबाजी की थी, स्टार्ट अच्छा होने के बावजूद
जी, स्टार्ट बढ़िया होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर लगा था कि रन बनेंगे, पर उसके बाद गेंदबाजी जो है वो काफी अच्छी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर केप टाउन सैम्प आर्मी की। इस टीम के अंदर रहमन लो गुरबाज हैं, साथ में कैपस जुआवो इस टीम के अंदर हैं, भानुका राजपक्षा हैं, शेन विलियम्स इस टीम के अंदर हैं, पार्थिव पटेल हैं, जॉनथन कैम्बेल इस टीम के अंदर हैं, करीम जन्नत हैं, टॉम करन हैं, पीटर हेड्सगुलू है, मुजीबुल रहमान है और रिचर्ड नगरवावा जो है इस टीम के अंदर हैं। तो थोड़ा सा सोच रहा होगा करीम जन्नत के लिए, क्योंकि यार करीम जन्नत जो है पिछले मुकाबले में 23-24 रन प्रति ओवर के हिसाब से पीटे थे, तो गेंदबाजी भरोसा नहीं कर सकते, और आखिरी ओवर्स तो करीम जन्नत को दे ही नहीं सकते यहाँ पर। थोड़ा सा ओपनिंग में भी चेंज करना चाहिए, क्रिस जुआवो जो है वो उस तरीके की बल्लेबाजी जो है वो करते नजर नहीं आए हैं, तो मेरे हिसाब से तो क्रिस जुआवो को चेंज करके शायद पार्थिव पटेल अगर ओपन करने आ जाए तो बेटर रहेगा। पार्थिव पटेल, करीम जन्नत ने भी टी10 के अंदर जो है कई बार एक दो मैच में अबू धाबी टी10 लीग के अंदर बल्लेबाजी अच्छी करी है, साथ में टॉम करन भी हैं, टॉम करन भी बल्ले अच्छे घुमाते हैं, तो थोड़ा सा सोचना होगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्या सोचते हैं, चलते हैं जरा इनके स्टेट्स की तरफ, और यहाँ पर जो है विनिंग टीम में टॉस के बताऊंगा कि टॉस के बाद हमारी टीम कौन सी रहेगी, अब बताएंगे आपको टॉस के बाद। तो जुड़ते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और चलते हैं जरा टीम की तरफ। जी हाँ, इस टीम के अंदर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी करने आए थे यहाँ पर हमने लोग गुरबाज, ठीक स्टार्ट था शायद का, यहाँ पर ऐसा लगा कि पिच को थोड़ा समझने में गलती कर गए थे, और यहाँ पर रहमन लो गुरबाज स्टार्ट अच्छा मिला था, बड़ा शॉट लगाने गए थे और अपना विकेट जो है वो गवा दिया था। तो 8 रन से मैच हारे थे, मगर बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो नीचे के बल्लेबाज डाउन द ऑर्डर आके करीम जन्नत और पार्थिव पटेल ने एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। रहमन लो गुरबाज ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए थे और 4 चौके जो है वो लगाए थे, स्ट्राइक रेट 147 खत्म। मगर रहमन लो गुरबाज को एक्सपीरियंस बहुत टी10 लीग खेलने का, अगर मैं टी10 लीग की बात करूँ तो रहमन लो गुरबाज के पास एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। अबू धाबी टी10 लीग के अंदर भी रहमन लो गुरबाज ने 23 मुकाबले खेले हैं, 534 रन नए हाई स्कोर जो है 70 रहा है, और स्ट्राइक रेट जो है 207 कराता है। शायद इस पिच को समझ नहीं पाए कि स्पिनर गेंदबाज यहां पर ज़्यादा कामयाब नजर आएंगे, तो थोड़ा सा स्पिन को और बेहतर खेलना होगा और टीम का स्कोर जो है वो आगे बचाना होगा। मगर ओवरऑल देखा जाए टी20 के अंदर आप रहमन उल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर रख नहीं सकते, तो रहमन उल्लाह गुरबाज को टीम में रख लीजिएगा, आज अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आएंगे, क्योंकि 23 मुकाबलों में 534 रन बनाए और पहले मुकाबले में भी 13 गेंदों में 19 रन बनाए थे। स्टार्ट काफ़ी अच्छा था यहाँ पर रहमन उल्लाह गुरबाज का, मगर कहते हैं ना कि टीम को जीत दिला नहीं पाए, और अगर चलते तो शायद टीम को जीत दिला देते, मगर उस तरीके की बल्लेबाजी रही नहीं है। मगर टी10 के अंदर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इनको टीम में रख लीजिएगा, अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आएंगे यहाँ पर। दूसरे इनके साथ बल्लेबाजी करने आए हैं, बल्लेबाजी करने आए थे, इनका नाम था कैपस जुआवो जो है इनका नाम था यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर देखें तो 8 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस इनको है नहीं, टी20s का भी ज़्यादा खेले नहीं है, 7 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 48 रन बनाए थे। इनकी बल्लेबाजी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी जो है कुछ खास है नहीं, है लोकल खिलाड़ी, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी भी कर सकते हैं, मगर गेंदबाजी उन्होंने करी नहीं थी और सिर्फ बल्लेबाजी के लिए उतारा गया थे, ओपनिंग करने आए थे। और मैं वही कहूँगा पार्थिव पटेल को भी अगर सोचे तो शायद उनको ओपनिंग करने आना चाहिए, या फिर करीम जन्नत को भेज सकते हैं, करीम जन्नत भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, या फिर शेन विलियम्स खेल सकते हैं ओपन आकर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ओपनिंग को बदलना होगा, क्योंकि यार शुरुआत में जो 4 खिलाड़ी होते हैं ना, वही जो है टी10 के अंदर ज़्यादातर रन बनाते रहते हैं, एक खिलाड़ी लंबी पारी खेलता है, बाकी 3-4 खिलाड़ी जो होते हैं वो उनका साथ देकर जैसे 5 गेंदों में 15 रन बनाकर या 5 गेंदों में 10 रन बनाकर जो है वो जाते हैं, मगर एक जो खिलाड़ी होता है जो ठीक के खेलता है, जो एक बड़ी पारी खेलता है या 7-8 ओवर तक बल्लेबाजी करता है, वो शायद रहमन लो गुरबाज और भानुका राजपक्षा जैसे और शेन विलियम्स जैसे बल्लेबाज है। तो थोड़ा सा ओपनिंग में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आकर इनके ऊपर से प्रेशर हटा दे, तेजी से बल्लेबाजी करे, सिर्फ 2 ओवर का पावर प्ले होता है, इन 2 ओवर के पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज कर ले, जिससे स्टार्ट जो है अच्छा मिल जाए यहां पर केप टाउन सैम्प आर्मी को। तो थोड़ा सा यहाँ पर बल्लेबाजी में थोड़ा सा सोचना होगा यहाँ पर, देखते हैं क्या सोचते हैं आज। तो ये है कि यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी केप टाउन सैम्प आर्मी के नंबर 3 पे, जी हाँ, नंबर 3 पे आए थे भानुका राजपक्षा, नो डाउट ये भी एक टी10 जो है इनके पास भी एक्सपीरियंस है, 9 टी10 मुकाबले इन्होंने खेले हैं। भानुका राजपक्षा ने 249 रन बनाए हैं, और अगर बात की जाए हाइएस्ट की 164 है, और स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो 194 का स्ट्राइक रेट है भानुका राजपक्षा का, 3 बार अर्धशतक लगा चुके हैं टी10 के अंदर। ये अबू धाबी टी10 लीग की बात कर रहा हूँ कि इनका भानुका राजपक्षा का बल्लेबाजी का अंदाज जो है वो काफ़ी अच्छा है, और अच्छी बात यह कि भानुका राजपक्षा स्पिन भी अच्छा खेलते हैं और पेस पे भी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, और कल आते ही चौके छक्के लगाने की स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ 10 गेंदों में 14 रन
बनाए थे भानुकर राजपक्षा ने, मगर एज अ देखा जाए केपटाउन सैम्प आर्मी से दो अगर टी10 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज अगर देखेंगे तो एक रहमानुल्लाह गुरबाज है और एक भानुकर राजपक्षा है। तो भानुकर राजपक्षा को भी आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं, बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी करते नजर आएंगे यहाँ पर। अमित भाई कह रहे कच्चा बादाम, भाई कच्चा बादाम खा लीजिएगा भाई। यासिर तक भाई जुड़ चुके हैं, क्या हाल भाई, बढ़िया। यासिर भाई आप सुनाइएगा, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, लाइक नहीं कर रहे, लाइक करते रहिए भैया, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। तो ये नंबर 3 के बल्लेबाज भानुकर राजपक्षा टीम में रख लीजिएगा, बल्लेबाजी अच्छी करेंगे यहाँ पर। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए तो शेन विलियम्स देखा जाए तो यार नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर ही क्यों रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो शेन विलियम्स को टी10 के अंदर ये भी ओपन कर सकते हैं, भारतीय बैटर नहीं आ रहे ओपन करने के लिए, और शेन विलियम्स ओपन कर सकते हैं यार। इस पिच को भली भांति जानते हैं, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इतने मुकाबले उन्होंने खेले हैं शेन विलियम्स ने, और बल्लेबाजी में इतने रन बनाए हैं, तो मेरे हिसाब से शेन विलियम्स को ओपन कर देना चाहिए और आकर बल्लेबाजी जो है वो करनी चाहिए, ताबड़तोड़ रन बनाने चाहिए। पहले मुकाबले के अंदर पहली गेंद पर LBW आउट हो गए थे, मगर मेरे हिसाब से इस प्लेयर के पास कैपेबिलिटी है रन बनाने की। लेफ्ट हैंडेड मिड ऑर्डर बल्लेबाज है प्लस लेफ्ट आर्म और थोड़ा स्पिन गेंदबाजी करते हैं, अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से शेन विलियम्स जो है वो ओपन कर सकते हैं और अब टीम के लिए काफ़ी रन्स जो हैं बटोर सकते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे के लिए भी यार शेन विलियम्स जो हैं कई बार जो है ऊपर आकर बल्लेबाजी करे, तो मेरे हिसाब से नंबर 4 की पोजीशन छोड़कर शेन विलियम्स को ओपन करना चाहिए, क्योंकि जब तक ओपन नहीं सुधारेंगे तब तक मिड ऑर्डर बल्लेबाज कुछ नहीं सकते। बाकी शेन विलियम्स भी एक अच्छे बल्लेबाज है, शेन विलियम्स को भी आप टीम में रख सकते हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे शेन विलियम्स यहाँ पर। तो बात करते हैं नंबर 5 की तरफ। जी हाँ, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे करीम जन्नत। इनका नाम सुनकर थोड़े से गुस्सा जरूर आ रहा है किसने मुकाबले के अंदर, क्योंकि गेंदबाजी कर स्टैट्स दिखाऊंगा तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे किस तरीके की गेंदबाजी जो है की थी करीम जन्नत ने। 2 ओवर किए थे, सिर्फ 2 ही ओवर किए थे, 46 रन दिए थे, आए तो 50 रन थे मगर एक लेग बाय का चौका आ गया था और कहीं ना कहीं इनके 4 रन जो है वो जुड़े नहीं इनके खाते में। और देखा जाए तो 2 ओवर में 46 रन, गेंदबाजी नो डाउट ठीक करते हैं मगर इस पिचों के ऊपर जो है इनकी गेंदबाजी में उतना दम दिखा नहीं है, और पहले मुकाबले के अंदर जिस तरह पिटाई हुई है उतना कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है। अगर मैं इनका आबूधाबी टी10 लीग का रिकॉर्ड देखूं गेंदबाजी का तो 24 मुकाबलों में से 21 मुकाबलों में गेंदबाजी करी है, 17 विकेट छटकाए हैं, इकॉनमी वही 10.42 की रहती है, 11 के आसपास इनकी इकॉनमी रहती है करीम जन्नत की। थोड़ा सा रोटेट सही से करना होगा पार्थिव पटेल को, क्योंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है करीम जन्नत, अफगानिस्तान टीम इनको खुद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मानती नहीं है, इसीलिए शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी करवा देती है, मगर थोड़ा सा करीम जन्नत को अपनी गेंदबाजी पे थोड़ा ख्याल रखना होगा। अगर 46 रन उठाते रहेंगे और टीम ऐसे ही हारती रहेगी, मगर बल्लेबाजी में नो डाउट बल्लेबाजी इन्होंने अच्छी की थी, 13 गेंदों के अंदर 30 रन बनाते नजर आए हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले मुकाबले 10 रन बन गए, मगर अगर देखा जाए आबूधाबी टी10 लीग के अंदर भी 24 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 15 मुकाबले में बल्लेबाजी आई है और 226 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर जो है 58 का है, 1 अर्धशतक लगाया है, और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 173 का स्ट्राइक रेट जो है वो देखने को मिला था यहाँ पर करीम जन्नत का। तो एज अ बल्लेबाज करीम जन्नत नो डाउट एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एज अ ऑलराउंडर रह सकते हैं, क्या पता आज 1-2 विकेट भी छटका दें, क्या पता 50 रन 46 रन लगे हैं, क्या पता आज अच्छी गेंदबाजी करें। अगर ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं केपटाउन सैम्प आर्मी से तो आप करीम जन्नत को एज अ ऑलराउंडर रह सकते हैं, बल्ले से भी रन बनाते हैं प्लस गेंदबाजी में अब भगवान भरोसे हैं, अब देख लेंगे आज गेंदबाजी जो है वो किस तरीके से रहेगी। बाकी गेंदबाजी में काफ़ी हद तक जो है वो रन बनते नजर आते हैं, अब देखते हैं आज क्या करेंगे इस मुकाबले के अंदर। ये है करीम जन्नत के स्टैट्स, यहाँ पर बल्लेबाजी नो डाउट अच्छी करी थी। नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए, जी हाँ नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आए थे टॉम करन। जी हाँ, टॉम करन जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और आते आते जो है पवेलियन चले गए थे। एक और ऑलराउंडर है नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हैं, द 100 लीग हो टॉम करन की या फिर T20 लीग हो, जब जब इनका बल्ला बलता है ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। सैम करन से थोड़ी सी कम बल्लेबाजी करते हैं, मगर टॉम करन की अगर बात की जाए बल्ले से रन बनाते नजर आते हैं। T20 ब्लास्ट में भी अगर देखेंगे तो 15 गेंदों में 22 रन कहते हैं, 13 गेंदों में 23 रन, तो टॉम करन की बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। द 100 बॉल्स टूर्नामेंट के अंदर इनका बल्ला जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त बोलता है, क्योंकि 100 गेंदों का खेल रहता है वो, ये तो 8 गेंदों का खेल है कम से कम। टॉम करन भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, मगर टॉम करन की बल्लेबाजी पे ज्यादा भरोसा मत करिएगा, वहां पर की गेंदबाजी पे भरोसा करिएगा भाई। गेंदबाजी उन्होंने काफ़ी अच्छी की थी, 2 ओवर किए थे, 11 रन दिए थे और 1 विकेट छटकाया था टॉम करन ने, और नंबर 6 पे अगर खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दम है। जी हाँ, दम है इनकी बल्लेबाजी के अंदर। पार्थिव पटेल को मैं सोच रहा हूँ नंबर 7 पे आकर क्यों अपना वो वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर 7 के लिए आप जुआवो कर सकते हैं, क्योंकि नीचे बल्लेबाजी करना है, क्या पता 2-3 गेंदों के अंदर 2-1-2 चौके जो है वो लगा दें यहाँ पर,
अगर देखा जाए टॉम करन की गेंदबाजी को आप रख सकते हैं एज अ गेंदबाज, टॉम करन को रख लीजिएगा। डेथ ओवर में गेंदबाजी इन्होंने काफ़ी अच्छी की थी। वहीं अगर बात की जाए पार्थिव पटेल कप्तान है, विकेटकीपर है इस टीम के, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए हैं। जी हाँ, नंबर 7 पर आए हैं, 14 गेंद में 37 रन बनाए हैं, 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे पिछले मुकाबले के अंदर। देखा जाए टीटन का इतना एक्सपीरियंस इनके पास है नहीं, मगर बल्लेबाजी ये समझ गए हैं किस तरीके से करनी है। रॉबिन थप्पा विकेट कीपिंग करेंगे हरारे हरिकेन से, और केपटाउन सैम पारमी से विकेट कीपिंग करेंगे पार्थिव पटेल। तो अगर पार्थिव पटेल ओपन करने आ रहे हैं तब इनको आप रख सकते हैं टीम के अंदर, तो रॉबिन थप्पा के साथ चले जाइएगा। रॉबिन थप्पा कम से कम ऊपर बल्लेबाजी करना है तो क्या पता हमें टीम के लिए 20-22-23-24 रन बनाएंगे यहाँ पर। मगर पिछले मुकाबले में केपटाउन का जो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा बिखर गया था, इसलिए पार्थिव पटेल को मौका मिला और तीन चार ओवर बैटिंग करी इन्होंने और अच्छे खासे रन बनाए टीम के लिए। 14 गेंद में 37 रन नाबाद आए थे और लास्ट में से लग रहा था कि शायद कहीं लगा रहे थे चौके छक्के, मगर अनफॉर्चुनेटली मुकाबला जो है वो हार गए। और नंबर 7 बल्लेबाजी करते हैं पार्थिव पटेल, तो थोड़ा सा बल्लेबाजी काफ़ी नीचे कर रहे हैं। पार्थिव पटेल ऊपर आ जाए बैटिंग करने के लिए और नंबर 3 पर भानुका राजपक्षा हो जाए, नंबर 4 पर शेन विलियम्स, नंबर 5 पर करीम जन्नत, तो नंबर छः पर करीब यहाँ पर टॉम करन हो, नंबर 7 पर जुआवो को रख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखते हैं आज क्या होता है बाकी। अब चलेंगे ज़रा गेंदबाजी की तरफ चलेंगे यहाँ पर। मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। भानुका राजपक्षा को कैप्टन बनाया कि नहीं भाई, बना सकते हैं मनीष कुशवाहा भाई भानुका राजपक्षा, मगर देखा जाए तो आईपीएल में भी उनका कुछ खास चला नहीं था और टीटन के पहले मुकाबले में बैटिंग टीम जो ठीक ठाक लगी थी यार, छक्का लगाया था। अगर पहले बल्लेबाजी करने आई केपटाउन सैम पारमी, क्या पता रहमानुल्लाह गुरबाज और भानुका राजपक्षा दोनों जो है वो अच्छे खासे रन बनाते नजर आए मनीष कुशवाहा भाई यहाँ पर। और दोनों को देखिए एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों का एक्सपीरियंस भी है बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पर देख रहा है किसका चांस लग रहा है जीतने का, मोहसिन भाई मैं बता दूंगा आपको टॉस के बाद। वैसे तो कैप्टन सैम पारमी जो है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है, बल्लेबाजी भी ठीक है और यहाँ पर हो सकता है कैप्टन सैम पारमी जो है वो काफ़ी अच्छा खेले, मगर हरारे हरिकेन्स के पास थोड़ी कोई एक अच्छी खासी बल्लेबाजी है तो टफ फाइट देखने को मिलेगी। मगर मेरी टीम हो सकता है कैप्टन सैम पारमी हो, बाकी मैं टॉस के बाद बताऊंगा आपको। मगर अब चलेंगे जरा गेंदबाजी की तरफ। जी हाँ, गेंदबाजी की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, जरा कैप्टन सैम पारमी की गेंदबाजी को जरा देख लें यहाँ पर इस टीम के अंदर। जी हाँ, सबसे पहले नाम आता है मुजीबुल रहमान का, लाजवाब गेंदबाजी पहले मुकाबले के अंदर। मुजीबुल रहमान ने 2 ओवर किए थे, 12 रन दिए थे, 1 विकेट छटकाया था, एक और लेग स्पिनर गेंदबाज मुजीबुल रहमान रख लीजिएगा। गेंदबाजी जो है वो अच्छी करते हैं, शुरुआत पहला ओवर भी करते हैं, मिड ओवर में भी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो मुजीबुल रहमान को रख लीजिएगा। इनके खिलाफ बल्लेबाजों को मुश्किलें होती हैं रन बनाने के लिए और पहले मुकाबले में 2 ओवर किए, 12 रन दिए और 1 विकेट छटकाया था। अगर बात की जाए सैम पारमी की तरफ से तो टॉम करन और मुजीबुल रहमान दोनों ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी जो है वो की थी यहाँ पर। और बात की जाए यहाँ पर मुजीबुल रहमान की, तो मुजीबुल रहमान के पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़रूर है टीटन लीग का, मगर ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करी टीटन लीग के अंदर, मगर यहाँ पर गेंदबाजी करें और पिच जो है स्पिनर गेंदबाजों को मदद करे तो मुजीबुल रहमान एक अच्छी चॉइस रहेंगे स्पिनर गेंदबाज के लिए। और मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे गेंदबाजी करेंगे और विकेट निकालेंगे अपनी टीम के लिए यहाँ पर। और पहला मुकाबला अच्छा गया इसी पिच के ऊपर, कहता दिन का मुकाबला है, धूप पड़ रही है और गेंद जो है वो टर्न भी करे तो शायद और ज़्यादा खतरनाक साबित हो यहाँ पर दूसरी टीम के लिए। दूसरे स्पिनर गेंदबाज हैं यहाँ पर पीटर हेड्सकुलू। जी हाँ, पीटर हेड्सकुलू ने भी पिछले मुकाबले के अंदर गेंदबाजी ठीक ठाक की थी, मगर थोड़ा सा इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा था। यूँ कहें कि 2 ओवर किए तो 24 रन दिए थे और 12 का इकोनॉमी रहा था, तो शायद पीटर हेड्सकुलू और मुजीबुल रहमान से मुझे चुनना हो तो मेरे लिए मुजीबुल रहमान अच्छी चॉइस रहेंगे, क्योंकि ऐसी पिचों को समझते हैं और मुजीबुल रहमान जिम्बाब्वे के अंदर काफ़ी क्रिकेट जो है वो खेल चुके हैं, इसलिए वो समझते हैं इस पिच के ऊपर किस तरीके की गेंदबाजी करनी है। और पीटर हेड्सकुलू की बात की जाए तो अबूधाबी टीटन लीग के अंदर भी यहाँ पर पीटर हेड्सकुलू की गेंदबाजी अच्छी रही। टी10 का एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोनों के पास है, मगर पीटर हेड्सकुलू के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि टी10 लीग के अंदर कहीं ना कहीं 9 मुकाबले इन्होंने खेले हैं पीटर हेड्सकुलू ने। इकॉनमी जो है 7.78 की रही है। और विकेटों की बात की जाए, जी हाँ, विकेटों की बात की जाए 9 विकेट जो है वो चटकाते हुए नजर आए हैं, तो अगर मैं एक्सपीरियंस देखूं तो ज़्यादा पीटर हेड्सकुलू के पास है, मगर इस सीज़न के अंदर गेंदबाजी जो है मुजीबुल रहमान जो है वो बेहतर करें तो मुजीबुल रहमान को हम रख सकते हैं अपनी फैंटेसी टीम के अंदर एज ए स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर। अगले गेंदबाज, जी हाँ, अगले यहाँ पर गेंदबाज की तरफ बढ़ेंगे, अगले गेंदबाज बताएंगे आपको, मगर उससे पहले यार काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। टॉस पूछ रहे हैं काफ़ी भाई, देखिए भाई टॉस होता है 6:07 पे,
6:07 या 8 मिनट पर टॉस होगा, अभी टॉस नहीं हुआ है इसलिए प्लेयर्स के बारे में समझा रहा हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो बेहतर रह सकते हैं यहाँ पर। मगर बात की जाए अगले गेंदबाज की तरफ, अगले गेंदबाज हैं यहाँ पर रिचर्ड नगरावा जी हाँ, नगरावा की बात करें तो यहाँ पर भाई बहुत रन पड़े इनको भी, 29 रन पड़े थे पहले ओवर के अंदर ही, काफ़ी रन पड़ चुके थे मगर दूसरा ओवर जो है वो काफ़ी अच्छा किया था इन्होंने रिचर्ड नगवारा ने। अगर बात की जाए तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी की थी। करीम जनरल छोड़ के यार केप टाउन में सबने गेंदबाजी ठीक ठाक की थी, रन पड़े जरूर थे मगर लोगों ने अगले ओवर में उसे कंपनसेट कर दिया था। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिर्फ करीम जन्नत ही मुश्किलें खड़ी करते नजर आए थे अपनी टीम के लिए, और मेरे हिसाब से तो रिचर्ड नगरवावा को रहने दीजिए यार, क्या करेंगे। लेकिन दो स्पिनर गेंदबाज हैं टॉम करन और मुजीबुल रहमान को रख लीजिएगा। अगले यहाँ पर गेंदबाज हैं जोनाथन कैम्बेल, जी हाँ जोनाथन कैम्बेल को गेंदबाजी नहीं मिली थी, ध्यान रखिएगा। जोनाथन कैम्बेल जो है वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, इनको कुछ भी नहीं कराया गया, सिर्फ फील्डिंग कराई गई थी इनसे, ना बल्लेबाजी आई ना गेंदबाजी आई इनकी। और बताया तो 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं, ज़्यादा इनके पास मुकाबले हैं नहीं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, एवर्जिंग खिलाड़ी हैं, देखो क्या करते हैं आज के इस मुकाबले। मगर पहले मुकाबले के अंदर इनको कुछ भी नहीं मिले, ना बल्लेबाजी मिले ना गेंदबाजी मिली, तो रहने दीजिएगा। आज भी लगता है कि कुछ ज़्यादा कुछ रिस्क लेंगे नहीं, शायद देखा था ओवर डलवा देंगे भाई, कुछ करेंगे नहीं इनके साथ। चलो अब देखते हैं क्या होता है, चलते हैं ज़रा टॉस की तरफ बात करते हैं। टॉस की यहाँ पर टॉस जो है वो हो चुका है, जी हाँ टॉस हो चुका है इस मुकाबले में। आप सब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ते रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। टॉस अपडेट देने जा रहे हैं आपको, टॉस हो चुका है इस मुकाबले में, टॉस जीता है यहाँ पर, जी हाँ केप टाउन सैम्प आर्मी ने पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया। जी हाँ हमारी टीम यहाँ पर केप टाउन सैम्प आर्मी रहेगी, केप टाउन सैम्प आर्मी को सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, उम्मीद करेंगे केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम जो है वो इस मुकाबले को जीते। जी हाँ यहाँ पर पार्थिव पटेल की टीम ने टॉस को जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है, तो मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप देखते हैं आज किस तरीके से खेल होगा। बाकी अपडेट यही है कि टॉस जीता है केप टाउन सैम्प आर्मी ने और पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है, तो यहाँ पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा करना होगा यहाँ पर, तभी एक मुकाबले में एक जीत जो है वो दर्ज कर पाएंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाले हैं, पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल नज़र आई है। अब पार्थिव पटेल जो है वो अपनी टीम के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहेंगे क्या, या फिर सेम टीम खिलाएंगे अब बताएंगे, क्योंकि टीम अपडेट जो है थोड़ी लेट आती है यहाँ पर। और केप टाउन सैम्प आर्मी जो है वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो है वो ले चुकी है, पहले बल्लेबाजी कर रही है केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम। और यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी हो सकता है आज थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें, रहमान अल्लाह गुरबाज तो रहेंगे टीम के अंदर, बाकी अब कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर खेल सकते हैं बताएंगे आपको, फैंटेसी टीम बताएंगे यहाँ पर। और मेरे हिसाब से जी हाँ यहाँ पर दोनों टीमें जो है ना पहला मुकाबला जो है वो हार चुकी हैं, और पहले मुकाबले हारने के बाद अब किस टीम को जगह मिलेगी। गुरु शशांक भाई कैसे हो, बड़े हो प्रदीप भाई आप सुनाइए कैसे हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग उम्र से जुड़ चुके हैं यहाँ पर। भाई ले लूँ आर्मी की टीम को, भाई बिल्कुल ले लीजिएगा भाई, बल्लेबाजी भी अच्छी है गेंदबाजी भी अच्छी है, बस करीम जन्नत गेंदबाजी ना करें तो ये टीम जो है वो अच्छा खेलेगी, अगर करीम जन्नत जो है वो गेंदबाजी ना करें तो ये टीम जो है काफ़ी बेहतर खेलते नजर आएगी आज के इस मुकाबले के अंदर। बाकी लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। जिम्बाब्वे चौथा मुकाबला है, क्या लगता है आपको कौन सी टीम जो है वो किस पे भारी पड़ेगी, ये देखना होगा। जुड़ते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। बाकी दोनों टीमों के बारे में आपको बता ही दिया है यहाँ पर कि किस तरीके की ये टीम जो है रहने वाली है, दोनों टीमें जो हैं वो काफ़ी बेहतर जो है वो खेलते नजर आएंगी इस मुकाबले के अंदर। बाकी कुछ ही देर के बाद, जी हाँ कुछ ही देर के बाद ये मुकाबला जो है वो शुरू होगा यहाँ पर, मगर टॉस हो चुका है। मिस्टर भाई कैसे हैं, मैच एक्सपेक्टेड है भाई, भाई कुछ पछाड़ नहीं है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा प्रदीप भाई। मेरे हिसाब से तो हरारे हरिकेन्स की टीम की बल्लेबाजी थोड़ी सी वीक है अगर देखा जाए तो, अगर हरारे हरिकेन्स जो है थोड़ा सा अच्छा खेले तो शायद देखो टफ मुकाबला होगा। शालू भाई कह रहे हैं जन्नत का तो करीम जन्नत को 46 रन पड़े थे, एक चौका और भी आया था पैड से लग के, अगर वो चौका काउंट हुआ था ना बल्ले से लग के तो पूरे 50 रन हाफ सेंचुरी पूरी होती करीम जन्नत की यहाँ पर। चलिए यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, बताएं आपको पिच रिपोर्ट और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं अपने फैंटेसी टीम के अंदर आप रह सकते हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे कौन कौन से फैंटेसी खिलाड़ी आप टीम में सकते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 जो है वो लेट ही आएगी इनकी, ध्यान रखिएगा इनकी प्लेइंग 11 जो है वो लेट आएगी, तो आप थोड़ा सा
संयम रखेगा। मुकाबला जो है बस कुछ ही देर में शुरू होगा यहाँ पर। तो बात करते हैं अब टीम की जो है केप टाउन सैम पार्मी वर्सेस हरारे हरिकेन्स का, ये मुकाबला है, चौथा मुकाबला है आज यहाँ पर जो है जिम्बाब्वे टी20 लीग का। टोटल दिन में तीन मुकाबले होने हैं, दिन का ये पहला मुकाबला है, दिन की रोशनी में ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। मौसम ठीक है जी हाँ, मौसम काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। अगर बात करें मौसम की तो देख सकते हैं 21.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, धूप खिली हुई है, 82% ह्यूमिडिटी है, 2% चांसेस है बारिश होने के। तो भैया हरारे स्पोर्ट्स क्लब तैयार है ये 20 ओवर का मुकाबला करवाने के लिए, और मुकाबला जो है वो सुपर डुपर हिट रहेगा। जी हाँ, सुपर डुपर हिट रहने का ये मुकाबला है। टॉस जीता है यहाँ पर टॉस जीता है केप टाउन सैम पार्मी ने, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। कल बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी की थी, मगर मिडिल ऑर्डर ने की थी सैम पार्मी के, जहाँ पर पार्थिव पटेल और करीम जन्नत, जी हाँ पार्थिव पटेल और करीम जन्नत जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए थे। अब आज देखना होगा, जी हाँ आज देखना होगा किस तरीके से खेला होबे कि बेला होबे समय बताएगा, मगर अब चलेंगे जरा, जी हाँ चलेंगे जरा यहाँ पर बात करेंगे पिच की। भाई पिच किस तरीके से रहने वाली है, अगर देखा जाए अमूमन कल तीन मुकाबले खेले गए हैं, तीनों मुकाबले इस पिच के ऊपर पहले बल्लेबाजी करने टीम ने जीते हैं, इसलिए टॉस जीत कर कप्तान की कोशिश ये रह रही है कि बल्लेबाजी करें और 100+ स्कोर, जी हाँ 100-110+ स्कोर जो है वो खड़ा करें और टोटल डिफेंड करें। और हरियाणा स्पोर्ट्स क्लब की ये पिच जो है बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल नजर आई है। जी हाँ बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल नजर आई है, यहाँ पर जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है 119 रन लगते हुए नजर आए हैं, और इसी पिच के ऊपर अंडर लाइट्स मतलब यहाँ पर फ्लड लाइट के नीचे जो बल्लेबाजी हुई है उसके अंदर भी 105 रन जो है वो डिफेंड होते हुए नजर आए हैं। मगर अमूमन देखा जाए दिन के रोशनी के अंदर यहाँ पर बल्लेबाजी करना काफ़ी अच्छा रहा है। इस पिच के ऊपर जो है स्पिनर गेंदबाजी, अभी तक जो तीन मुकाबले घटे हैं उन तीन मुकाबलों के अंदर स्पिनर गेंदबाजों ने ज़्यादा विकेट छटकाए हैं बनस्पत तेज गेंदबाजों ने। तो यहाँ पर आज भी उम्मीद करते हैं कि स्पिनर गेंदबाज ही जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकेट छटकाते हुए नजर आएंगे, इनका इन्हीं का बोलबाला जो है नजर आएगा देखते हुए। और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने टीम कल तीनों के तीनों मुकाबले जीती है, इसलिए यहाँ पर सैम पार्मी, जी हाँ केप टाउन सैम पार्मी की टीम ने टॉस को जीता है और पहले जो है बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। मेरे हिसाब से 110-120 के आंकड़े तक पहुंच सकती है, क्योंकि बल्लेबाजी में दम है सैम पार्मी की यहां पर। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब की ये पिच है बल्लेबाजी के लिए अनुकूल, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 119 और यहां पर स्पिनर गेंदबाज जो है ज़्यादा विकेट छटकाते हैं, इसीलिए केप टाउन सैम पार्मी की टीम ने टॉस को जीत कर पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। अगर ग्राउंड के स्टैट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं तीनों मुकाबले खेले गए हैं, तीनों मुकाबले जो हैं पहले बल्लेबाजी कर टीम जीते हैं, 128 रन भी यहाँ पर डिफेंड होते नजर आए और मिनिमम 105 रन भी यहाँ पर डिफेंड होते हुए नजर आए हैं। अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 119 है, मगर सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर भी 97 देखने को मिला है यहाँ पर। यहाँ पर अब देखना होगा आज किस तरीके से खेल होगा, मगर पेस वर्सेस स्पिन की बात की जाए, जी हाँ पेस वर्सेस स्पिन की अगर बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 71% विकटे जो है, जी हाँ 71% विकटे जो है स्पिनर गेंदबाज छटकाते नजर आए हैं, 25 विकेट छटकाई हैं स्पिनर गेंदबाजों ने और 17 विकेट छटकाई हैं तेज गेंदबाजों ने, 29% विकटे तेज गेंदबाज छटकाते नजर आए। तो अगर फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो दो स्पिनर गेंदबाज और दो तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर साथ जा सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर विकटे जो हैं स्पिनर गेंदबाजों छटकाई हैं कल, क्या पता आज भी। वैसे दिन का मुकाबला है, दिन की रोशनी जो है पीछे पड़ी है, तो मेरे हिसाब से स्पिनर गेंदबाज जो हैं वो ज़्यादा कामयाब नजर आएंगे इस पिच के ऊपर। तो आप देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत-ए-हाल, बाकी लाइक करते रहिए आप सब, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। तो ये है यहां पर पिच का सूरत-ए-हाल, बाकी चौथा मुकाबला है, चौथे मुकाबले में कौन कौन सी टीम जो है यहां पर भारी पड़ेगी ये देखना होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर फैंटेसी टीम की, तो भाई जो जो खिलाड़ी हो सकता है एक्सपेक्टेड में खेल रहे हैं उनको ही रख के चलेंगे, भाई कौन कौन से खिलाड़ी जो है रख सकते हैं। पहले बात करते हैं हरारे हरिकेन से, जिन्होंने कल भी अच्छा प्रदर्शन करा है यहाँ पर। आपको पता ही है कि प्लेइंग 11 थोड़ा सा लेट आती है यहाँ पर। तो बात करते हैं तो यहाँ बल्लेबाजी के लिए एयन मॉर्गन को हम रख सकते हैं, जी हाँ एयन मॉर्गन जो है वो टी10 का एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो एयन मॉर्गन को अपनी फैंटेसी टीम के अंदर रख सकते हैं। साथ में अगर बात की जाए डेनन फरारिया, हरारे हरिकेन से डेनन फरारिया को हम रख सकते हैं टीम में, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आए थे डेनन फरारिया यहाँ पर। साथ में लुक जोंगवे, जी हाँ लुक जोंगवे एज ऑलराउंडर टीम में खेले थे, बल्लेबाजी भी अच्छी की थी उन्होंने, गेंदबाजी भी अच्छी की थी अगर बात की जाए तो। और साथ में यहाँ पर एक और गेंदबाज हैं, वो है ब्रेंडन मवूता की बात की जाए, तीन विकेट छटकाए थे पिछले मुकाबले में ब्रेंडन मवूता ने, वो भी हरियाणा हरिकेन्स की टीम में है।
तो ये तीन खिलाड़ी आप रख सकते हैं, साथ में मोहम्मद नबी भी हैं। तो मोहम्मद नबी वैसे देखा जाए एज अ बल्लेबाज जो है वो टीम में खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा एज अ बल्लेबाज जो है वो टीम में खेलते नजर आ रहे हैं। अगर गेंदबाजी करेंगे तो काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा। अगर आप एन मॉर्गन को नहीं रख रहे तो रमन उथप्पा के साथ जा सकते हैं, उथप्पा शायद हो सकता है एन मॉर्गन से बेटर बल्लेबाजी करें, मगर टी10 का जो एक्सपीरियंस है वो एन मॉर्गन के पास है यहाँ पर। तो ये हो गई हेराल्ड हरिकेन्स की बल्लेबाजी, एन मॉर्गन को रख लीजिएगा, साथ में मोहम्मद नबी को रख लीजिएगा यहाँ पर गेंदबाज ऑलराउंडर के लिए। यहाँ पर साथ में लोग जोंगवेज टीम के अंदर है, साथ में ब्रैंडन मवूता को आप अपनी फैंटेसी टीम के अंदर सत्य हो सकता है। ये गेंदबाज जो है वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करें, साथ में यहाँ पर आप न्यांदे बर्गर, जी हाँ न्यांदे बर्गर को भी आप टीम में सत्य हैं, दो विकेट छटकाए थे। इकॉनमी भी 12-13 की इकॉनमी थी इनकी, कहीं ना कहीं गेंदबाजी इनकी अच्छी लगी थी, इनको भी आप टीम में सत्य हैं। तो लुक यहाँ पर ब्रैंडन मवूता, न्यांदे बर्गर, लुक जोंगवे ऑलराउंडर, और एन मॉर्गन और मोहम्मद नबी, जी हाँ एज अ बल्लेबाजी करने के लिए साथ में रह सकते हैं। साथ में डेनन फरारिया भी हैं, डेनन फरारिया को रह सकते हैं या फिर रमन उथप्पा के साथ जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। डेनन फरारिया भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 3 पे खेलते हैं, हेराल्ड हरिकेन से अगर खेल रहे हैं आज तो बिल्कुल रख सकते हैं टीम के अंदर। अगर बात की जाए यहाँ पर कैप्टन सैम पार्मी के लिए, सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर रमन अलोक गुरबाज को रख लीजिएगा एज अ बल्लेबाज, बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि विकेट कीपिंग जो है पार्थिव पटेल करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप रमन अलोक गुरबाज को टीम में रख सकते हैं, जो कॉन्फिडेंटली यहाँ पर मुकाबले को खेलते नजर आएंगे यहाँ पर। साथ में अगर बात की जाए तो भानुका राजपक्षा, नंबर 3 पर भानुका राजपक्षा खेलते हैं, और ये दो खिलाड़ी जो है कैप्टन सैम पार्मी के लिए, रमन अलोक गुरबाज और भानुका राजपक्षा, दोनों जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, टी10 में अच्छी परफॉर्मेंस है। 200 प्लस स्ट्राइक रेट जो है यहाँ पर रमन अलोक गुरबाज का है, 194 का स्ट्राइक रेट जो है भानुका राजपक्षा का, और दोनों जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो है वह करते जाते हैं यहाँ पर। तो दोनों को रख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी टीम के अंदर, साथ में यहाँ पर करीम जन्नत, जी हाँ करीम जन्नत को रख लीजिएगा एज ए ऑलराउंडर, रख लीजिएगा, ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर एज अ ऑलराउंडर जो है वो रख लीजिए करीम जन्नत को। भाई किस्मत रही तो गेंदबाजी जो है वो ठीक कर दे, मगर बल्लेबाजी में रन बनाते नजर आए हैं और नंबर 5 बल्लेबाजी कर रहे हैं करीम जन्नत। क्या पता थोड़ा सा टॉपर में ऑर्डर में ऊपर भेज दें, क्योंकि शेन विलियम्स भी हैं, साथ में करीम जन्नत भी हैं और टॉम करन भी है। टॉम करन की बात ऐसी की जाए तो टॉम करन नंबर 6 पे खेल रहे हैं, करीम जन्नत नंबर 5 पे खेल रहे हैं, मफरी करीम जन्नत और नंबर 6 पे टॉम करन खेल रहे हैं। तो करीम जन्नत का ले लीजिए, बल्ले से तो रन बनाते हैं, टी10 का एक्सपीरियंस भी है करीम जन्नत को, तो करीम जन्नत भी काफ़ी हद तक जो है अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आते हैं यहाँ पर। गेंदबाजी के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए टॉम करन को रख सकते हैं, टॉम करन ने गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी की थी, तो टॉम करन को एज ए गेंदबाज, तेज गेंदबाज रख लीजिएगा। मुजीबुल रहमान और पीटर हेड्सग्लो, इन दोनों में से किसी एक गेंदबाज को रख लीजिएगा मेरे साथ। मुजीबुल रहमान ने भी कल 12-13 रन देकर एक विकेट छटकाया, तो टॉम करन ने भी 10-11 रन देकर एक विकेट छटकाया था, दोनों का इकॉनमी जो अच्छा था, मगर पीटर हेड्सग्लो को थोड़ा सा इकॉनमी जो है ज़्यादा खतरनाक था। कुल मिला के 24 रन पड़े थे पीटर हेड्सग्लो को, तो पीटर हेड्सग्लो को रहने दीजिए, कहीं गोलू मोलू न कर दे अपनी टीम को। तो मुजीबुल रहमान और टॉम करन को एज अ गेंदबाज जो है वो रख लीजिएगा, टॉम करन ने पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी जो है वो अच्छी करते हुए नजर आए थे यहाँ पर। जी हाँ टॉम करन जो है वो अच्छी गेंदबाजी जो है वो करते नजर आए, तो टॉम करन को आप टीम में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर प्लेइंग 11 भी आ चुकी है, चलिए प्लेइंग 11 भी आ चुकी है इस मुकाबले की, तो प्लेइंग 11 पर भी नजर डालेंगे। उससे पहले लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। चलिए चलते हैं जरा प्लेइंग 11 की तरफ, तो बात करते हैं प्लेइंग 11 की, क्योंकि प्लेइंग 11 आ चुकी है इस मुकाबले की, तो प्लेइंग 11 की बात करेंगे। यहाँ पर टॉस जीता है इस मुकाबले केप टाउन सैम्प आर्मी ने, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। ये चौथा मुकाबला है जिम्बाब्वे टी10 लीग का, और जिम्बाब्वे टी10 लीग के अंदर पहले बल्लेबाजी जो है वो सैम्प आर्मी की टीम कर रही है, केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम कर रही है, और प्लेइंग 11 जी आ चुकी। तो फटाफट आपको प्लेइंग 11 जो है वो दिखा दे यहाँ पर दोनों टीमों की, यहाँ पर एन मॉर्गन की और के यहाँ पर पार्थिव पटेल की। तो चलते हैं जरा प्लेइंग 11 की तरफ, आप सब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को यहाँ पर। तो बात करते हैं केप टाउन सैम्प आर्मी की, तो केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्थिव पटेल इस टीम के अंदर है, भानुका राजपक्षा इस टीम के अंदर है, चेपस जुआवो भी इस टीम के अंदर है, हिल्टन मैसा कैट्जा, जी हाँ हिल्टन मैसा कैट्जा को जगह मिली है, हिल्टन मैसा कैट्जा जो है वो टीम के अंदर आ गए हैं, साथ में जॉनथन कैम्बल भी इस टीम के अंदर है, मुजीबुल रहमान है, पीटर हेड्सग्लो है, करीम जन्नत है, रहमन उल्ला गुरबाज जो है वो इस टीम के अंदर खेल रहे हैं, और टॉम करन है, और साथ में मुरमानी, जी हाँ मुरमानी को जगह मिली है, तदिवशनी मुरमानी जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो भैया किसको बिठा दिया, शेन विलियम्स को बिठा दिया गया है, शेन विलियम्स की जगह पे
हैमिल्टन मैसा कैट्जा जो है वो टीम में आ चुके हैं, शेन विलियम्स को बिठा क्यों दिया गया, मगर यहाँ पर शेन विलियम्स बैठ गए हैं उनकी जगह हैमिल्टन मैसा कैट्जा आ चुके हैं। हो सकता है हैमिल्टन मैसा कैट्जा जो है वो ओपन करें हम लोग गुरबाज के साथ, या पार्थिव पटेल जो है वो ओपन करें हम लोग गुरबाज के साथ, क्योंकि ओपनिंग चेंज करनी पड़ेगी, जुआवो सरन बन नहीं रहे हैं। साथ में अगर बात की जाए तो रिचर्ड, जी हाँ रिचर्ड नगरवावा जो को टीम से बाहर किया गया है, तदिवंशी मरुमानी को टीम में जगह मिली है। सिर्फ दो ही चेंजेस किए हैं केपटाउन से आर्मी की टीम ने, आज शेन विलियम्स नहीं खेल रहे हैं, साथ में रिचर्ड नगरवावा भी टीम के अंदर नहीं है। यहाँ पर अगर शेन विलियम्स की बात की तो हैमिल्टन में से कैट्जा को टीम में रखा गया है, और साथ में तदिवंशी मरुमानी को टीम में रखा गया है रिचर्ड नवगारा की जगह पर। बाकी ऑलमोस्ट टीम सेम है, पार्थिव पटेल, भानुका राजपक्षा, चेपस जुआवो, हैमिल्टन में से कैट्जा, जोनाथन कैम्बल भी टीम के अंदर खेल रहे हैं, मुजीबुल रहमान है, पीटर हेड्सगुलू है, करीम जन्नत है, रहमानुल्ला गुरबाज हैं यहाँ पर। साथ में अगर बात की जाए तंदेशी मुरमानी और टॉम करन जो हैं वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो ये है पूरी प्लेइंग 11 केप टाउन सैम्प आर्मी की, सिर्फ दो ही चेंजेस जो हैं टीम के अंदर किए हैं केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम ने। वहीं अगर बात की जाए हरारे हरिकेन्स की, जी हाँ हरारे हरिकेन्स की अगर बात की जाए तो यान मॉर्गन इस टीम के अंदर है, साथ में ब्रैंडन महूता को टीम में रखा हुआ है, साथ में क्रिस्टोफर मफू इस टीम के अंदर है, जोनन फरारिया है, इविन लुइस भी टीम के अंदर आ चुके हैं, इरफान पठान इस टीम के अंदर है, लुक जोंगवे इस टीम के अंदर है, मोहम्मद नबी इस टीम के अंदर है, नांदे ब्रगर इस टीम के अंदर है, रोमिन उथप्पा है, और चिंचुंडा मफूसा भी इस टीम के अंदर है, चिंचुंडा मफूसा, लुक जोंगवे भी इस टीम के अंदर है, साथ में ब्रैंडन मवूता भी इस टीम के अंदर है। जी हाँ ब्रैंडन मवूता भी टीम के अंदर जो है वो दिख ही रहे हैं बिल्कुल। इविन लुइस को जगह मिली है टीम के अंदर, शायद समित पटेल जो हैं वो टीम के अंदर नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है शायद तकलीफ होगी, क्योंकि एक बल्लेबाज चाहिए यहाँ पर जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का, तो इविन लुइस को टीम में रखा गया है, इविन लुइस जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो भैया बढ़िया बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाजी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है यान मॉर्गन ने। फिर से टीम सुन लीजिएगा, यान मॉर्गन इस टीम के अंदर है, ब्रैंडन मवूता जिन्होंने पिछले मुकाबले 3 विकेट छटकाए थे वो भी इस टीम के अंदर है, साथ में अगर बात की जाए क्रिस्टोफर मफूहू, क्रिस मफूहू इस टीम के अंदर है, डेनवन फरारिया इस टीम के अंदर है, इविन लुइस को मौका मिला है, जी हाँ इविन लुइस टीम के अंदर आए हैं, इरफान पठान टीम के अंदर है, लुक जोंगवे इस टीम के अंदर है, लुक जोंगवे भी खेल रहे हैं, मोहम्मद नबी भी इस टीम के अंदर है, नांदे ब्रुगर भी इस टीम के अंदर है, साथ में रॉबिन उथप्पा है, और त्रिनंदा मफूसा भी यहाँ पर मफूसा भी इस टीम के अंदर है। तो मान लीजिए यहाँ पर समित पटेल टीम में नहीं खेल रहे, उनके जगह पे बायात के बल्लेबाज इविन लुइस को टीम में रखा है, तो हो सकता है रॉबिन उथप्पा या इविन लुइस ओपन करें और यान मॉर्गन जो है नंबर 3 पे खेल लें, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करें, क्योंकि इविन लुइस ओपन भी करते हैं, नंबर 3 पे भी खेलते हैं, देखना होगा आप किस तरीके से बल्लेबाजी रहेगी। तो ये है दोनों टीमें, यहाँ पर लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, दोनों टीमें आपको बता दी है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो है वो दिखा दी है, बता दी है, यहाँ पर 2 चेंजेस किए हैं यहाँ पर जो है केप टाउन सैम्प आर्मी ने, और तो यहाँ पर 1 चेंजेस किया है हरारे हरिकेन्स ने, हरारे हरिकेन्स की तरफ से समित पटेल नहीं खेल रहे, इविन लुइस जो है वो टीम के अंदर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए केप टाउन सैम्प आर्मी की तो शेन विलियम्स नहीं खेल रहे हैं, साथ में रिचर्ड नगरावा को भी नहीं टीम में रखा गया है, और यहाँ पर खेल रहे हैं हैमिल्टन में से कैट्जा, और यहाँ पर खेल रहे हैं मुरमानी, जी हाँ मरुमानी, तंदिवंशी मुरमानी जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11, लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, एंजॉय करिए इस मुकाबले को, मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू हो रहा है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। यहाँ पर तो बता दिया है यहाँ पर फैंटेसी टीम की जो मेन खिलाड़ी हैं उनको मैं बता दिया था कि भाई किस किस को टीम में रखना है। बाकी जुड़ते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। आपसे कुछ ही मिनट के बाद मुकाबला जो है वो शुरू हो रहा है। जो भाई अभी अभी जुड़े हैं उनको भी एक बार फिर से प्लेइंग 11 जो है वो दिखा दें, यहाँ पर बता दें प्लेइंग 11 जो है वो किस तरीके से है, यहाँ पर दोनों टीमें जो हैं वो किस तरीके से खेल रही हैं। मगर उससे पहले लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला जो है वो सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद है। जी हाँ सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद है। अब देखते हैं किस तरीके से खेला होबे कि पहला होबे समय बताएगा। यहाँ पर सैम्प आर्मी नहीं जीतेगी, उमेश पांडे भाई अब तो पहले बैटिंग वाली कह रहे थे जो पहले बैटिंग करेगी वही जिताऊंगा मैं उसको, अब तो सैम्प आर्मी बैटिंग कर रही है, फिर अब बदल गया आप, हमने टीम चेंज कर दी यार, चीटिंग कर रहे हो आप, तो हमारी टीम यही रहेगी भाई, सैम्प आर्मी की टीम रहेगी।
यहाँ पर सैम पार्मी के साथ ही जाएंगे और उम्मीद करेंगे सैम पार्मी की टीम जो है इस मुकाबले को जीते। लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को इंजॉय करते रहिएगा इस मुकाबले को। मुकाबला बस कुछ ही देर में आपको शुरू होते हुए नजर आएगा। जो भाई नए जुड़े हैं एक बार फिर से प्लेइंग 11 को देख लीजिएगा। यहाँ पर टॉस जीता है इस मुकाबले केप टाउन सैम्प आर्मी ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये चौथा मुकाबला है जिम्बाब्वे चीचन लीग का और जिम्बाब्वे चीचन लीग के अंदर पहले बल्लेबाजी जो है वो सैम्प आर्मी की टीम कर रही है, केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम कर रही है और प्लेइंग 11 जी यहाँ आ चुकी। तो फटाफट आपको प्लेइंग 11 जो है वो दिखा दे यहाँ पर दोनों टीमों की, यहाँ पर यन मॉर्गन की और के यहाँ पर पार्थिव पटेल की। तो चलते हैं जरा प्लेइंग 11 की तरफ। आप सब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। यहाँ पर तो बात करते हैं केप टाउन सैम्प आर्मी की। तो केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्थिव पटेल इस टीम के अंदर है, भानुका राजपक्षा इस टीम के अंदर है, चेपस जुआवो भी इस टीम के अंदर है, हिल्टन मेसा कैट्जा, जी हाँ हिल्टन मेसा कैट्जा को जगह मिली है, हिल्टन मेसा कैट्जा जो है वो टीम के अंदर आ गए हैं। साथ में जॉनथन कैम्बल भी इस टीम के अंदर है, मुजीबुल रहमान है, पीटर हैर्सगुलू है, करीम जन्नत है, रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो इस टीम के अंदर खेल रहे हैं और टॉम करन है और साथ में मुरमानी, जी हाँ मुरमानी को जगह मिली है, तदिवशनी मुरमानी जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो भैया किसको बिठा दिया, शेन विलियम्स को बिठा दिया गया है, शेन विलियम्स की जगह पे हैमिल्टन मेसा कैट्जा जो है वो टीम में आ चुके हैं। शेन विलियम्स को बिठा क्यों दिया गया, मगर यहाँ पर शेन विलियम्स बैठ गए हैं, उनकी जगह हैमिल्टन मेसा कैट्जा आ चुके हैं। हो सकता है हैमिल्टन मेसा कैट्जा जो है वो ओपन करें रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ, या पार्थिव पटेल जो है वो ओपन करें रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ, क्योंकि ओपनिंग चेंज करनी पड़ेगी, जुआवो सरन बन नहीं रहे हैं। साथ में अगर बात की जाए तो रिचर्ड, जी हाँ रिचर्ड नगरवावा जो को टीम से बाहर किया गया है, तदिवंशी मरुमानी को टीम में जगह मिली है। दो ही चेंजेस किए हैं केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम ने, आज शेन विलियम्स नहीं खेल रहे हैं, साथ में रिचर्ड नगरवावा भी टीम के अंदर नहीं है। यहाँ पर अगर शेन विलियम्स की बात की तो हैमिल्टन मेसा कैट्जा को टीम में रखा गया है और साथ में तदिवंशी मरुमानी को टीम में रखा गया है रिचर्ड नवगारा की जगह पर। बाकी ऑलमोस्ट टीम सेम है, पार्थिव पटेल, भानुका राजपक्षा, चेपस जुआवो, हैमिल्टन मेसा कैट्जा, जोनाथन कैम्बल भी टीम के अंदर खेल रहे हैं, मुजीबुल रहमान है, पीटर हैर्सगुलू है, करीम जन्नत है, रहमानुल्लाह गुरबाज है यहाँ पर। साथ में अगर बात की जाए तंदेशी मुरमानी और टॉम करन जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो ये है पूरी प्लेइंग 11 केप टाउन सैम्प आर्मी की, सिर्फ दो ही चेंजेस जो है टीम के अंदर किए हैं केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम ने। वहीं अगर बात की जाए हरारे हरिकेन्स की, जी हाँ हरारे हरिकेन्स की अगर बात की जाए तो यान मॉर्गन इस टीम के अंदर है, साथ में ब्रैंडन मवूता को टीम में रखा हुआ है, साथ में क्रिस्टोफर मफू इस टीम के अंदर है, जोनन फरारिया है, इविन लुइस भी टीम के अंदर आ चुके हैं, इरफान पठान इस टीम के अंदर है, लुक जोंगवे इस टीम के अंदर है, मोहम्मद नबी इस टीम के अंदर है, नांदे ब्रगर इस टीम के अंदर है, रोमिन उथप्पा है और चिंचुंडा मफूसा भी इस टीम के अंदर है, चिंचुंडा मफूसा, लुक जोंगवे भी इस टीम के अंदर है, साथ में ब्रैंडन मवूता भी इस टीम के अंदर है। जी हाँ ब्रैंडन मवूता भी टीम के अंदर जो है वो दिख ही रहे हैं, बिल्कुल। इविन लुइस को जगह मिली है टीम के अंदर, शायद समित पटेल जो है वो टीम के अंदर नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है शायद तकलीफ होगी, क्योंकि एक बल्लेबाज सही है यहाँ पर जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का। तो इविन लुइस को टीम में रखा गया है, इविन लुइस जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो भैया बढ़िया बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाजी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है यान मॉर्गन ने। फिर से टीम सुन लीजिएगा, यान मॉर्गन इस टीम के अंदर है, ब्रैंडन मवूता जिन्होंने पिछले मुकाबले 3 विकेट छटकाए थे वो भी इस टीम के अंदर है, साथ में अगर बात की जाए क्रिस्टोफर मफूहू, क्रिस मफूहू इस टीम के अंदर है, डेनवन फरारिया इस टीम के अंदर है, इविन लुइस को मौका मिला है, जी हाँ इविन लुइस टीम के अंदर आए हैं, इरफान पठान टीम के अंदर है, लुक जोंगवे इस टीम के अंदर है, लुक जोंगवे भी खेल रहे हैं, मोहम्मद नबी भी इस टीम के अंदर है, नांदे ब्रुगर भी इस टीम के अंदर है, साथ में रॉबिन उथप्पा है और त्रिनंदा मफूसा भी इस टीम के अंदर है। तो मान लीजिए यहाँ पर समित पटेल टीम में नहीं खेल रहे, उनके जगह पे बायात के बल्लेबाज इविन लुइस को टीम में रखा है। तो हो सकता है रॉबिन उथप्पा या इविन लुइस ओपन करें और यान मॉर्गन जो है नंबर 3 पे खेल लें, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करें, क्योंकि इविन लुइस ओपन भी करते हैं, नंबर 3 पे भी खेलते हैं, देखना होगा आप किस तरीके से बल्लेबाजी रहेगी। तो ये है दोनों टीमें, यहाँ पर लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, दोनों टीमें आपको बता दी है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो है वो दिखा दी है, बता दिए, यहाँ पर दो चेंजेस किए हैं यहाँ पर जो है केप टाउन सैम्प आर्मी ने, और तो यहाँ पर
एक चेंजेस किया है हरारे हरिकेन्स ने, हरारे हरिकेन्स की तरफ से समित पटेल नहीं खेल रहे, इवन लुइस जो है वो टीम के अंदर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए केपटाउन सैम आर्मी की तो शेन विलियम्स नहीं खेल रहे हैं, साथ में रिचर्ड नगरावा को भी नहीं टीम में रखा गया है। और यहाँ पर खेल रहे हैं हैमिल्टन में से कैट्स और यहाँ पर खेल रहे हैं मुरमानी, जी हाँ मुरमानी तंदिवंशी मुरमानी जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11, लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू हो रहा है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। यहाँ पर टॉस जीता है, चलिए यहाँ से मुकाबला जो है वो शुरू होने की कगार पे आ चुका है आपसे सिर्फ एक मिनट के बाद। जी हाँ एक मिनट के बाद मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगा, तो जुड़ते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है मुकाबला। दोनों टीमें अब ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू करेंगे। हमारी टीम यहाँ पर केप टाउन सैम फार्मी की टीम होगी जिसको सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे ये मुकाबला जो है वो जीते। यहाँ पर लगातार तीन मुकाबले हो चुके हैं, लगातार यहाँ पर तीन मुकाबले जो है वो हो चुके हैं, तीनों मुकाबले जो है यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर टीम जीती है, इसलिए केप टाउन सैम फार्मी को सपोर्ट करें, क्योंकि मुकाबला जो है यहाँ पर जो है खेलेंगे यहाँ पर इस मुकाबले को। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर खेल चलता है। बालूराज भाई के छुट चुके हैं, हाय सर जी, हाय बालूराज भाई, कैसे हैं यहाँ पर इस मुकाबले में जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब से सिर्फ थोड़ी ही देर के बाद प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू करेंगे और प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ यहाँ पर बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये चौथा मुकाबला दिन में, आज तीन मुकाबले होने हैं, तीनों मुकाबलों में एक मुकाबला पकड़िएगा, एक ज़बरदस्त मुकाबला आज होने की उम्मीद है, एक क्या दो होने की उम्मीद रहेगी मुझे, मतलब आज दो मुकाबले जो हैं वो काफ़ी अच्छा रहेंगे। यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है, खेल जो है वो शुरू होने की कगार पर आ चुका है, प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू करेंगे। यहाँ पर जी हाँ प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू कर चुके हैं, यहाँ पर चले बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं रेमनलो गुरबाज और जुआवो, फिर से वही ओपनिंग जोड़ी उतारी गई है यहाँ पर जुआवो और रेमनलो गुरबाज की। जी हाँ रेमनलो गुरबाज और जुआवो को फिर से ओपन भेजा गया है, क्या यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए शायद थोड़ा सा चेंजेस जो है वो देख सकते थे, क्या थोड़ा बहुत चेंज जो है वो कर सकते थे, यहाँ पर पार्थिव पटेल किसी और बल्लेबाज को भेज सकते थे, मगर यहाँ पर भेजा है जुआवो को। उस्मान खान भाई, अगर कौन जीतेगा भाई, मेरी तरफ से यहाँ पर केप टाउन सैम आर्मी को सपोर्ट करूँगा, कहूँ चाहूँगा कि केप टाउन सैम आर्मी की टीम जो है इस मुकाबले को जीते। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दिन का मुकाबला और दिन के मुकाबले के अंदर चाहेंगे कि पहला मुकाबला ही सुपर डुपर हिट रहे और एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखने को मिले। यहाँ पर अमित भाई कह रहे हैं हरारे जीतेगी इस मुकाबले को, भाई हो सकता है जीत भी जाए, अच्छी टीम है दोनों और दोनों टीम ने पिछले मुकाबले हारी है। यहाँ पर नयांदे बर्गर के हाथ में गेंद है, पहली गेंद थी सिंगल लिया रेमनलो गुरबाज ने, स्ट्राइक पे आ गए जुआवो, और जुआवो का पिछला मुकाबला भी कुछ खास गया नहीं था अगर देखा जाए जुआवो को, तो जुआवो का पहला मुकाबला भी ठीक गया नहीं था, मगर यहाँ पर खाता खुल गया है केप टाउन सैम फार्मी का, एक गेंद एक रन बिना किसी नुकसान के, जुआवो है स्ट्राइक पर। नयांदे बर्गर ने पिछले मुकाबले में भी काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, मगर यहाँ पर शुरुआत अच्छी करनी होगी। जी हाँ शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छी करनी होगी यहाँ पर नयांदे बर्गर और यहाँ पर जुआवो। जुआवो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, हम देखते हैं जुआवो जो है वो किस तरीके से खेलेंगे। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला जो है सुपर से भी ऊपर रहेगा। चलिए यहाँ पर नयांदे बर्गर थोड़ी सी फील्ड को तराश रहे हैं, यहाँ पर धूप खिली हुई है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है, शाम का वहाँ पर समय है, अंडर लाइट नहीं है, दिन की रोशनी में खेला जाएगा ये मुकाबला। राउंड द स्टंप गए हैं नयांदे बर्गर जुआवो के लिए, बायां हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार जुआवो को एक बार फिर से ओवर किए, दूसरी गेंद बढ़िया गेंद थी, जी हाँ पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली है और यहाँ पर कोई रन नहीं मिला है। नयांदे बर्गर जो है बायां हाथ के तेज गेंदबाज हैं और गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी करते हैं और लगातार दूसरी गेंद भी डॉट गेंद है। यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है, चाहेंगे कि अच्छा मुकाबला मिले। आउट करो जल्दी डस्टबिन भाई कह रहे हो, भाई एंट्री दे देना सर जी सही टाइम पर, एंट्री क्या है भाई ओपन में कम से कम 40% अमाउंट से लगा दीजिएगा, उड़ गया तो सीधा उड़ेगा, उड़ गया तो वहाँ से एंट्री ले लेंगे, नहीं तो अगर यहाँ से चलता है तो गेम चलने देंगे यहाँ से। चलिए एक बार फिर से हल्का फुल्का मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है, जुआवो एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद, हॉस्टम पे गेंद थी, बल्ले के बिल्कुल बाहरी किनारे पे गेंद लगी है और निकल गई है पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए, चौका मिलता हुआ यहाँ पर और यहाँ से इस चौके के साथ
यहाँ पर पहला चौका आता हुआ इस पारी का स्कोर होता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के 3 गेंदों के बाद जुआवो के बिल्कुल रडार में ये गेंद थी और सीधे बल्ले से खेलने गए थे। बल्ले का बाहरीकरण लेकर पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चौका मिलता हुआ इस गेंद पर। 3 गेंदों में 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी नियांद बर्गे की गेंदबाजी के ऊपर और तभी रन जो है बनते नजर आएंगे। आप मनवीर सिंह जी जुड़ चुके हमारे साथ, करें आउट, अपने अपने कमेंट जो है आप करते रहिएगा और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। एक बार फिर से यहाँ पर बर्गर की ओर की अगली गेंद बॉल लेफ्ट स्टंप के बाहर, ये गेंद थी ज्यादा बाहर कर दी, 5 एक्स्ट्रा रन मिलेंगे, वाइड का चौका मिलेगा यहाँ पर क्योंकि गेंद बिल्कुल रमनू थप्पा से काफी दूर थी, गेंद तक पहुंच भी नहीं पाए रमनू थप्पा। लेफ्ट स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड गेंद थी और चौका मिलता हुआ 5 एक्स्ट्रा रन जुड़ते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं कैप्टाउन सैम आर्मी के लिए 3 गेंदों के अंदर 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। खराब गेंद नियांद बर्गर की और शुरुआत भी काफी खराब, 3 गेंदों के अंदर 10 रन दे चुके हैं, दबाव हो गया है फिर से यहाँ पर हरारे हरी केन्स के ऊपर। देखते हैं अब क्या करेंगे। एक बार फिर से ओवर की 4थी गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर नियांदे बर्गर एक बार फिर से पटकी भी गेंद ऑस्टन के बाहर कट करने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक डॉट गेंद आती हुई मगर ओवर के रन तो निकल चुके हैं, 10 रन तो आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। अगर एक आधा चौका और आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर जुआवो के लिए। तो कोशिश ये रहेगी जुआवो की बल्ला घुमाते रहिए क्योंकि जुआवो का काम यही है कि आइए और पावर प्ले के अंदर बल्ले घुमाइए जिससे बाउंड्रीज जो है बटोर सकें। यहाँ पर स्कोर अभी भी 10 रन बिना किसी नुकसान के, 4 गेंदें हो चुकी हैं। राहुल भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गोल्डी भाई कह रहे हैं आउट कर दो, राहुल भाई कह रहे हैं आउट करो भाई, बर्गर ने कर दिया गड़बड़ बिल्कुल भाई। अमरजीत सिंह भाई सही कह रहे हैं, पर फिर से पटकी भी गेंद थी, झुक गए इस गेंद पर, वाइड करार दिया अंपायर ने। रवि थप्पा भी कह रहे हैं किसको गेंदबाजी दे दी भाई, कहां से गेंदबाजी करते हैं, गति तो काफी तेज है नियांदे बर्गर की मगर लाइन और लेंथ थोड़ा सा भटक रहे हैं। एक और वाइड गेंद आती हुई इस ओवर के अंदर, टोटल 6 एक्स्ट्रा रन मिल चुके हैं, 4 गेंदों के अंदर 11 रन बन चुके हैं। केप टाउन सैम पार्मी का कोई रन नहीं मिला, कोई विकेट नहीं गिरा है अभी तक। जुआवो भी खुश हैं कि चलो बल्ले से नहीं कम से कम वाइड और एक्स्ट्रा रन तो मिल रहे हैं, इसी से खुशी जो है वो मिल रही है जुआवो को, कम से कम इनकी बल्लेबाजी जो है वो बढ़ती तो रहेगी यहाँ पर। ब्रजेश भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ब्रजेश भाई जुड़े हुए हैं इस मुकाबले के अंदर। नियांदे बर्गर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलते हुए जुआवो के लिए ओवर द विकेट ऑल, और यहाँ पर मिड स्टंप पे गेंद थी पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई है, पैड पे लगी है गेंद और दौड़ लिया यहाँ पर हमने लोग गुरबाज ने, 1 रन और लेग बाय का सिंगल दिया है अंपायर ने और गुरबाज भी समझ गए कि जुआवो के बस की कुछ भी नहीं है इसलिए खुद आकर स्ट्राइक ले लिया है। 5 गेंदों में 12 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। केप टाउन सैम पार्मी के लिए अच्छी शुरुआत कहूंगा इसको मैं कि पहले और 12 रन आए और कोई विकेट जो है वो खोया नहीं है यहाँ पर। नियांदे बर्गर काफी तेज गति से गेंदबाजी जो है वो करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। रोहित झा भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हाई कह रहे हैं सभी भाई को नमस्कार, धन्यवाद आप सब लोग जुड़े हैं हमारे साथ इस मुकाबले में, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और यहाँ से इस मुकाबले में आगे बढ़ते रहिएगा। अगर बात की जाए नियांदे बर्गर की, गेंद फिर से मिड ऑफ स्टंप पे गेंद थी, बैट से टकराई, अपील करी है, क्या रिव्यू लेना चाहेंगे यहाँ पर, देखना होगा इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था ये देखना होगा। लेग बाय का सिंगल एक और आता हुआ, पहला ओवर अच्छा ओवर, 13 रन आए इस ओवर से, 1 ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर। केप टाउन सैम पार्मी का स्कोर है, स्ट्राइक पे होंगे अब जुआवो और बकरी रामलो गुरबाज जो कि 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर। अब देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी जो है वो चलते नजर आती है गुरबाज की और गुरबाज के सामने, गुरबाज को देखिए काफ़ी एक्सपीरियंस है टीचन लीग खेलने का, अबू धाबी टीचन लीग जो है वो खेलते नजर आए हैं यहाँ पर। दीपक ठाकुर भाई जुड़ चुके हैं, हेलो सर जी, हेलो दीपक भाई कैसे हैं यहाँ पर, और दीपक मिलान भाई काफ़ी गुस्सा हो गए हैं बर्गर से, खफा हो गए, पेटीज खा लीजिए कोई बात भाई, बर्गर से खफा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर पेटीज खा लीजिएगा, सैंडविच खा लीजिएगा और ना हो तो घर का खाना खा लीजिए डेस्पिटो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बर्गर आज बर्गर आज खराब हो चुका है। आज कौन जीत रहा है भाई? आकाश भाई हमारी तरफ से तो कैप्टन सैम पार्मी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। उस्मान भाई कह रहे हैं विकेट आने पर एंट्री लूंगा भाई, ओके भाई, स्पिन कंची है, स्पिन नहीं कंची विकेट है भाई, रन बनेंगे इस पिच पे। अगली गेंद यहाँ पर पहली गेंद पटकी भी गेंद, ड्राइव किया उस गेंद को मगर गेंद जाएगी सीधा पॉइंट फील्डर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद डॉट गेंद, मफूफू आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, मफूफू आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, अजीब नाम है, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे नाम को लेने के लिए क्योंकि यार पूरा मुंह हिल जाता है नाम लेते लेते, थोड़ा इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा हमारा आदत है नाम राम शाम नाम ले लेगा और यहाँ थोड़ा सा अजीब सा नाम है। मफूफू गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, ऊँचे लंबे कद खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा डाउन द डेक मार रहे हैं गेंद को, देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से अगली गेंद मफूफू की, रूम बनाया गुरबाज ने, पटकी भी गेंद थी, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए, चौका मिलता हुआ यहाँ पर इस गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को, बेहतरीन ये शॉट था और इस बार रूम बनाया था मगर लेग स्टंप पे गेंद मिली और उनके रडार में मिली, उसको पुल कर दिया और चौका बटोर लिया है। दूसरा चौका आता हुआ इस पारी का,
स्कोर होता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के 1.2 गेंदों के बाद। करंट रन रेट 12.75 की चल रही है। मफूफू की फफू हो चुका है। यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। गुरबाज तैयार है ओवर की तीसरी गेंद खेलने के लिए। ओवर द विकेट मफूफू इस बार ऑस्टम की तरफ आए हैं, पुल करने गए हैं। स्लो वन गेंद थी, मिस कर गए यहाँ पर, और इस गेंद पर बिल्कुल डॉट गेंद है। ये 4 रन आए हैं 3 गेंदों के अंदर। गुरबाज थोड़ा सा मुझे लै थोड़ा सा आ नहीं रही, क्योंकि ऐसी गेंदों को वो बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हैं, मगर कई बार जो है शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रयास करने जाते हैं गुरबाज, इसीलिए मिस कर जाते हैं। पिछले मुकाबले में भी ऐसे ही हुआ था, ज़्यादा प्रयास कर रहे थे बड़े शॉट खेलने के लिए और वो मिस हो रहे थे उनसे। आज मैं कहूँगा कि थोड़ा संयम रखें, क्योंकि 5 ओवर भी खड़े रहे तो काफ़ी बढ़िया, जी हाँ काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी जो है देखने को मिलेगी यहाँ पर। इतने बार जुड़ चुके हैं जयश्री राम भैया कैसे हैं? समीर ब्लॉग भाई कह रहे हैं क्या बोले आप भाई, बिल्कुल मफूफू बोला था। अगली गेंद इस बार डीप मिड विकेट दिशा में खेल दिया गुरबास ने, क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर। एक और चौका आता हुआ रमन लो गुरबास के बल्ले से, स्कोर पहुँचता हुआ 21 रन बिना किसी नुकसान के 1.4 गेंदों के बाद। रमन लो गुरबास 6 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खड़े खड़े उस गेंद को डीप मिड विकेट दिशा में पुल कर दिया और चौका बटोर लिया गुरबास। क्या बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर आप। गोचर में विकेट आएगा भाई गुरबास का। मिश्र जी आपकी कमेंट्री ऑसम है, थैंक यू मिराज। ममताज भाई, आदित्य भाई जुड़े हुए हैं, निराज कुमार, नीरज कुमार भाई कह रहे हैं यहाँ पर गुरबास 60 प्लस मारेगा। भाई मार गए ना तो टीम का स्कोर 125 के पार पहुंचाएंगे, आपकी बात सच हो जाए बस। चलिए अगली गेंद गुरबास के, इस ओवर के रूम बना है, पटकी हुई गेंद थी, सर के ऊपर से निकल गई ये गेंद। देख रहे हैं अंपायर को, अंपायर ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया, वाइड करार दिया इस गेंद को। एक एक्स्ट्रा रन और जुड़ता हुआ, 9 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर, 4 गेंदे हो चुके हैं, 22 रन बिना किसी नुकसान के। केप टाउन सैम फार्मी का स्कोर है 1.4 गेंदे हो चुके हैं। करंट रन रेट 13.20 का चल रहा है और गुरबास की कोशिश यही है कि गेंद को देख कर बाउंड्री के बाहर पटके इसको और बाहर ही फेंकते रहे, बाउंड्री बटोरते रहे, टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। तो क्या लगता है आपको, आज एक जबरदस्त बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिलेगी, क्या यहाँ पर रन बनते नजर आएंगे ये देखना होगा। लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। रमन लो गुरबास स्ट्राइक में मौजूद है, क्या लगता है आपको बड़े शॉट लगते हुए नजर आएंगे, क्या देखना होगा एक बार फिर से। अगली गेंद यहाँ पर इस बार कलायु के सारे फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद हवा में है, क्या फील्डर नीचे आएंगे? जी नहीं, कोई भी नहीं आएगा जी, ग्राउंड के बाहर मारा इस शॉट को, 6 रन मिलेंगे इस गेंद पर। मफूफू का फफूफू हो चुका है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इस ओवर के अंदर कुल मिला के 15 रन दे चुके हैं और गुरबाज इस बार कदमों का इस्तेमाल करके कलाईयो का जो यहाँ पर जो इस्तेमाल दिखाया है, किस तरीके से फ्लिक किया है कहीं ना कहीं, और विराट कोहली का याद आ गया यहाँ पर देखकर इस शॉट का। और स्कोर होता हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान के, 1.5 गेंदे हो चुकी हैं और मफूफू जो है सोच रहे हैं कहाँ फंस गए यार, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं गुरबाज, ऐसा लग रहा है हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे। एक बार फिर से आखिरी गेंद मफूफू लेकर चलते हुए स्ट्राइक मौजूद गुरबाज, एक बार फिर से ऑफ स्टंप पे गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, मगर इस बार कवर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। मगर ओवर थ्रो, जी हाँ ओवर थ्रो की लेने की कोशिश था वहां पर रन, और दौड़ लिया एक रन भाई, रन से चूकते नहीं है कहीं ना कहीं रमन लो गुरबाज। 16 रन बन चुके हैं, 16 रन आए इस ओवर से और 2 ओवर में 29 रन बिना किसी नुकसान के। केप टाउन सैम आर्मी का स्कोर है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है यहाँ पर, और पावर प्ले समाप्त होने के बाद 29 रन एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी शुरुआत है। 14.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहे हैं और ऐसे ही बनाते जाइए ऐसे ही रन, और टीम का स्कोर आगे बढ़ाते जाइएगा। आप देखते हैं किस तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, मगर बल्लेबाजी जो है धमाकेदार हो रही है यहाँ पर, और यहाँ से काफ़ी अच्छा खेल चल रहा है यहाँ पर। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। एक बार फिर से स्ट्राइक में मौजूद होंगे रामलाल गुरबास, जो कि अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जान जाते हैं, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदे खेली हैं, 16 रन बनाए हैं, 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं। चले पावर प्ले ले लिया गया है, जो एक ओवर का पावर प्ले मिलता है उसे भी ले लिया है रमन लो गुरबास ने, कहा है कि हम तो मारेंगे आज, इतना मारेंगे मार मार के सुझा देंगे, इसलिए एक ओवर और ले लिया है। तो फील्डर फिर से सर्कल के अंदर आ चुके हैं और भाई यार आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, टेंशन दूर हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद रन लेने गए हैं गुरबास, दौड़ा दिया है मफूफू को, यहाँ पर एक अच्छी सोच थी, रन लेने गए थे रमन लो गुरबास और यहाँ पर दौड़ा दिया है जुआवे को कि दौड़ भैया दौड़, हम आउट हो गए तो रन कौन बनाएगा। चलिए यहाँ पर आउट करवा दिया है रमन लो गुरबास ने जुआवो को, और जुआवो ने भी साथ दिया यहाँ पर गुरबास का, सीनियर पार्टनर की इज्जत करी और अपना विकेट जो है वो गवाया है। खेलते ही एक रन की मांग की थी, मगर जुआवो जो है वो हिले नहीं, सिर्फ गेंद को देखते रह गए। रमन लो गुरबास चिल्ला रहे थे रन दौड़ने के लिए, मगर यहाँ पर जुआवो जो है बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिए। जब दौड़े तब तक रोमिल थप्पा ने गेंद को पकड़कर रनआउट कर दिया जुआवो को। जुआवो जो है 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए। न्यांदे बर्गर और रोमिल थप्पा ने मिलकर आउट किया जुआवो को। स्कोर हो जाएगा 29 रन 1 विकेट नुकसान पर।
2.1 गेंद हो जाएगी, और अगर बात की जाए करंट रन रेट 13.38 की। चलो जुआवो का खेल खत्म करते हुए यहाँ पर रमनलो गुरबाज, ये विकेट मिलनी चाहिए गेंदबाज को नहीं रमनलो गुरबाज को, कि भाग जुआवो भाग। मैंने हमारे में एंट्री ले लिया भाई, बिल्कुल सही नहीं किया आपने। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है और गुरबाज नहीं गए भैया, गुरबाज कहाँ गए डिस्पिटो भाई, अभी जुआवो को भगाया है, भाग जुआवो भाग। तो उनको आउट कराया, भाग चुके हैं भानु का राजपक्षा। एक तरफ यहाँ पर तलवार है तो भैया एक तरफ मशीन गन है, आ गए हैं भानु का राजपक्षा। और जिस तरीके से ये पुल शॉट लगाते हैं ना, न्यानदेव बर्गर को सोचना पड़ जाएगा। स्कोर हो चुका है 29 रन 1 विकेट नुकसान पर, 2.1 गेंद हो चुकी है और न्यानदेव बर्गर आज पिज्जा बन के जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि विकेट मिल नहीं रही, रन बना रहे हैं और मुकाबला जो है वो काफ़ी बड़ा चल रहा है। बाकी आप सब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, सब्सक्राइब करने में शर्माइएगा नहीं, आप ही का चैनल है भैया, आप सब लोग ही जो है इंजॉय करते हैं कॉमेंट्री को, इसी तरीके से इंजॉय करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। न्यानदेव बर्गर क्या लगता है आज गेंदबाजी अच्छी करेंगे, पहले में थोड़े महंगे रहे थे, अब दूसरे ओवर में क्या करते हैं ये देखना होगा। चलिए एक बार फिर से न्यानदेव बर्गर गेंद लेकर चलते हुए, भानुकर राजपक्षा को लेग स्टंप पे ये गेंद जाके पैर से टकराई, अपील कर रहे हैं मगर लेग स्टंप को मिस कर जाएगी ये गेंद, इसलिए एक रन जो है दौड़ लिया। यहाँ पर स्ट्राइक पे आते हुए यहाँ पर हमने लोग गुरबाज के अंपायर्स को लेग बाय देंगे ये देखना होगा, मगर पहली गेंद में जो घटा वो देखकर अच्छा लगा कि हमने गुरबाज ने कहा मुआवो को भागो भैया भागो, नहीं मैं आउट हो गया तो बहुत मार पड़ेगी अंदर जाके ड्रेसिंग रूम के अंदर, इसीलिए उन्होंने अपना विकेट जो है वो गवाया है और आगे पहुंचाया। यहाँ पर ब्रिजेश सिंह जी कह रहे हैं उल्टी कमेंट्री, भैया राधे 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 राधे, भैया कैसन बा बढ़िया बगे, एक बात समझ नहीं आ रहा, जो लगता है वो गलत क्यों हो जाता है भाई, जो लगता है वो होता नहीं, जो होता है वो लगता नहीं भैया, ये कहानी है किंग कोहली भाई। चलिए एक बार फिर से बर्गर की ये गेंद रूम बनाया है, इस बार ऑस्टम पे पटकी हुई गेंद थी, कट किया है गेंद को, गेंद जाएगी कवर फील्डर के पास, एक रन मिलेगा इस गेंद पर। जी हाँ, स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन 1 विकेट नुकसान पर, 2.3 गेंदें हो चुकी हैं। न्यानदेव बर्गर का ये ओवर काफ़ी अच्छा, सिर्फ 2 ही रन आए हैं अभी तक इस ओवर के अंदर, पहला लेग बाय का था और एक सिंगल रमनलो गुरबाज के बल्ले से आया है। भानुकर राजपक्षा की कोशिश यही है कि आइए रन बनाइए, क्योंकि दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो T10 लीग को भली भांति जानते हैं, भली भांति खेला है, और अगर रिकॉर्ड देखें तो भानुकर राजपक्षा का 194 का स्ट्राइक रेट है और रमनलो गुरबाज का 207 का स्ट्राइक रेट है T10 के अंदर। तो T10 के अंदर ये दोनों बल्लेबाज जो है वो काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तो इनसे ही उम्मीद रहेंगी कि टीम का स्कोर जो है वो आगे लेके जाए। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी, कलाइयों के सारे खेला जरूर मिड विकेट दिशा में, फील्डर मौजूद है, डॉट गेंद आता हुआ, 4 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, मात्र से 2 रन आए हैं। इन 2 गेंदों में क्या एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं भानुकर राजपक्षा, पिछले मुकाबले में तो दूसरी गेंद पर छक्का चढ़ दिया था, क्या आज इस मुकाबले में कुछ कमाल कर पाएंगे क्या? आज चेज होगा मिश्रा भाई, देखो प्रदीप भाई क्या होता है, चेज होगा कि डिफेंड होगा वो देखना होगा, बल्लेबाजी चल रही है, स्कोर बनना चाहिए, अगर एंट्री सही मिली तो मज़ा आ जाएगा इस खेल के अंदर, हम भी ले लेंगे आपके साथ साथ आपके भरोसा करके। यहाँ पर गोस्वामी भाई जुड़ चुके हैं, गोर जय श्री राम भैया, जय श्री राम भैया कैसे हैं गोस्वामी भाई, नवीन भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक बार फिर से यॉर्कर गेंद थी है, कलाइयों के सारे खेला है स्क्वायर की दिशा में, शॉर्ट स्लॉट में फील्डर मौजूद है, एक रन लेते हुए भानुकर राजपक्षा खोलते हुए अपना खाता, स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन 1 विकेट नुकसान पर, 2.5 गेंदों के लिए 5 गेंदों के बाद। अगर ओवर की बात की जाए, न्यानदेव बर्गर का ये ओवर काफ़ी अच्छा जा रहा है, 3 रन दिए इस ओवर में और टोटल मिला के पहले में 10 आए थे और दूसरे ओवर में यहाँ पर 3 रन दिए हैं, तो देखना वाली बात रहेगी क्या आखिरी गेंद पर रमनलो गुरबाज इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुँचाएंगे क्या। निट्रेट गेमिंग भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 20 रुपये का सुपर चैट किया निट्रेट गेमिंग भाई ने, निट्रेट भाई धन्यवाद 20 रुपये का सुपर चैट करने के लिए। रमनलो गुरबाज को ये गेंद ऑस्टन के बाहर, ये गेंद सीधे बल्ले से खेला है, कवर दिशा में गेंद गई है, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए एक और छक्का मिलता हुआ यहाँ पर। रमनलो गुरबाज से आज बच के रहिएगा, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखा कि न्यानदेव बर्गर की ये गेंद थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद आगे की तरफ, गुडलेंथ पिच किया था उस गेंद को और कलाइयों के सारे बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है और गेंद निकाल दिया है सीधा कवर की दिशा में, 6 रन के लिए आखिरी गेंद पर छक्का आता हुआ, किए किराए पर सब पानी फिरवा दिया न्यानदेव बर्गर ने और 3 ओवर समाप्ति के बाद 38 रन 1 विकेट नुकसान पर केप टाउन सैम्प आर्मी का स्कोर है। भानुकर राजपक्षा होंगे स्ट्राइक पर, जो कि अभी खाता नहीं खोल पाए हैं, खाता खोलने की सोच रहे हैं कि किस तरीके से खोलें। यहाँ पर 12.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, अभी भी 42 गेंदें बची हैं इस पारी की, देखना होगा 42 गेंदों में कितने रन जुड़ते हैं यहाँ पर। चलिए लगते हैं इस मुकाबले की तरफ और रमनलो गुरबाज की बल्लेबाजी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, अगर खड़े रहे पूरे ओवर तो टीम का स्कोर जो है 120 के पार लेकर जाएंगे, क्या 120 के पार पहुँचा पाएंगे ये देखना होगा। जो भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भाई जुड़े हुए हैं स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा और एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को, क्योंकि मुकाबला जो है सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद है। जी हां, सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद है। मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा, मैं हूं दिल्ली से, के लिए कमेंट्री लेके आऊं।
इस मुकाबले की, और मुकाबला जो है काफी बढ़िया रहा है। उम्मीद है यूनाइटेड गेमिंग भाई, धन्यवाद आपका सुपर चैट करने के लिए, 20 रुपए धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर कहाँ हो भैया, कहाँ से कमेंट्री कर रहे हो? दर्शन प्रसाद भाई कमेंट्री कर रहे हैं घर से, घर है दिल्ली में, कभी मौका मिल तो आइएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। चले चलते हैं जरा यहाँ पर इस खेल की तरफ बढ़ते हैं। स्पिनर गेंदबाज को बुलाया गया है यहाँ पर, नहीं ये मीडियम पेसर गेंदबाज को बुलाया गया है। जोंगवे आए हैं और राउंडर की भूमिका में रहते हैं जोंगवे। पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, गेंदबाजी में भी एक विकेट छटकाया था। अब देखना होगा भानुका राजपक्षा के खिलाफ किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। जोंगवे गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड द विकेट पहली गेंद भानुका राजपक्षा को हल्के तौर से खेला शॉर्ट थर्ड में दिशा में, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस एक रन के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज स्ट्राइक पे आ जाएंगे, 39 रन बन चुके हैं, एक विकेट नुकसान पर 3.1 गेंद हो चुकी है। बांग्लादेश वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन टाई हुआ है भाई, बिल्कुल प्रदीप भाई टाई तो होना ही था, हिसाब से इंडिया खेल रहा है यहाँ पर, कितना भी ये सही है यार, काफ़ी हद तक देखा जाए तो अच्छा फाइट दिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश की टीम अच्छी बन भी रही है यहाँ पर। प्रीतपाल सिंह जी कह रहे हैं पावर प्ले में कितने ओवर का होता है भाई? पावर प्ले 2 ओवर का होता है, एक पावर सर्ज की तरह ले लेते हैं भाई, एक ओवर वो ले लिया है, अब 7 ओवर जो है वो 5 फिल्टर बाउंड्री पर रहेंगे अगले। चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, यहाँ पर जोंगवे की पटकी हुई गेंद ऑस्टन की तरफ, स्लो वन गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा आज भी अगर यहाँ पर स्लो वन गेंद की जा रही है, और गेंद जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही है, जी हाँ काफ़ी अच्छी गेंद जा रही है, आसान नहीं हो रहा है बल्लेबाज के लिए रन बनाना। यहाँ पर लुक जोंगवे आ चुके हैं गेंदबाजी करने, 2 गेंदें हुई हैं अभी तक ओवर की, 1 रन आया है इस ओवर के अंदर। एक बार फिर से जोंगवे गेंद लेकर चलते हुए ओवर की तीसरी गेंद, सामने गुरबाज पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इनसाइड एज लगा है, गेंद जाएगी फाइन लेग की दिशा में, 1 रन लेने की कोशिश थी, मना कर दिया वहां पर भानुका राजपक्षा ने, और लगातार दूसरी डॉट गेंद आती हुई, जी हाँ 4th ओवर चल रहा है, स्कोर हो चुका है 39 रन 1 विकेट नुकसान पर। एक बड़े ओवर की तलाश रहेगी कि 20-22 रन बटोरें और मोमेंटम को अपनी तरफ शिफ्ट करें, तो क्या लगता है किस तरीके से खेल होगा यहाँ पर यह देखना होगा। पावर प्ले कितना बता दिया भाई मैंने, बोला 2 ओवर का पावर प्ले, एक तरफ का 1 ओवर का पावर सर्च के टाइप होता है यहाँ पर, एक ओवर आप कभी भी ले सकते हैं, उसे 3 ओवर का पावर प्ले होता है टोटल मिला के। चले एक बार फिर से हम लोग गुरबाज कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट लगाने गए यहाँ पर, 1 रन तो मिल गया है, 2 रन भी लेंगे क्योंकि फिल्डर 2 फिल्डर आपस में भिड़ चुके हैं वहाँ पर, गले मिल रहे हैं वहाँ पर। अरे कोई भी गेंद फेंक दीजिए, गेंद तो फेंकिए, 2 रन दौड़ते हुए यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज, स्कोर हो चुका है 41 रन 1 विकेट नुकसान पर, 3.4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। करंट रन रेट अभी भी 11.18 की चल रही है। T10 के 2 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और भानुका राजपक्षा क्रीज पर मौजूद है, मगर रहमानुल्लाह गुरबाज की कोशिश यही है कि बड़े बड़े स्कोर जो है, बड़े बड़े जो है शॉट जो है वो लगाए जाएँ और टीम का स्कोर जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो क्या लगता है आपको कि खेला होबे कि पहला होबे, समय बताएगा, और मुकाबला सुपर से भी ऊपर रहेगा यहाँ पर, जिस तरीके से खेल चल रहा है देखकर मजा आ रहा है। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर स्ट्राइक पे मौजूद है बल्लेबाज यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज। अगली गेंद स्लो बन गई, इस बार कवर के ऊपर से खेल दिया शॉट को, गेंद जाएगी क्या फील्डर नीचे आते हुए यहाँ पर, लीजिए स्लो बन गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गए रहमानुल्लाह गुरबाज कवर की दिशा में, मगर फील्डर को भेद नहीं पाए और सीधा गेंद दे दिया फील्डर के हाथ में, लुक जोंगवे को मिलते हुए विकेट। बढ़िया ओवर यहाँ पर, 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए यहाँ पर और 1 विकेट जो है चटका दिया, बहुत बड़ा विकेट रहमानुल्लाह गुरबाज का। स्लो वन गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गए और अपना विकेट जो है वो गवाते हुए नजर आए। 15 गेंदों में 25 रन बनाकर 2 चौके और 2 छक्के लगाकर रहमानुल्लाह गुरबाज पवेलियन जाते हुए, 41 रन 2 विकेट नुकसान पर, 3.5 गेंदें हो चुकी हैं। अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर, कौन करेगा बल्लेबाजी इस खेल के अंदर, ये देखना होगा। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है, मगर सिचुएशन ये है कि रहमानुल्लाह गुरबाज के आउट होने के बाद थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी, जी हाँ थोड़ी सी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी यहाँ पर। देखते हैं अब किस तरीके से खेला होता है, खेला होबे कि पहला होबे, समय बताएगा वो किस तरीके से खेल होबे, और यहाँ से देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से खेल चलता है। धीरे धीरे यहाँ पर अब बल्लेबाजी करने के लिए करीम जन्नत को भेजा गया है, पिछले मुकाबले में भी बल्लेबाजी जो है अच्छी की थी करीम जन्नत ने, मगर अगर देखा जाए तो 37 गेंदें बची हैं, 37 गेंदों में कम से कम आप 60 से 70 रन जो है वो जोड़ना चाहेंगे, 100 के पार जो है पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि 105 रन भी यहां पर डिफेंड होते नजर आए थे पिछले मुकाबले के अंदर। क्या आज भी वही खेल होगा, देखना होगा यहां पर। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। कैच पकड़ा था यहां पर टी मपोसा ने पकड़ा था कैच, और रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो हुए थे कैच आउट यहां पर।
करीम जन्नत पिछले मुकाबले में भी 13 गेंदों में 31 रन बनाते नजर आए थे। गेंदबाजी ना कराइए, बल्लेबाजी करा लीजिए करीम जन्नत से, अगर गेंदबाजी करने आएंगे तो मैं निकल लूँगा। देखा रहा यू आर सो लकी यार, गुरबाज़ को आउट करवा दिया भाई, मैं क्या करूँ यार। चलिए अगली गेंद, यहाँ पर फिर से पटकी हुई गेंद, ऑस्टन के बाहर कट किया है, गेंद को गेंद जाएगी पॉइंट की दिशा में और यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर आता हुआ, पिछले ओवर में 9 आए थे, इस ओवर में 3 रन आए हैं, कुल मिला के 2 ओवर 12 रन बने हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट नुकसान पर यहाँ पर केप टाउन सैम्प आर्मी का स्कोर है। जब तक ये ओपनिंग ठीक नहीं करेंगे ना केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम, तब तक इनका काम बनेगा नहीं। भेजते हैं मुआवो को, मुँह दिखा के चले जाते हैं आप। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले का सूरत। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, इन्जॉय करिएगा इस मुकाबले को। जो भाई नए जुड़े हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, मुकाबले में जुड़े रहिएगा। यहाँ पर खेला होबे कि फेला होबे वो समय बताएगा, मगर किस तरीके से खेल चलेगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से मुकाबला जो है वो सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद है। गुरबाज तो आउट हो गए हैं, मगर थोड़ी सी गेंदबाजी में यह देखना होगा यहाँ पर किस तरीके से अब गेम जो है चलता नजर आएगा। एक बार फिर से यहाँ पर चलते हैं भानुका राजपक्षा की तरफ, मोहम्मद नबी। जी हाँ, अमूमन गेंदबाजी करते नहीं है मोहम्मद नबी टी10 में, मगर यहाँ गेंदबाजी करना है। पहली गेंद भानुका राजपक्षा को, राउंड अशम पटकी हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल करके सीधे बल्ले से खेला जरूर है। 1 रन मिलता हुआ लॉन्ग ऑन की दिशा में भानुका राजपक्षा को, स्ट्राइक पे आते हुए बल्लेबाज यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर आते हुए करीम जन्नत। मिश्र जी खेला होगा या फेला होगा? खेला होगा भाई, खेला तो हो ही रहा है मुकाबले में, क्या पता कल की तरह भी खेला हो जाए, कुछ पता नहीं भाई। टी10 लीग एक अनप्रिडिक्टेबल लीग है भाई, ये यहाँ प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बल्लेबाज कब रन बना दे और गेंदबाज कब अच्छी गेंदबाजी कर दे ये देखना होगा। चले मोहम्मद नबी की ओर अगली गेंद, करीम जन्नत को पटकी हुई गेंद, गेंद पड़ने के बाद नीची सी रही थी, सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को मिड विकेट दिशा में। 1 रन मिला है और 1 रन से संतुष्ट करना होगा करीम जन्नत को। स्कोर पहुंच चुका है 43 रन 2 विकेट नुकसान पर, 4.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। भानुका राजपक्षा 5 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं और थोड़ा सा भानुका राजपक्षा को थोड़ा सा तेज खेलना होगा, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज के जाने के बाद इनको जो है वो थोड़ा तेज खेलना होगा, तभी खेल बन पाएगा। चलिए एक बार फिर से स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर जो है भानुका राजपक्षा, ऑस्टम्प की तरफ पटकी हुई गेंद, फिर से एक हल्का तो सिंगल बटोरा है, एक सिंगल और लेते हुए यहाँ पर भानुका राजपक्षा सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आ जाएंगे करीम जन्नत। स्कोर हो जाएगा 44 रन 2 विकेट नुकसान पर 4.3 गेंदों के बाद। लगातार अभी तो 3 गेंदों में 3 सिंगल आए हैं। करीम जन्नत जो है पिछले मुकाबले में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आए थे। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया करीम जन्नत ने, सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर के हाथ में ये गेंद, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। शायद थोड़ा सा मोहम्मद नबी के खिलाफ बड़ी शॉट लगाने गए करीम जन्नत और सीधा गेंद थमा दिया यहाँ पर जो है फील्डर के हाथ में। एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ केप टाउन सैम्प आर्मी का सीधा शॉट था और सीधे शॉट के ऊपर वहाँ पर कैच पकड़ा फील्डर ने लॉन्ग दिशा में, कोई गलती नहीं की। 44 रन 3 विकेट नुकसान पर 4.4 गेंदें हो चुकी हैं और केप टाउन सैम्प आर्मी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि यहाँ से अब बल्लेबाजी थोड़ी कम बची है। मगर अगर देखा जाए तो जो मेन बल्लेबाज थे टी10 खेलने वाले वो निकल लिए हैं, सस्ते में निकल लिए करीम जन्नत। अब यहाँ भेजा गया है टॉम करन को, जी हाँ सैम करन के भाई टॉम करन। अब क्या यहाँ पर करन के साथ राजपक्षा के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा, क्योंकि यहाँ से अभी भी अगर देखा जाए 32 गेंदें बची हैं, 100 के आंकड़े को तो क्रॉस करना चाहेंगे आप, तो उम्मीद यही है कि वहाँ पर भानुका राजपक्षा जो है वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करें। मगर इस ओवर में देखा जाए सिर्फ 3 ही रन आए हैं, 4 गेंदों के अंदर दबाव डाल दिया है यहाँ पर हरारे हरी केन्स की टीम और मुश्किलों में दिख रही है ये टीम। क्या लगता है आपको कि यहाँ से 100 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस करेंगे या फिर निपट जाएंगे यहाँ पर? नबी को दे दिया बहुत कि ये क्या टूर्नामेंट है यार भाई, नबी गेंदबाजी करते तो भूल गए क्या डस्पिटो भाई। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद, पटकी भी गेंद थी टॉम करन को, सीधे बल्ले से खेल दिया 1 रन के लिए और ऐसा लग रहा है कि शायद पिच का जो अनिवन बाउंस है पूरा फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर दोनों गेंदबाज। 45 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 4.5 गेंदें हो गई हैं। अगर देखा जाए तो हैमिल्टन मैसा कैट्सा भी टीम के अंदर हैं, उनको भी भेज सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पार्थिव पटेल भी हैं। अब देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से मोहम्मद नबी की एक गेंद लेक्स्टम के बाहर, भानुका राजपक्षा को वाइड गेंद है ये, इस वाइड गेंद के साथ 1 रन और जुड़ता हुआ 46 रन 3 विकेट नुकसान पर, 4.5 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। जी हाँ भानुका राजपक्षा अभी भी मौजूद है क्रिज के ऊपर, 5वां ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद इस ओवर की। भानुका की एक बार फिर से, भानुका को यहाँ पर कलाइयों के सारे फ्लिक कर दिया मिड विकेट दिशा, स्क्वायर की दिशा में, माफ करिए, 1 रन मिल गया है इस 1 रन के साथ।
पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं 47 रन 3 विकेट नुकसान पर। केप टाउन स्वैंप आर्मी के स्कोर है और भानुका राजपक्षा अगले 30 गेंदों के अंदर टॉम करन और भानुका राजपक्षा किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा, किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई है केप टाउन स्वैंप आर्मी के लिए। और जो भाई नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करते रहिएगा, स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा, इन्जॉय करते रहिएगा इस मुकाबले को, क्योंकि मुकाबला जो है अभी घूमा जरूर है मगर वापसी जरूर होनी है इस मुकाबले में। क्या लगता है खेल जो है यहाँ पर एक ज़बरदस्त चल के चलते नजर आएगा क्या ये देखना होगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, इन्जॉय करते रहिएगा इस मुकाबले को, क्योंकि खेल जो है काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है। अब देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी जो है करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से खेल जो है वो आगे बढ़ते नजर आएंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं अब यहाँ से क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। स्कोर हो चुका है अभी भी यहाँ पर, स्कोर काफ़ी कम है 47 रन 3 विकेट नुकसान पर। शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, इरफान पठान को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, इरफान पठान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहला ओवर लेके आए। भानुका राजपक्षा कदमों का इस्तेमाल किया, कहो दिशा में खेला शॉट को, फील्डर जी हाँ दूर ही है फील्डर, यहाँ पर 6 रन मिलेंगे इस गेंद को भानुका राजपक्षा को, और पहला छक्का आता हुआ भानुका के बल्ले से इस पारी का, स्कोर पहुंचता हुआ 53 रन 3 विकेट नुकसान पर। 5.1 गेंद हो चुकी है और लो फुल टॉस की गेंद इरफान पठान की, यहां पर कदमों का इस्तेमाल करके बिल्कुल पॉइंट में, कोई कवर नहीं, पॉइंट की दिशा में खेल दिया इस शॉट को, और 6 रन बटोरे हैं भानुका राजपक्षा ने। तो अब यहाँ से कोशिश यही है कि बड़े बड़े शॉट लगाएं और टीम का स्कोर जो है वो आगे बढ़ाए। क्या लगता है रन बनते नजर आएंगे यहाँ पर। चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, दूसरी गेंद पठान के कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को गेंदबाज की दिशा में, फील्डर गेंद को पकड़ते हुए यहाँ पर 1 रन मिल गया है इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 54 रन 3 विकेट नुकसान पर, 5.2 गेंदें हो चुकी हैं। अगर देखा जाए गेंदबाज 1 रन, आपको 2 रन ले लिए हैं, ओवर थ्रो का भी 1 रन और जुड़ता हुआ। भानुका राजपक्षा फिर से स्ट्राइक पे आते हुए यहाँ पर 2 रन दौड़ लिए हैं इस गेंद पर, 55 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 5.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। इरफान पठान का ये बहुत ही अहम ओवर, पिछले मुकाबले में ना नबी ने गेंदबाजी की थी ना इरफान पठान गेंदबाजी करते नजर आए थे, मगर आज जो है सभी को गेंदबाजी जो है वो दी जा रही है, शायद थोड़ा सा सीख लिया है एन मॉर्गन ने। तो अगली गेंद पठान की, इस बार भानुका को इस बार ऑस्टम पे गेंद थी, कलायो के सारे खेल दिया इसको शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन में हुआ इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ टॉम करन आ गए हैं स्ट्राइक पर, स्कोर होता हुआ 56 रन 3 विकेट नुकसान पर, 5.3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। टी10 लीग का ये पहला मुकाबला, दिन का पहला मुकाबला है, और दिन के पहले मुकाबले के अंदर क्या लगता है आपको, विकेट गिरेंगे, रन बनेंगे, स्कोर आगे बढ़ेंगे क्या, ये देखने बात रहेगी। एक बार फिर से सामने मौजूद होंगे बल्लेबाज यहाँ पर, जी हाँ सामने मौजूद होंगे बल्लेबाज टॉम करन को देखा है 100 में बल्लेबाजी करते हुए, टॉम करन को देखा है हमने यहाँ पर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो T20 में बल्लेबाजी करते हुए, क्या यहाँ बल्लेबाजी कर पाएंगे। अगले गेंद टॉम करन को ऑस्टन की तरफ, स्लो वन गेंद कट करने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं यहाँ पर और मिस कर गए यहाँ पर गेंद को टॉम करन। एक और डॉट गेंद आती हुई, जी हाँ नो बॉल दिया एम्पायर ने, ये नो बॉल गेंद है क्योंकि गेंद जो है पैर से जो है स्टंप को गिरा दिया यहाँ पर इरफान पठान ने गेंदबाजी करते हुए, तो नो बॉल रहेगी। ये डॉट गेंद तो थी मगर अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रन, जी हाँ एक्स्ट्रा रन जो है वो मिलेगा, प्लस फ्री हिट गेंद रहेगी। एक बार फिर से इरफान पठान फ्री हिट गेंद लेकर चलते हुए ऑस्टन के बाहर, ये गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। 11 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर, अभी तक गेंदें हुई हैं 3.58 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 5.3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। अगर बल्लेबाजी अच्छी करनी है तो ऐसे फ्री हिट गेंदों पर जो है बाउंड्री बटोरनी पड़ेगी। एक बार फिर से गेंद लेकर चलेंगे, जी हाँ देखने अगली गेंद स्लो, टॉम करन को स्लो वन गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया डीप मिड विकेट दिशा में, फील्डर से जस्ट आगे ये गेंद गिरी है और यहाँ पर 1 रन, जी हाँ 1 रन मिलता हुआ इस फ्री हिट गेंद पर। 12 रन आ चुके, 1 नहीं माफ करिए 2 रन शायद ले लिए यहाँ पर। एक और नो बॉल लीजिए, एक और नो बॉल, एक बार फिर से इरफान पठान गेंदबाजी करते हुए अपने पिछले पांव से जो है नॉन स्ट्राइकर स्टंप को टच कर गए और पैर मार दिया उस स्टंप पे। एक और नो बॉल मिलती हुई, तो मतलब 3 गेंदें भी बची हुई है, मगर फ्री हिट गेंद पर होंगे भानुका राजपक्षा। 60 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 5.3 गेंदें हो चुकी हैं, 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में 3 गेंदों के अंदर। एक और नो बॉल आती हुई यहाँ पर, अगली गेंद फ्री हिट गेंद, स्लो वन गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद हवा में है क्या, फील्डर नीचे आएंगे और आ भी जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, चौका मिलता हुआ यहाँ पर। अंपायर एक बार चेक भी करेंगे बाउंड्री को कि चौका है कि छक्का, मगर चौका मिलता हुआ इस गेंद पर चेक करना भी होगा कि चौका है कि छक्का है यहाँ पर। यहाँ से
थोड़ा सा भानुका राजपक्षा ने फ्री हिट गेंद को वसूल किया है। स्लो वन गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने के बल्ले के ऊपरी हिस्से में गेंद लगी, मगर इतनी ताकत थी गेंद के ऊपर कि गेंद गई वन बाउंस टू बाउंस बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। जी अगली गेंद इरफान पठान के सोवर की स्लो वन गेंद ऑस्टन के बाहर, कट कर दिया गेंद को, एक बार फिर से डीप पॉइंट दिशा में एक और चौका आता हुआ, यहाँ पर एक और चौका आता हुआ, 21 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 68 रन बन चुके हैं यहाँ पर, 3 विकेट नुकसान पर 5.5 गेंद हो गई। एक महंगा ओवर इरफान पठान का, 5 गेंदों में 21 रन दे चुके हैं। करीम जन्नत की याद दिला दी, जब कल करीम जन्नत भी ऐसे ही पिटते हुए नजर आए थे अपनी गेंदबाजी में, और देखिएगा करंट रन रेट फिर से 12 की तरफ बढ़ता हुआ। अगली गेंद, आखिरी गेंद, स्लो वन गेंद, इस बार पड़ने के बाद गेंद उछली नहीं और यहाँ पर जो है वो डॉट गेंद आती हुई, आखिरी गेंद जो है वो डॉट गेंद है। यहाँ से अगर बात की जाए तो 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 68 रन 3 विकेट नुकसान पर यहाँ पर केप टाउन सैम पार्मी का स्कोर है। बैक ऑन ट्रैक ले आए हैं इरफान पठान कहीं ना कहीं केप टाउन सैम पार्मी के लिए, 21 रन आए इस ओवर से, अगर एक और 20-21 रन का ओवर आ जाए तो शायद केप टाउन सैम पार्मी जो है फिर से इस मुकाबले में वापसी करते नजर आएगी। वापसी तो कर ली है वैसे तो, फिर से वापसी करते नजर आएगी, मैंने कहा था वापसी करेंगे, आपने घबराना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और जुड़ते रहना है हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है। अब देखते हैं किस तरीके से खेल आगे बढ़ेगा, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, टीम का स्कोर चल रहा है और क्या लगता है आपको यहाँ से खेला होबे क्या? जी हाँ, खेला होबे कि पहला होबे समय बताएगा मुकाबला किस तरीके से चलेगा। ये एक बार फिर से अगली गेंद, मोहम्मद नबी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद पटकी भी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है टॉम करन ने, सिंगल बटोरा है, स्ट्राइक पे आते हुए भानुका राजपक्षा, 23 गेंदें बची हैं इस पारी की, 40 रन भी जोड़ते तो 109 का आंकड़े तक पहुँच जाएंगे। क्या लगता है 109 के आंकड़े तक पहुँच पाएंगे क्या, क्या पहुँच पाएंगे क्या 109 के आंकड़े के करीब, ये देखना होगा। मोहम्मद नबी बिल्कुल तैयार हैं, सामने मौजूद हैं यहाँ पर गेंद, यहाँ पर बल्लेबाज भानुका राजपक्षा और राउंड द स्टंप, पहली गेंद पटकी भी गेंद, गेंद नीची रही, बल्ला लगाया है और सिंगल ही बटोरा है। जी हाँ, सिंगल ही बटोरा है यहाँ पर, इस सिंगल के साथ, जी हाँ यहाँ पर सिंगल के साथ स्ट्राइक पे टॉम करन आ चुके हैं, 70 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर 6.2 गेंदें हो चुकी हैं। अब टॉम करन को भी थोड़ा सा यहाँ पर बड़े शॉट खेलने होंगे, क्योंकि टीम का स्कोर अब आगे बढ़ाने के लिए उनके हाथ, उनके बल्ले से भी कुछ बड़े शॉट चाहिए। एक बार फिर से टॉम करन को अगली गेंद, पटकी भी गेंद है, आज थोड़ा सा पटकी भी गेंदों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, पिच का फायदा उठाना चाहते हैं यहाँ पर मोहम्मद नबी। एक सिंगल और लेते हुए यहाँ पर इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आते हुए भानुका राजपक्षा, अभी तक इस ओवर में 3 रन आए हैं, करंट रन रेट अभी भी 10.92 की चल रही है। थोड़ा भानुका राजपक्षा चाहेंगे कि कम से कम एक या दो बाउंड्री इस ओवर में बटोरते हुए नजर आए यहाँ पर। एक बार फिर से भानुका राजपक्षा को ये गेंद, इस बार कवर की दिशा में खेल दिया इस शॉट को, गैप में ये गेंद है, फील्डर पहुंचे हैं गेंद तक मगर 2 रन लेने की कोशिश और 2 रन ले लिए यहाँ पर भानुका राजपक्षा ने, और इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 73 रन 3 विकेट नुकसान पर, 6.4 गेंदें हो चुकी हैं। आप सब लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। बड़ा ही फास्ट गेम है ये, जब तक बात करते हैं तब तक गेंद जो है वो डल जाती है, थोड़ा सा मुश्किलें हो रही हैं। नबी मेरी टीम में नहीं है, समीर भाई क्यों नहीं है, गेंदबाजी तो करेंगे ही। चलिए गेंद फर्स्ट से लेग स्टंप पे गेंद थी, स्वीप करने गए, जाकर गेंद टकराई है सीधा लेग स्टंप पे और बोल्ड कर दिया यहाँ पर भानुका राजपक्षा को मोहम्मद नबी ने, और मोहम्मद नबी, जी हाँ मोहम्मद नबी ने एक और विकेट निकाल दिया। स्कोर होता हुआ यहाँ पर 73 रन 4 विकेट नुकसान पर, 6.5 गेंदें हो गई हैं। भानुका राजपक्षा 16 गेंदों में 24 रन बनाकर 2 चौके छक्का लगाकर पवेलियन जाते हुए, जी हाँ यहाँ पर अंदर आती हुई गेंद थी उसको स्वीप करने गए, पूरी तरीके से मिस हो गए और जाकर गेंद बोल्ड स्टंप पे लगी और बोल्ड हो गए यहाँ पर भानुका राजपक्षा। मोहम्मद नबी को एक और विकेट मिलती हुई 11 रन देकर 2 विकेट छटकाए हैं। मोहम्मद रमी ने अभी भी 5 रन आ चुके हैं इस ओवर से, अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 73 रन 4 विकेट नुकसान पर, 6.5 गेंदें हो गई हैं, 19 गेंदें बची हैं, 100 के आंकड़े को छूना चाहेंगे यहाँ पर, 100 के आंकड़े को अगर छू पाएंगे तभी एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और एंजॉय करते रहिएगा मुकाबले को। यहाँ से इस खेल में अप एंड डाउन जो है वो काफ़ी चल रहा है, तो लगता है कि मुकाबला जो है एक अच्छा खासा, ये मुकाबला जो है हमें देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा खेल जो है होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है आपको कि एक ज़बरदस्त खेल जो है वो देखने को मिलेगा क्या? चलिए देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद पार्थिव पटेल आए हैं, एक बार फिर से ऑफ स्टंप पे गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला ज़रूर है, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। जी हाँ, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 73 रन 4 विकेट नुकसान पर,
यहाँ पर केप टाउन सैम पार्मी का स्कोर है और स्ट्राइक पे होंगे टॉम करन। जी हाँ, पार्थिव पटेल पिछले मुकाबले में भी एक अच्छी खासी बल्लेबाजी करने आए थे, मगर पिछली बार 7 नंबर पे आए थे, आज 6 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए हैं। क्या लगता है पार्थिव पटेल यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे क्या? यहाँ से बची हुई 18 गेंदों के अंदर कम से 35-40 रन जोड़ते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से रन चाहिए आपको, रन ही चाहिए, क्योंकि बिना रन बनाए काम चलेगा नहीं, क्योंकि गेंदबाजों को भी आपके रन चाहिए होंगे और टीम का स्कोर जो है वो आगे पहुँचाना पड़ेगा। एक बार फिर से चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं मपोसा, मपोसा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, डेस्कटॉप पर ढूंढ भी रहे थे मपोसा को बुलाओ, मपोसा को बुलाओ, और यहाँ से मपोसा जो है वो आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या करेंगे मपोसा, क्या बड़े शॉट खाएंगे या फिर यहाँ पर बचाएंगे हमें टीम के लिए। मपोसा के ओवर की पहली गेंद इस बार सामने है। टॉम करन स्लो वन गेंद ऑस्टन के बाहर कट करने गए, गेंद और बल्ले का यहाँ पर संपर्क नहीं हुआ, जॉट गेंद आती हुई यहाँ पर 18-17 गेंदें बची हैं इस पारी की। टॉम करन 6 गेंदों में सिर्फ 4 बनाकर खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो टॉम करन ने यार शायद बाउंसी पिचों पे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ड्राइव पिचों पे शायद उतनी अच्छी बल्लेबाजी जो है वो कर नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मगर टॉम करन जो है बड़े शॉट खेल सकते हैं थोड़ा सा अगर संयम रखें तो। यहाँ पर मपोसा के ओवर की अगली गेंद, दूसरी गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर मपोसा तैयार हैं एक बार फिर से। टॉम करन ओवर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद ऑस्टम की तरफ, शॉट को गैप में, ये गेंद है बाउंड्री मिलेगी, यहाँ पर टॉम करन को चौका मिलेगा, थोड़ा सा उछाल मिला इस गेंद पर, भरपूर फायदा उठाया उसका टॉम करन ने और चौका बटोरा इस गेंद पर, स्कोर पहुंचता हुआ 77 रन 4 विकेट नुकसान पर। 7.2 गेंदें हो चुकी हैं और जिस तरीके से शॉट खेला है अगर एक बड़ा ओवर आ जाए 20-22 रन का फिर से और शायद फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी केप टाउन सैम पार्मी की टीम, मगर जिम्मेदारी है पार्थिव पटेल और टॉम करन के ऊपर। टॉम करन और पार्थिव पटेल किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा। यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर टॉम करन मपोसा के ओवर की तीसरी गेंद, ये 2 गेंद में 4 रन आ चुके हैं इस ओवर से। एक बार फिर से मपोसा गेंद लेकर चलते हुए टॉम करन के लिए, पटकी भी गेंद इस बार पुल करने गए, बंदे का अंदरूनी किनारा लगा, यहाँ पर सिंगल लिया इस गेंद पर और दूसरा भी रन लेने की कोशिश, पूरा भरपूर फायदा दिया, साथ दिया यहाँ पर पार्थिव पटेल ने और 2 रन बटोरते हुए इस गेंद पर टॉम करन स्कोर हो चुका है 79 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। 7.3 गेंदें हो चुकी हैं, 15 गेंदें बची हैं, कल 105 रन भी डिफेंड होते हुए नजर आए उस पिच पे, मगर वो अंडर लाइट मुकाबला था, ये तो दिन का मुकाबला है, तो थोड़ा सा यहाँ से बल्लेबाजी जो है वो अच्छी करनी होगी। क्या लगता है आपको इस मुकाबले में किस तरीके से गेम चलेगा? चलिए एक बार फिर से सामने मौजूद यहाँ पर जो है टॉम करन ने ओवर की 4थी गेंद, मपोसा की पटकी हुई गेंद, कलाइयों के सारे खेल दिया इस बार, फाइन स्क्वायर लेग की दिशा में चौका मिलता हुआ, एक और चौका आता हुआ इस ओवर में, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर मपोसा के, स्कोर पहुंचता हुआ 83 रन 4 विकेट नुकसान पर 7.4 गेंदों के बाद। थोड़ी सी दिशा भटके थे और कलाइयों के सारे खेल दिया उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में यहां पर टॉम करन ने और 9 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। 155 का स्ट्राइक रेट जो है टॉम करन का है, क्या बची हुई 2 गेंदों में 1 बाउंड्री और, क्या 1 बाउंड्री और लगा सकते हैं क्या यहाँ पर, ये देखना होगा। तैयार है यहाँ पर टॉम करन ओवर की अब 5वीं गेंद, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से, अगर चौका छक्का और आ जाए तो मजा आ जाए। चलिए एक बार फिर से स्लो वन गेंद, इस बार ड्राइव किया उस गेंद को, गेंद जा रही है काउंटर दिशा में, फील्डर ने गेंद को पकड़ा और थ्रो किया है, 2 रन लेने की कोशिश, चांस बनेगा यहां पर रनआउट का, और ऐसा लग रहा है वो थप्पा शायद मिस कर गए या फिर रनआउट का चांस रहेगा, रनआउट चेक करना चाहेंगे, दौड़े काफी तेज थे टॉम करन पहुंचने के लिए, मगर ऐसा लग रहा है कि पहुंच नहीं पाएंगे। जी हाँ, पहुंच नहीं पाए हैं, शायद बाउंड्री की तरफ चलना शुरू कर दिया है टॉम करन ने और शायद आउट है यहाँ पर। जी हाँ, आउट है यहाँ पर टॉम करन, वैसे 2 की जरूरत नहीं थी, 1 रन लेते तब भी पार्थिव पटेल जो है वो बड़े शॉट खेल सकते थे, देखना होगा। जी हाँ, यहाँ पर अमन थप्पा ने गेंद को पकड़ा और जी हाँ, काफ़ी दूर थे टॉम करन और 1 रन आता हुआ इस गेंद पर, 84 रन 5 विकेट नुकसान पर, 7.5 गेंदें हो गई हैं, 10 रन आए, 11 रन आए हैं इस ओवर के अंदर, अब नए बल्लेबाज का आगमन होगा क्योंकि यहाँ से अब सिर्फ 13 गेंदें बची हैं, 13 गेंदों में अगर 25 रन भी जोड़ लें तो एक अच्छा स्कोर रहेगा डिफेंड करने के लिए, और एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। चलिए टॉम करन पवेलियन जाते हुए रनआउट हुए टॉम करन, 10 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन जा चुके हैं, 2 चौके लगाए थे इस ओवर में, अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए ये देखना होगा, क्योंकि बड़े बड़े शॉटों की है दरकार, रनों की है ज़रूरत, विकटों की दरकार तो चली रही है मगर रनों की भी ज़रूरत है। यहाँ पर मोहम्मद नबी अपने गेंदबाज मपोसा से अच्छी बात करते हुए, यहाँ पर क्या लगता है यहाँ पर विकटों का आगमन होगा क्या, क्या विकेट यहाँ पर गिरेंगे क्या ये देखना होगा। स्कोर की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर हो चुका है 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर, क्या लगता है एक और विकेट यहाँ पर
गिरते हुए नजर आएगा क्या, ये देखना होगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को और छुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। किस तरीके का मुकाबला चलता नजर आएगा ये देखना होगा। चलिए एक बार फिर से अगली बार, जी हाँ, एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलते हुए। यहाँ पर वाइड गेंद है ये मापोसा की, एक एक्स्ट्रा रन और जुड़ता हुआ स्कोर होता हुआ 85 रन 5 विकेट नुकसान पर 7.5 गेंदें हो चुकी हैं। मरुमानी, जी हाँ, टी मरुमानी को आज टीम में रखा गया था यहाँ पर, और टी मरुमानी जो है वो भेजे गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मगर यही रहेगा कि पार्थिव पटेल बची हुई 12 गेंदों में से कम 10 गेंदे या 9 गेंदे खेले और इस गेंद के ऊपर 20-22 रन जो है हमें टीम के लिए जोड़ते हुए नजर आए, तो क्या ऐसा हो सकता है देखना होगा। अब मरुमानी बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार हैं, एक बार फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं। मफूहू यहाँ पर पटकी हुई गेंद, इस बार फुल कर दिया है गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा यहाँ पर मरुमानी को और मापोसा की गेंदबाजी के ऊपर 13 रन आए इस ओवर से। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन 5 विकेट नुकसान पर केपटाउन सैम्प आर्मी का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगे मरुमानी और 2 ओवर बचे हैं, जी हाँ, 12 गेंदे बची हैं, 12 गेंदों में अगर 30 रन भी जोड़ दिए तो एक अच्छा खासा स्कोर रहेगा, एक अच्छा खासा स्कोर जो है वो बनता नजर आएगा इस पिच के ऊपर। आप सब लोग जो है स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला जो है वो सुपर से भी ऊपर का आगमन जो है वो देखने को मिल रहा है। सुपर से भी ऊपर का ये मुकाबला है चलता हुआ जा रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं किस तरीके से ये खेल चलेगा, किस तरीके से ये खेल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा ये देखना होगा। यहाँ पर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर काफ़ी हल्का चल रहा है यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर स्कोर हो चुका है काफ़ी कम स्कोर है जैसे कहें तो। जोंगवे आ चुके हैं, जोंगवे का पहला ओवर काफ़ी अच्छा गया था, 3 रन दिए थे उस ओवर के अंदर। टीम अनुमानी की अगर बात की जाए, स्ट्राइक मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 86 रन 5 विकेट नुकसान पर 86 रन 5 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है। एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर ये गेंद, जोंगवे की बल्ला घुमाया, बल्ले का बाहर ही करने लगा, शॉर्ट थर्नमेंट के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। एक और चौका आता हुआ यहाँ पर, इस चौके के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए लीजिए, एक चौका और जड़ते हुए यहाँ पर मुरमानी। स्लो वन गेंद थी, उसको भरपूर फायदा उठाया और स्कोर पहुँचता हुआ 2 रन 5 विकेट नुकसान पर। 8.1 गेंद हो चुकी है, शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई है इस ओवर की मुरमानी की। क्या एक और चौका लगा देंगे क्या इस गेंद पर? चलिए एक बार फिर से जोंगवे को दूसरी गेंद, स्लो फुल टॉस की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया, कवर की दिशा में सिंगल लेने की कोशिश रहेगी, जी हाँ ले लेंगे। पार्थिव पटेल आ जाएंगे स्ट्राइक पर, 91 रन 5 विकेट नुकसान पर। 8.2 गेंदें हो चुकी हैं, 10 गेंदें बची हैं, 10 गेंदों में 20 रन, 110 रन का स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एवरेज स्कोर भी अगर देखा जाए 110-112 रन का स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर देखने मिला। हमें पार्थिव पटेल का बल्ला बोलना होगा, पार्थिव पटेल का बल्ला जो है वो बुलवाना पड़ेगा, काम बन पाएगा। एक बार फिर से अगली गेंद यहाँ पर सामने है पार्थिव पटेल, पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंदबाज की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर रहे गेंद की तरफ मगर रोक नहीं पाएंगे, चौका मिलेगा इस गेंद पर। यहाँ पर पार्थिव पटेल को अपनी दूसरी गेंद पर चौके के साथ खाता खोलते हुए पार्थिव पटेल स्कोर पहुंचता हुआ 95 रन 5 विकेट नुकसान पर 8.3 गेंदों के बाद। 9 गेंदें बची हैं इस पारी की और 9 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। क्या एक ये ओवर जो है एक बड़ा ओवर बनता जाएगा, क्या बड़ा ओवर बना पाएंगे क्या यहाँ पर, ये देखना होगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से अगली गेंद, पार्थिव पटेल को डीप मिड विकेट दिशा में खेला, शॉट को फिल्टर के जस्ट आगे ये गेंद गिरेगी और 1 रन मिलेगा यहाँ पर जो है पार्थिव पटेल को, और मानी जो है वो स्ट्राइक पे आ जाएंगे। 96 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर 8.4 गेंदों के बाद। इस ओवर की बची हैं 2 गेंदें, 2 गेंदों में एक बाउंड्री और आना चाहिए, तभी खेल में मजा आएगा। ये खेल जो है वो काफ़ी बढ़िया, देखिए मैं मैसेज इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, काफ़ी लोग बुरा मान रहे होंगे, तो गेम बहुत फास्ट है। एक बार फिर से लो फुल टॉस की गेंद, इस बार यहाँ पर मिस कर गए मरमानी, और देखिएगा मरमानी जो है वो मिस कर गए इस गेंद को यहाँ पर, और डॉट गेंद है जी, डॉट गेंद है कि सिंगल ले लिया है जी, ले लिया है, दौड़ गए हैं 5वीं गेंद पर सिंगल, वाह बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन। यहाँ पर पार्थिव पटेल स्ट्राइक पर आते हुए यहाँ पर देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, लाइव मैं मैसेज नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज यार बहुत तेज़ गेम चल रहा है, लगातार जैसे कमेंट लेने आता हूँ गेंद डल जाती है। यहाँ पर अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की पार्थिव पटेल को, स्लो वन गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर जो है सिंगल लेने के लिए गए थे मगर इस बार ले नहीं पाए, तो इस ओवर में आए टोटल 11 रन, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन 5 विकेट नुकसान पर। यहाँ पर केपटाउन सैम्प आर्मी का स्कोर है, 1 ओवर बचा हुआ है, आखिरी ओवर बचा हुआ है, 6 गेंदें बची हुई हैं, इन 6 गेंदों के अंदर 10 रन 15 रन या 20 रन यही बटोरने पड़ेंगे तभी काम हो पाएगा। 20 रन आ गए
तो 117 तक पहुंचेंगे, 15 रन आ गए तो 112 रन तक पहुंचेंगे, और 10 रन आए तो 107 रन तक पहुंचेगी यहां पर केप टाउन सैम आर्मी की टीम। यहां पर काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं हमारे साथ और यहां से खेल आगे बढ़ रहा है। भाई दर्शन भाई कह रहे हैं भाई हमारा कमेंट पढ़ो भाई, बिल्कुल भाई कोशिश करो दर्शन भाई, मैच जैसे ही चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है, उंगलियों में दर्द हो गया भाई। बिल्कुल दर्शन भाई मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, मैं उसी मैसेज लूँ। आकाश भाई जुड़ चुके हैं, सोहेल कुरैशी भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बाकी अरुण भाई तो हमारे साथ हैं, यहाँ पर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस मुकाबले में, और यहाँ से खेल जो है बचा हुआ है सिर्फ 6 गेंदों का। यहाँ पर आकाश भाई के कुछ आकाश भाई फुल फॉर्म में यार लग रहा है। चलो चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, एक बार फिर से गेंदबाजी करने के मफूफू आए हैं। पहली गेंदबाज सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। लीजिए एक और छक्का आता हुआ यहाँ पर मरुमानी के बल्ले से, मरुमानी को तो भैया ओपन भेजना चाहिए इनको जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये, और 103 रन 5 विकेट नुकसान पर। मफूफू की स्लो रन गेंद आगे की तरफ, ये गेंद थी गोल्डन पे, ये गेंद थी और कलाइयों के सारे, क्या शॉट खेला है, क्या ताकत का यूज किया है मरुमानी ने, और छक्का बटोरा इस गेंद पर। जी हाँ, पहली गेंद तो छक्का आता हुआ और 100 रन पूरे होते हुए केप टाउन सैम आर्मी के। अब दूसरी गेंद यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से करेंगे। दूसरी गेंद मफूफू की पटकी भी गेंद, स्लो रन गेंद पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं यहाँ पर, मगर एक रन जो है वो दौड़ लिया यहाँ पर मरुमानी ने, और पार्थिव पटेल स्ट्राइक पे आएंगे। लेग बाय का ये सिंगल है, स्कोर पहुंचता हुआ 104 रन 5 विकेट नुकसान पर 9.2 गेंदों के बाद। यहाँ मौका है पार्थिव पटेल के पास अगली 4 गेंदों के अंदर, अगर 12 रन भी जोड़ दें तो 116 रन का स्कोर एक अच्छा स्कोर रहेगा इस पिच के ऊपर। क्या लगता है आपको अगली 4 गेंदों के अंदर 10 रन या 12 रन जोड़ते नजर आएंगे क्या पार्थिव पटेल? शुरुआत हो चुकी है 116 की यहाँ पर, 100 यहाँ पर स्कोर शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर 104 रन बन चुके हैं। अगली 4 गेंदों में अगर 15 रन या 16 रन जोड़ दे पार्थिव पटेल कर सकते हैं। अगली गेंद स्लो रन गेंद पटकी भी गेंद थी, फिर से पुल करने गए, पैड पर लगी है यहाँ पर, आउट दे दिया। लीजिए पार्थिव पटेल यहाँ पर आउट होते हुए, एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर केप टाउन सैम आर्मी की टीम को। तीसरी गेंद स्लो रन गेंद थी, पढ़ने के बाद गेंद उछाल नहीं लिया, पुल करने गए और गेंद जाके थाई पर टकराई है पार्थिव पटेल यहाँ पर। LBW आउट होते हुए मफूफू को विकेट मिलता हुआ और स्कोर पहुंचता हुआ 104 रन 6 विकेट नुकसान पर। शायद रिव्यू ले सकते थे यहाँ पर पार्थिव पटेल इसके लिए शायद यहाँ पर, मगर हम पार्थिव पटेल ने चलना शुरू कर दिया। तो अगली 3 गेंदें बची हैं, 3 गेंदों में अगर 10 रन जोड़ते तो शायद 114 का आंकड़ा जो है वो छू सकते हैं। 114 या 110 रन का आंकड़ा क्रॉस करना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा इस खेल के अंदर। क्या लगता है यहाँ पर 114 115 रन तक हो सकती है क्या, पहुँच सकती है क्या ये टीम, ये देखना होगा। अभी आखिरी की कुछ गेंदें बची हुई हैं, आखिरी की कुछ गेंदों के ऊपर ताबड़तोड़ रन बनाने पड़ेंगे। चल चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, सामने मौजूद हैं, जी हाँ सामने मौजूद हैं बल्लेबाज यहाँ पर जो है, यहाँ पर बल्लेबाज आ चुके हैं। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, पुल करने गए, स्लो वन गेंद थी, एक रन दौड़ दिया, बाय का सिंगल मिलेगा क्योंकि रन तो बल्ले से आए नहीं है। कैम्बल आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और स्ट्राइक पे आ गए हैं मरुमानी, 105 रन बन चुके हैं 6 विकेट नुकसान पर, एक बाउंड्री कंपलसरी है भैया। 110 का आंकड़ा तो छूना ही पड़ेगा नहीं तो काम बनेगा नहीं, 110 का आंकड़ा क्या छू पाएंगे ये देखना होगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। आखिरी 2 गेंदें बची हैं इस पारी के। एक बार फिर से अगली गेंद, स्लो रन गेंद पटकी भी गेंद थी, पुल कर दिया गेंद को, फाइल के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। लीजिए एक और छक्का निकालते हुए मरुमानी अपने बल्ले से, 2 छक्के 1 चौका लगा चुके हैं। स्ट्राइकर देखिएगा इस बल्लेबाज की, 7 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, स्ट्राइकर 272 का है और यहां पर केप टाउन सैम आर्मी का स्कोर 111 रन 6 विकेट नुकसान पर 9.5 गेंदों के बाद। ये मफूफू का ओवर काफी महंगा, 14 रन दे चुके हैं इस ओवर से, क्या आखिरी गेंद पर भी छक्का आ सकता है क्या? अगली गेंद लेकर चल रहे हैं यहाँ पर मफूफू, सामने मौजूद बल्लेबाज मुरमानी और मुरमानी बिल्कुल आतंक मचा के बैठे हैं। चलिए एक बार फिर से स्लो गेंद पटकी भी गेंद थी, पुल कर दिया है, डीप मिड विकेट दिशा में गेंद जा रही है, इस बार फील्डर मौजूद है और एक रन तो ले लिया है, दूसरा लेने की कोशिश, रन आउट कर देंगे यहाँ पर अपने थप्पा और एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। तो मुरमानी ने आज गेंदें खेली 8, रन बनाए यहाँ पर 20 और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी 111 रन 7 विकेट नुकसान पर, 10 ओवर के समाप्त 112 रन माफ करिए 112 रन 7 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है 10 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी 2 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवाए, तो 15 रन आए हैं मफूफू के ओवर में और अगर बात की जाए 10 ओवर में 112 रन 7 विकेट नुकसान पर केप टाउन सैम आर्मी का स्कोर है। लाजवाब बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है और लाजवाब बल्लेबाजी जो है होते हुए नजर आया है यहाँ पर। अब देखना होगा किस तरीके से खेल चलता है। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को
और जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। यहाँ पर खेला हो गया इस मुकाबले में, लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाया है मुरमानी ने। चलते हैं जरा अब इनिंग ब्रेक की तरफ। जी हाँ, इनिंग ब्रेक हो चुकी है, 112 रन बने हुए हैं। चलते हैं जरा मैच के सूरत हाल की तरफ। जी हाँ, टॉस जीता था यहाँ पर कैप्टन सैम पारमी ने इस चौथे मुकाबले के अंदर, और पहले बल्लेबाजी करी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन सैम पारमी की टीम ने बनाए 111 रन 7 विकेट नुकसान पर 10 ओवर के समाप्त 112 रन माफ करिए 112 रन 7 विकेट नुकसान पर बनाए हैं यहाँ पर 10 ओवर समाप्ति के बाद। इनिंग ब्रेक हो चुकी है, अब हरारे हरिकेन्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 113 रन 60 गेंदों के अंदर। तो क्या चेज कर पाएंगे इस टोटल को, ये देखना होगा। कैप्टन सैम पारमी का स्कोर कार्ड इस प्रकार रहा। रमनोलो गुरबाज ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी रही, स्ट्राइक रेट जो है 167 का रहा। और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए जुआवो ने सिर्फ 4 गेंदे खेली, 4 रन बनाए, 1 चौका लगाया। यहाँ पर साथ भानुका राजपक्षा ने भी 16 गेंदों में 24 रन की पारी खेली, 2 चौके 1 छक्का लगाया। यहाँ पर वही बात करें करीम जन्नत की, तो करीम जन्नत भी 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन जाते नजर आए। टॉम करन ने एक छोटी सी पारी खेली, छोटे से कैमियो खेला, 10 गेंदों में 15 रन बनाए, 2 चौके लगाए और अपना विकेट जो है वो गवाया यहाँ पर। और बात की जाए फिर यहाँ पर पार्थिव पटेल आए, 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए, 1 चौका लगाया और पवेलियन चले गए। टीम उरमानी ने एक लाजवाब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, 8 गेंदों में 20 रन बनाए टीम उरमानी ने, 1 चौका और 2 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट जो है वो 250 का रहा यहाँ पर उरमानी का। और अगर बात की जाए नॉट आउट रहे जे कैम्बेल ने सिर्फ 1 गेंद खेली, कोई रन यहाँ पर बनाया नहीं। तो ये है बैटिंग कार्ड, यहाँ पर 18 एक्स्ट्रा रन देते हुए नजर आई आज हरारे हरिकेन्स की टीम। तो बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो 2 रनआउट हुए यहाँ पर, और रनआउउट जो है काफ़ी 3 रनआउट हुए यहाँ पर, रनआउट देखने को मिले। गेंदबाजी की बात की जाए तो कम से कम 6 गेंदबाज आज एन मॉर्गन ने यूज़ करे हरारे हरिकेन्स की तरफ से। गेंदबाजी की बात करें नियंदे बर्गर ने 2 ओवर किए, 18 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला, इकॉनमी जो है वो 9 की रही। सी मफूफू बात करें यहाँ पर 2 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट छटका, इकॉनमी जो है 14.50 की रही। यहाँ पर जोंगवे ने भी गेंदबाजी की, 2 ओवर किए, 14 रन दिए, 1 विकेट छटकाया और 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए। मोहम्मद नबी ने भी 2 ओवर किए, 11 रन दिए, 2 विकेट छटकाए। यहाँ पर इकॉनमी जो है 5.50 के रही, बेस्ट बॉलर रहे यहाँ पर हरारे हरिकेन्स के लिए। इरफान पठान ने 1 ओवर किया, 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, इकॉनमी जो है 21 का रहा। वहीं आप टी मपोसा ने भी 1 ओवर किए, 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला और 13 का इकॉनमी रहा मपोसा का भी यहाँ पर। तो अगर बात की जाए तो विकेट मिले यहाँ पर मोहम्मद नबी को 2 विकेट मिले, यहाँ पर जोंगवे को 1 विकेट मिला और मफूफू को यहाँ पर 1 विकेट मिलते नजर आए। सिर्फ 3 ही गेंदबाज थे जो विकेट छटका पाए। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर बल्लेबाजी में रमनोलो गुरबाज ने 25 रन बनाए, भानुकर राजपक्षा ने 24 रन बनाए और टीम उरमानी ने 20 रन बनाए। यही बल्लेबाज थे जो 20 का आंकड़ा क्रॉस कर पाए। और टॉम करन ने भी 15 रन की पारी खेली, बाकी कुछ बल्लेबाज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हरारे हरिकेन्स के लिए बल्लेबाजी के लिए यन मॉर्गन है, ब्रैंडन मऊता है साथ में। अगर बात की जाए बल्लेबाजी के लिए यन मॉर्गन है, रमन उथप्पा है, इविन लुइस भी आज टीम के अंदर खेल रहे हैं साथ में। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इरफान पठान है, डेनवन फरारिया इस टीम के अंदर है, मोहम्मद नबी है। तो इन्हीं के ऊपर होगी आज इस रन चेज करने की जिम्मेदारी। तो देखते हैं क्या यहाँ पर हरारे हरिकेन्स इस चौथे मुकाबले को जीत पाएगी, क्योंकि दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जो है वो हार के आई है। मगर अब यहाँ पर केपटाउन सैम पारमी की टीम ने 112 रन बना लिए हैं 7 विकेट नुकसान पर 10 ओवर के अंदर, और टारगेट दिया 113 रन का। तो क्या हरारे हरिकेन्स की टीम इस टोटल को चेज कर पाएगी, ये देखना होगा। आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, लाइव हिंदी के साथ बस कुछ ही देर में। जी हाँ, कुछ ही देर में यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर जो है खेल जो है दोबारा शुरू होते हुए नजर आएगा आपको। लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए मुकाबले को और जुड़ते रहिएगा। भाई कह रहे हैं, भाई सब भाई हमारे कमेंट कब पढ़ोगे, आपकी तारीफ में पुल बांध दी हमारे, आपने ध्यान देखा नहीं। दर्शन प्रसाद भाई देखिए कि मैच बड़ा फास्ट चल रहा है, हम भी छोटी कोशिश करते हैं कि समय बचाएं अपना। आज किस पे एंट्री लेनी है भाई, कन्हैया भाई हमारी टीम जो है वो सैम पारमी की टीम है। जी हाँ, सैम पारमी को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं सैम पारमी की टीम इस मुकाबले जीते, कैप्टन सैम पारमी की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कैप्टन सैम पारमी की टीम जो है वो इस मुकाबले को जीतते नजर आए यहाँ पर। यहाँ पर कैप्टन सैम पारमी ने इस चौथे मुकाबले के अंदर और पहले बल्लेबाजी करी, पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन सैम पारमी की टीम ने बनाए 111 रन 7 विकेट नुकसान पर 10 ओवर के समाप्त 112 रन माफ करिए 112 रन 7 विकेट नुकसान पर बनाए हैं यहाँ पर 10 ओवर समाप्ति के बाद। इनिंग ब्रेक हो चुकी है, अब हरारे हरिकेन्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 113 रन 60 गेंदों के अंदर। तो क्या चेज कर पाएंगे इस टोटल को, ये देखना होगा। कैप्टन सैम पारमी का स्कोर कार्ड इस प्रकार रहा। रमनोलो गुरबाज ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी रही, स्ट्राइक रेट जो है 167 का रहा। और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए जुआवो ने सिर्फ 4 गेंदे खेली, 4 रन बनाए, 1 चौका लगाया। यहाँ पर साथ भानुका राजपक्षा ने भी 16 गेंदों में 24 रन की पारी खेली, 2 चौके 1 छक्का लगाया। यहाँ पर
वही बात करें करीम जन्नत की, तो करीम जन्नत भी 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन जाते नजर आए। टॉम करन ने एक छोटी सी पारी खेली, छोटे से कैमियो खेला, 10 गेंदों में 15 रन बनाए, 2 चौके लगाए और अपना विकेट जो है वो गंवाया यहाँ पर। अगर बात की जाए फिर यहाँ पर पार्थिव पटेल आए, 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए, 1 चौका लगाया और पवेलियन चले गए। टीम उर्मानी ने एक लाजवाब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, 8 गेंदों में 20 रन बनाए। टीम उर्मानी ने 1 चौका और 2 छक्के लगाए। स्ट्राइकर जो है वो 250 का रहा है यहाँ पर उर्मानी का। और अगर बात की जाए नॉट आउट रहे जे कैम्बेल ने सिर्फ 1 गेंद खेली, कोई रन यहाँ पर बनाया नहीं। तो ये है बैटिंग कार्ड, यहाँ पर 18 एक्स्ट्रा रन देते हुए नजर आई आज हरारे हरिकेन्स की टीम। तो बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो 2 रन आउट हुए यहाँ पर, और रनआउट जो है काफ़ी 3 रनआउट हुए यहाँ पर, रनआउट देखने को मिले। गेंदबाजी की बात की जाए तो कम से कम 6 गेंदबाज आज एयन मॉर्गन ने यूज़ करे हरारे हरिकेन्स की तरफ से। गेंदबाजी की बात करें नयानंद बर्गर ने 2 ओवर किए, 18 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला, इकॉनमी जो है वो 9 की रही। सी मफोफू बात करें यहाँ पर 2 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट छटका, इकॉनमी जो है 14.50 की रही। यहाँ पर जोंगवे ने भी गेंदबाजी की, 2 ओवर किए, 14 रन दिए, 1 विकेट छटकाया और 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए। मोहम्मद नबी ने भी 2 ओवर किए, 11 रन दिए, 2 विकेट छटकाए, यहाँ पर इकॉनमी जो है 5.50 की रही। बेस्ट बॉलर रहे यहाँ पर हरारे हरिकेन्स के लिए। इरफान पठान ने 1 ओवर किया, 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, इकॉनमी जो है 21 का रहा। वहीं आप टी मपोसा ने भी 1 ओवर किए, 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला और 13 का इकॉनमी रहा मपोसा का भी यहाँ पर। तो अगर बात की जाए तो विकेट मिले यहाँ पर मोहम्मद नबी को 2 विकेट मिले, यहाँ पर जोंगवे को 1 विकेट मिला और मफोफू को यहाँ पर 1 विकेट मिलते नजर आए। सिर्फ 3 ही गेंदबाज थे जो विकेट चटका पाए। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर बल्लेबाजी में रमन गुरबाज ने 25 रन बनाए, भानुकर राजपक्षा ने 24 रन बनाए और टीम उर्मानी ने 20 रन बनाए। यही बल्लेबाज थे जो 20 का आंकड़ा क्रॉस कर पाए। और टॉम करन ने भी 15 रन की पारी खेली, बाकी कुछ बल्लेबाज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हरारे हरिकेन्स के लिए बल्लेबाजी के लिए यन मॉर्गन है, ब्रैंडन मऊता है साथ में। अगर बात की जाए बल्लेबाजी के लिए यन मॉर्गन है, रमन उथप्पा है, इविन लुइस भी आज टीम के अंदर खेल रहे हैं। साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इरफान पठान है, डेनन फ्रारिया इस टीम के अंदर है, मोहम्मद नबी है। तो इन्हीं के ऊपर होगी आज इस रन चेस करने की जिम्मेदारी। तो देखते हैं क्या यहाँ पर हरारे हरिकेन्स इस चौथे मुकाबले को जीत पाएगी, क्योंकि दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जो है वो हार के आई है। मगर अब यहाँ पर केपटाउन सैम्प आर्मी की टीम ने 112 रन बना लिए हैं 7 विकेट नुकसान पर 10 ओवर के अंदर और टारगेट दिया 113 रन का। तो क्या हरारे हरिकेन्स की टीम इस टोटल को चेस कर पाएगी, ये देखना होगा। आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, लाइव हिंदी के साथ। बस कुछ ही देर में, जी हाँ कुछ ही देर में यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर जो है खेल जो है दोबारा शुरू होते हुए नजर आएगा आपको। यहाँ पर कैप्टन सैम पार्मी ने इस चौथे मुकाबले के अंदर और पहले बल्लेबाजी करी, पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन सैम पार्मी की टीम ने बनाए 111 रन 7 विकेट नुकसान पर 10 ओवर के समा 112 रन माफ करिए 112 रन 7 विकेट नुकसान पर बनाए हैं यहाँ पर 10 ओवर समाप्ति के बाद। इनिंग ब्रेक हो चुकी है, अब हरारे हरिकेन्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 113 रन 60 गेंदों के अंदर। तो क्या चेज़ कर पाएंगे इस टोटल को, ये देखना होगा। कैप्टन सैम पार्मी का स्कोर कार्ड इस प्रकार रहा, रमनोलो गुरबाज ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी रही, स्ट्राइक रेट जो है 167 का रहा और उसके साथ उनके साथ बल्लेबाजी करने आए जुआवो ने सिर्फ 4 गेंदें खेली, 4 रन बनाए, 1 चौका लगाया यहाँ पर। साथ में भानुकर राजपक्षा ने भी 16 गेंदों में 24 रन की पारी खेली, 2 चौके 1 छक्का लगाया यहाँ पर। वही बात करें करीम जन्नत की, तो करीम जन्नत भी 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन जाते नजर आए। टॉम करन ने एक छोटी सी पारी खेली, छोटे से कैमियो खेला, 10 गेंदों में 15 रन बनाए, 2 चौके लगाए और अपना विकेट जो है वो गंवाया यहाँ पर। और बात की जाए फिर यहाँ पर पार्थिव पटेल आए, 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए, 1 चौका लगाया और पवेलियन चले गए। टीम उर्मानी ने एक लाजवाब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, 8 गेंदों में 20 रन बनाए। टीम उर्मानी ने 1 चौका और 2 छक्के लगाए। स्ट्राइकर जो है वो 250 का रहा है यहाँ पर उर्मानी का। और अगर बात की जाए नॉट आउट रहे जे कैम्बेल ने सिर्फ 1 गेंद खेली, कोई रन यहाँ पर बनाया नहीं। तो ये है बैटिंग कार्ड, यहाँ पर 18 एक्स्ट्रा रन देते हुए नजर आई आज हरारे हरिकेन्स की टीम। तो बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो 2 रनआउट हुए यहाँ पर और रनआउट जो है काफ़ी 3 रनआउट हुए यहाँ पर, रनआउट देखने को मिले। गेंदबाजी की बात की जाए तो कम से कम 6 गेंदबाज आज एयन मॉर्गन ने यूज़ करे हरारे हरिकेन्स की तरफ से। गेंदबाजी की बात करें नयानंद बर्गर ने 2 ओवर किए, 18 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला, इकॉनमी जो है वो 9 की रही। सी मफोफू बात करें यहाँ पर 2 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट छटका, इकॉनमी जो है 14.50 की रही। यहाँ पर जोंगवे ने भी गेंदबाजी की, 2 ओवर किए, 14 रन दिए, 1 विकेट छटकाया और 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए। मोहम्मद नबी ने भी 2 ओवर किए, 11 रन दिए, 2 विकेट छटकाए, यहाँ पर इकॉनमी जो है 5.50 की रही। बेस्ट बॉलर रहे यहाँ पर हरारे हरिकेन्स के लिए। इरफान पठान ने 1 ओवर किया, 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, इकॉनमी जो है 21 का रहा। वहीं आप टी मपोसा ने भी 1 ओवर किए, 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला और 13 का इकॉनमी रहा मपोसा का भी यहाँ पर। तो अगर बात की जाए तो विकेट मिले यहाँ पर मोहम्मद नबी को 2 विकेट मिले,
यहाँ पर जोंगवे को एक विकेट मिला और मफफू को यहाँ पर एक विकेट मिलते नजर आए। सिर्फ तीन ही गेंदबाज थे जो विकेट चटका पाए। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर बल्लेबाजी में रमलोल गुरबाज ने 25 रन बनाए, भानुकर राजपक्षा ने 24 रन बनाए और टीम उरमानी ने 20 रन बनाए। यही बल्लेबाज थे जो 20 का आंकड़ा क्रॉस कर पाए। और टॉम करन ने भी 15 रन की पारी खेली, बाकी कुछ बल्लेबाज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हरारे हरिकेन्स के लिए बल्लेबाजी के लिए यन मॉर्गन है, ब्रैंडन महूता है, साथ में अगर बात की जाए बल्लेबाजी के लिए यन मॉर्गन है, रमन उथप्पा है, इविन लुइस भी आज टीम के अंदर खेल रहे हैं। साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इरफान पठान है, डेनवन फ्रारिया इस टीम के अंदर है, मोहम्मद नबी है। तो इन्हीं के ऊपर होगी आज इस रन चेस करने की जिम्मेदारी। माफ करिएगा, यहाँ पर मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है, इनिंग ब्रेक जो है समाप्त हो चुके हैं। रमन उथप्पा और इविन लुइस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए इस बीच ओवर की तीसरी गेंद। इविन लुइस को इस बार बड़ा शॉट खेला है, इविन लुइस ने चौका बटोरा इस गेंद पर, चौके के साथ खाता खुलता हुआ इविन लुइस का स्कोर हो जाएगा। तीन गेंदों के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान के हरारे हरिकेन्स का स्कोर है। और मुजीबुल रहमान, जी हाँ मुजीबुल रहमान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब देखते हैं मुजीबुल रहमान किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। वैसे पिछले मुकाबले में काफ़ी लाजवाब गेंदबाजी की थी और करीम जन्नत को ओवर ना दे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिर से अगली गेंद इविन लुइस को, वहाँ पर मुजीबुल रहमान की एक और बड़ा शॉट, एक और चौका यहाँ पर आता हुआ, जी हाँ एक और यहाँ पर चौका बटोरते हुए चौके के साथ स्कोर हो जाएगा 9 रन बिना किसी नुकसान के 4 गेंदों के बाद। इसी तरीके की शुरुआत की आज उम्मीद भी थी हरारे हरिकेन से और यहाँ पर लगातार 2 बैक टू बैक चौके आते हुए इविन लुइस के बल्ले से स्कोर हो चुका है 9 रन बिना किसी नुकसान के 4 गेंदों के बाद। 56 गेंदों में 104 रन चाहिए जीतने के लिए। और यहाँ से इविन लुइस जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, अगर उसी तरीके की बल्लेबाजी जो है करते नजर आए तो मजा आएगा इस खेल में। एक बार फिर से अगले यहाँ पर मुजीबुल रहमान की बढ़िया गेंद, इविन लुइस को इस बार संभल के खेला इस गेंद को इविन लुइस ने और डिफेंस कर दिया था। तो 155 गेंदों में 104 रन चाहिए, रन रेट 11.35 का है, तो पावर प्ले का पूरा भरपूर फायदा उठाना है। तो इविन लुइस को बड़े शॉट तो खेलने ही पड़ेंगे। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलते हुए मुजीबुल रहमान इविन लुइस के लिए, एक बार फिर से यहाँ पर बढ़िया गेंद, ओवर की खत्म, ओवर की समाप्ति होती हुई 9 रन आए इस ओवर से, जी हाँ 9 रन आए इस ओवर से, इस 9 रन के साथ, जी हाँ इस 9 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, जी हाँ ओवर की समाप्ति होती हुई इस 9 रन के साथ स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 9 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति के बाद पहला ओवर ठीक ठाक ओवर गया है मुजीबुल रहमान का, 54 गेंद में 104 रन चाहिए। अगर इस मुकाबले को जीतना है केप टाउन सैम आर्मी को, देखें इविन लुइस को आउट करना होगा क्योंकि बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, 4 गेंद में 8 रन खेल रहे हैं। रमन उथप्पा स्ट्राइक मौजूद है, रमन उथप्पा को भी आउट करना होगा क्योंकि रमन उथप्पा भी एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आते हैं। देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। यहाँ पर जुड़ते रहिएगा आप सब, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। एक बार फिर से तैयार है यहाँ पर रमन उथप्पा खेलने के लिए। और नगरावा जो है वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले थोड़े से महंगे रहे थे मगर दूसरे ओवर में कंपनसेट करते हुए नजर आए थे, क्या आज के इस मुकाबले में भी कंपनसेट कर पाएंगे क्या ये देखना होगा। चलिए नगरावा के ओवर की पहली गेंद, दायांत के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा, जी हाँ रॉबिन उथप्पा जो है वो स्ट्राइक पे मौजूद होंगे। अब देखते हैं रॉबिन उथप्पा जो है वो किस तरीके से यहाँ पर खेलते नजर आएंगे। लाइक करिएगा आप सब, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को, किस तरीके का ये खेल रहेगा ये देखना होगा। एक बार फिर से नगरावा जो है वो गेंद लेकर चल रहे हैं, बयान की गेंदबाज पटकी हुई गेंद, बार सीधे बल्ले से खेल दिया रॉबिन उथप्पा ने, गेंद चाहिए मिड ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। और यहाँ से देखना होगा किस तरीके से खेल चलता है, किस तरीके से खेल चलता है यहाँ पर हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। आज ये पहला मुकाबला है चीचन लीग का जहाँ पर टारगेट दिया है 112 रन का, और 113 रन का टारगेट दिया है, 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है नगरावा के ओवर की, अब दूसरी गेंद, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उनके सामने, दाएं हाथ के बल्लेबाज रमन उथप्पा, एक बार फिर से स्लो वन गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, मिड डाउन की दिशा में गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, लीजिए यहाँ पर बाउंड्री को चेक करना होगा कि चौका है कि छक्का, जी हाँ छक्का दिया एम्पायर ने यहाँ पर। और लीजिए रमन उथप्पा के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा यहाँ पर पहला छक्का इस पारी का, जी हाँ 4 गेंदों में 7 रन खेल रहे हैं, 15 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर हरारे हरिकेन्स का स्कोर है 52 गेंदों में 98 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर रन रेट 11.31 का। थोड़ा सा नगरावा को सोचना होगा यहाँ पर, और ख़राब कप्तानी टॉम करन को ओवर मिलना चाहिए, तो टॉम करन शायद विकेट निकाल सकते थे मगर यहाँ पर नगरावा के साथ गए हैं। नगरावा के ओवर की अगली गेंद और रमन उथप्पा को ऑस्टन की तरफ कवायद सामने खेल दिया, इस शॉट को ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद है, यहाँ पर 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज, जी हैं स्ट्राइक पे मौजूद होंगे यहाँ पर इविन लुइस जो हैं
वो भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं और अच्छे खासे, जी हाँ अच्छे खासे रन्स जो हैं वो बनाते हुए नजर आए हैं अपनी टीम के लिए, जिस टीम में रहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं। अब देखते हैं आज क्या होगा इस मुकाबले का सूरत हाल। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। अभी तक सिर्फ ओवर की 3 गेंदें ही हुई हैं, जी हाँ 3 गेंदें ही हुई हैं अभी तक इस ओवर की, 7 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर और मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। एक बार फिर से अगली गेंद इविन लुइस को लेस्टम पे, गेंद थी फाइनल की दिशा में खेला है, मिसफील्ड हुई फील्डर से और 1 रन दौड़ लिया, जी हाँ इविन लुइस ने स्ट्राइक पर, फिर से रॉबिन थप्पा आचाएंगे, 17 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 1.4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। रॉबिन थप्पा 5 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं और 1 छक्का लगा चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है यहाँ से रॉबिन थप्पा इस पारी को आगे बढ़ाएंगे? इसके बाद तुरंत बाद दूसरा मुकाबला भी शुरू होने वाला है, मगर यहाँ से भी रन चाहिए होंगे, 196 रन चाहिए होंगे 50 गेंदों के अंदर, रिक्वायरमेंट रेट 11.5 की, जी हाँ 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। एक बार फिर से गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर नगरावा, दाएं हाथ के बल्लेबाज रॉबिन थप्पा हैं स्ट्राइक पर, क्या बड़ा प्रहार करेंगे इस गेंद पर देखना होगा। नगरावा की ओर अगली गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार मिडिल स्टंप पे ये गेंद थी, इनसाइड एज लगा, गेंद पैड पे लगी और 1 रन दौड़ लिया यहाँ पर और रॉबिन थप्पा ने, और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पर फिर से इविन लुइस आ जाएंगे यहाँ पर, 9 रन आ चुके हैं इस ओवर से। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है, आखिरी ओवर है पावर प्ले का, क्या लगता है इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी बाउंड्री जो है बटोरते नजर आएंगे यहाँ पर, ये देखना होगा कोई आउट हो ना हो। थप्पा 50 मारा है कंफर्म है, डेस्पिट भाई कह रहे हैं, अर्सलन 80 भाई कह रहे हैं वो थप्पा आउट होगा अगले ओवर में, लो भाई लेकिन ये लिखा हुआ भेजा है आपने भाई, हाँ होगा आउट ये 2 ओवर के बाद होंगे भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, विकेट आएगी। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। उथप्पा की बड़ी उथप्पा तो अच्छा खेल ही रहे हैं, छक्का लगाया हुआ है, देखते क्या करते हैं। मॉर्गन है लस्सू ने मॉर्गन खेलेंगे भाई, देखते हैं अगली गेंद को। नगरावा के ओवर की लेक्सटम के बाहर ये गेंद, इस बार पार्थिव पटेल भी चूक गए गेंद को पकड़ने में, लीजिए पार्थिव पटेल से दूसरे मुकाबले में दूसरी बार जो है गेंद पकड़ने में गलती हुई है और 5 एक्स्ट्रा रन मिले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 5 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए हरारे हरिकेन्स की टीम के खाते में, तो 23 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 1.5 गेंदें हो चुकी हैं और ऐसा तो देखने को मिल ही रहा है। बात करें तो 5 अतिरिक्त रन मिलते हुए यहाँ पर 23 रन बन चुके हैं, 49 गेंदों में 90 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायरमेंट रेट 11 का है और यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है। यहाँ तो बल्ले की जरूरत नहीं है, गेंदबाज खुद ही और विकेटकीपर खुद ही रन्स जो है वो दे रहे हैं और टीम का स्कोर जो है वो आगे पहुँचा रहे हैं। एक बार फिर से अगली गेंद लेस्टम के बाहर इविन लुइस के लिए, एक और वाइड गेंद। इस ओवर की बात की देखिए, अच्छा ओवर जा रहा था मगर अब ये महंगा ओवर हो चुका है, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर महंगा ओवर बन चुका है ये यहाँ पर जो है केप टाउन स्वैम्प आर्मी के लिए। तो क्या लग रहा है कि भैया गेंदबाजी कर रहे हैं नगरावा और या फिर आज मैच हरवाने वाली गेंदबाजी कर रहे हैं नगरावा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है, स्कोर हो जाएगा 24 रन बिना किसी नुकसान के, 1.5 गेंदें हो गई हैं। इविन लुइस 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, 49 गेंदों में 89 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या लगता है आपको, एक बार फिर से अगली गेंद पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं जोरदार अपील, रन आउट का चांस भी वहां पर था मगर ओवर थ्रो कर दिया यहां पर, मगर रन नहीं लिया इविन लुइस ने। 15 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर स्कोर हो जाएगा 24 रन, जी हां 24 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद और स्ट्राइक पे, जी हां स्ट्राइक पे मौजूद रॉबिन थप्पा है यहां पर। 48 गेंदे 89 रन की है जरूरत, अभी भी रिक्वायरमेंट रेट 11.13, जी हां 11.13 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं रन, विकेट की तलाश में है केप टाउन स्वयं आर्मी की टीम, मगर शुरुआत अच्छी हुई है हरारे हरिकेन्स की टीम की, देखते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी जो है वो आगे करते नजर आएंगे। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। रॉबिन थप्पा आ चुके हैं, तो क्या यहाँ पर पीटर हेड्सग्लू, जी हाँ पीटर हेड्सग्लू को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। पीटर गोलूमोलू ने पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, क्या लगता है आज के इस मुकाबले में भी एक अच्छी गेंदबाजी जो है नजर आएंगे, ये देखना होगा, जुड़ते रहिएगा आप सब लोग। मॉर्गन लुइस कौन बैटिंग कर रहा है भाई, इविन लुइस बैटिंग कर रहे हैं। शुभम चौहान भाई ड्रीम इलेवन में मत देख के, मैं लाइव देख रहा हूं, मैं लाइव बता रहा हूं, मुझसे पूछ लीजिएगा। इविन लुइस खेल रहे हैं उथप्पा के साथ, उथप्पा स्ट्राइक पर, पीटर हेड्सग्लू की ओवर की पहली गेंद, लेग स्टंप पे गेंद थी और यहां पर कैच की अपील करी है, यहां पर अंपायर से कैच की अपील करी है, क्या पैड पे ही लगी थी सिर्फ गेंद के बल्ले पे भी लगी है, देखना होगा। रिव्यू है आपके पास, रिव्यू ले सकते हैं, तो क्या रिव्यू लेना चाहेंगे यहां पर। पार्थिव पटेल मना कर दिया जी, मना कर दिया यहाँ पर, वाला जी गेंदबाजी करिएगा,
ये फुलन की गेंद थी जैसे सिर्फ पैड से ही लगी और पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद 47 गेंदों में 89 रन चाहिए जीतने के लिए। और इविन लुइस जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, उथप्पा बल्लेबाजी कर रहे हैं इविन लुइस के साथ। उथप्पा के और अगली गेंद बार फिर से ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया, उसको कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलना चाहिए इस गेंद पर, एक ही रन मिलेगा, इविन लुइस आ जाएंगे स्ट्राइक पर, स्कोर हो जाएगा 25 रन बिना किसी नुकसान के। 2.2 गेंदें हो चुकी हैं, 46 गेंदों में 88 रन चाहिए जीतने के लिए, 11.48 रन चाहिए होंगे। लुइस बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है मोहम्मद सलमान भाई। विश्वास कर भाई मेरे पैसे लगे SS पे, मैं लव यू ब्रो। भाई देखो क्या होता है, लॉस्कट बूस्टर करने की आदत डालिए भाई। फिर यहाँ पर अगली गेंद इविन लुइस को और पीटर हर्ट्ज़गुलू के इस ओवर की अब तीसरी गेंद कर रहे हैं। पीटर हर्ट्ज़गुलू की कोशिश है कि विकेट छटकाई जाए, बाउंड्रीज ना दिए जाए इस ओवर के अंदर, तो क्या ये कमाल हो पाएगा। चलिए एक बार फिर से इविन लुइस को, पीटर हर्ट्ज़गुलू की ये गेंद ओवर, राउंड द स्टंप गए हैं गेंदबाजी करने के लिए इविन लुइस के लिए। पटकी हुई गेंद कलायो के सारे खेल दिया मिड विकेट दिशा में, एक रन तो मिल गया, क्या दूसरा रन लेंगे। फील्डर गिर गए, फील्डर स्लिप खा के गए, यहाँ पर एक ही रन मिला इविन लुइस को स्ट्राइक पे आते हुए। रोमिन उथप्पा 45 गेंद में 87 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट 11.60 का, 113 रन का टारगेट दिया है। यहाँ पर विकेटों की दरकार रहेगी, अगर विकेट मिले तभी खेल में आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आपको किस तरीके से खेल चलेगा रोमिन उथप्पा को अगली गेंद। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला पीटर हर्ट्ज़गुलू की गेंदबाजी के सामने और गेंद को पकड़ लिया यहाँ पर। जी हाँ, गेंद को पकड़ लिया यहाँ पर और रोक दिया है जी, और रोक दिया है यहाँ पर। और किस तरीके की ये खेल चलता हुआ नजर आएगा ये देखना होगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। अगर बात की जाए तो अभी तक अच्छा ओवर जा रहा है पीटर हर्ट्ज़गुलू के गेंदबाजी में। और एक बार फिर से अगली गेंद, पीटर हर्ट्ज़गुलू की पटकी हुई गेंद थी, पुल शॉट किया है, गेंद हवा में है, क्या फील्डर नीचे आएंगे। जी नहीं, ये तो बाउंड्री के बाहर है। 6 रन के लिए छक्का बटोरते हुए यहाँ पर इविन लुइस छक्के के साथ इस ओवर में आ चुके हैं। 9 रन, और यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करी, उसको पुल कर दिया और छक्का बटोर लिया यहाँ पर इविन लुइस ने। स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन बिना किसी नुकसान के 2.5 गेंदों के बाद। 43 गेंदों में 80 रन चाहिए, 11.16 रन प्रति ओवर के हिसाब से। इतनी ताकत है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इतनी ताकत है यहाँ पर बल्लेबाज के पास कि वो बड़े बड़े खेल कर टीम का स्कोर जो है वो आगे बढ़ा सके। यहाँ पर ताकत बहुत अच्छी लगाई है यहाँ पर और बल्लेबाजी बहुत अच्छी दिखाई है यहाँ पर। अब देखते हैं किस तरीके से खेल चल। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। अभी भी पीटर हर्ट्ज़गुलू के ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है यहाँ पर। इविन लुइस जो है, इविन लुइस को अगर आउट नहीं किया तो भैया मुश्किलें जाएंगी और मुश्किलें बढ़ेंगी, तो फिर दबाव बनेगा केप टाउन से एम्पार्मी के लिए। क्या लगता है आपको, खेला हो बे कि पहला हो बे, वो समय बताया होता है इस मुकाबले का सूरत। लाइक करते रहिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़ते रहिए हमारे साथ मुकाबले अंदर। और फिर से पीटर हर्ट्ज़गुलू तैयार होते हुए गेंदबाजी करने के लिए, ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए। पीटर हर्ट्ज़गुलू के ओवर की आखिरी गेंद, सामने मौजूद बल्लेबाज इविन लुइस हैं और इविन लुइस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, 16 रन बना चुके हैं 8 गेंदों के अंदर। पीटर हर्ट्ज़गुलू एक बार फिर से राउंड द स्टंप जाते हुए गेंदबाजी करने के लिए, और नहीं ओवर द स्टंप गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अगली गेंद बार टॉप एज लगा है, शॉर्ट थर्ड फील्डर मौजूद, लीजिए जिस विकेट की तलाश थी यहाँ पर वो विकेट चटका दिया पीटर हर्ट्ज़गुलू ने। ऑस्टन के बाहर ये गेंद, गुगली ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने गए, टॉप एज लगा और सीधा शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने कोई गलती नहीं करी, कैच आउट हो गए इविन लुइस। 9 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए इविन लुइस यहां पर 2 चौके एक छक्का लगाया था और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 33 रन 1 विकेट नुकसान पर हरारे हरिकेन्स का स्कोर है। और इविन लुइस अब पवेलियन निकल लिए हैं, निकल गए हैं पवेलियन यहाँ पर। इविन लुइस जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आएंगे, और अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, स्कोर को आगे लेके जा रहे थे। मगर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अपनी विकेट जो है बचानी थी, मगर यहाँ पर गवा दी है विकेट इविन लुइस ने। अब आगे देखने की बात रहेगी किस तरीके से ये खेल चलता है। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 33 रन 1 विकेट नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इविन लुइस 9 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए 2 चौके एक छक्का लगाया है। और अब नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, नए बल्लेबाज आते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से ये खेल आगे की तरफ बढ़ता है, खेल किस तरीके से आगे की तरफ चलता है ये देखना होगा यहाँ पर। मगर सिचुएशन यही है कि बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। कैच पकड़ा था यहाँ पर आर नगरावा ने, नगर नगर
नगर अवावा ने पकड़ी थी कैच और पीटर हेड्सगुली ने करी थी गेंदबाजी और यहाँ पर पावर प्ले ले लिया है। जी हाँ, एक हार्ड हिटिंग पावर प्ले जो है वो ले लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर अब लगता है कि शायद जिन्होंने, हाँ जी, जेनवन फरारिया यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए, मगर टॉम करन के हाथ में गेंद है। 42 गेंदों में 80 रन चाहिए जीतने के लिए और टॉम करन के हाथ में गेंद थमाई है। पिछले मुकाबले में काफ़ी लाजवाब गेंदबाजी की थी, आज भी कुछ उसी तरीके की गेंदबाजी जो है वो करनी होगी, तभी टीम का स्कोर जो है वो आगे जाता नजर आएगा। यहाँ पर स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज रवि थप्पा, ओवर की पहली गेंद सामने है उथप्पा, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार डिफेंस कर दिया इस गेंद को रवि थप्पा ने, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद आती हुई, जी हाँ डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर पहली गेंद, और स्कोर बनाना है भैया तो रन तो देखिए बनाने पड़ेंगे आपको, वो अलग अलग गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुँचाना होगा। क्या लगता है आपको किस तरीके से खेल चलेगा? एक बार फिर से टॉम करन गेंदबाजी लेके चलेंगे, ओवर की ये दूसरी गेंद होगी यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर चौथा ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की गेंदबाजी लेके चलते हुए टॉम करन पटकी हुई गेंद, स्लो वन गेंद थी, उछाल जाता मिला नहीं था, खेल दिया उसको डीप मिड विकेट दिशा में, फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद की तरफ, रोक पाएंगे क्या? जी नहीं, यहां पर नहीं रोक पाए, चौका मिलता हुआ उथप्पा को और स्कोर पहुंचता हुआ 37 रन एक विकेट नुकसान पर। 3.2 गेंदें हो चुकी हैं, रामी उथप्पा 11 गेंद में 15 रन खेल रहे हैं और इस बार थोड़ी सी गेंद उछली भी नहीं थी, अगर देखेंगे तो गेंद उछली नहीं थी, मगर अपने आप को बॉडी बैलेंस जो है वो कंट्रोल रखा है यहाँ पर रामी उथप्पा ने और गेंद को खेला डीप मिड विकेट दिशा में। 40 गेंद में 76 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट 11.40 का। बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं रामी उथप्पा, कोशिश यही है कि रनों की गति जो है बढ़ाई जाए, टीम का स्कोर आगे बढ़ाया जाए। एक बार फिर से अगली गेंद यहाँ पर उथप्पा को पटकी हुई गेंद, कलायो के सारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, एक बार फिर से फील्डर से ये दूर थी, एक और चौका आता हुआ, 3 गेंदों के अंदर 2 चौके लगा चुके हैं रामी उथप्पा, स्कोर पहुंचा चुके हैं 41 रन एक विकेट नुकसान पर। 3.3 गेंदें हो चुकी हैं यहां पर रामी उथप्पा, 12 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं और अब 39 गेंदों में 72 रनों की है जरूरत। जी हाँ, 39 गेंदों में 72 रनों की जरूरत था, उथप्पा ने अब जिम्मेदारी ली है बड़े बड़े शॉट्स खेलने की और शॉट्स खेल भी रहे हैं और टीम का स्कोर आगे बढ़ा भी रहे हैं। एक बार फिर से स्लो वन गेंद मिड विकेट दिशा में खेला, 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। डेनवन फरारिया, जेनवन फरारिया जो है वो आ जाएंगे स्ट्राइक पर। जेनवन फरारिया आप किस तरीके से खेलेंगे ये देखना होगा, पिछले मुकाबले में खराब प्रदर्शन था मगर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं। 38 गेंदों में 71 रन चाहिए जीतने के लिए, कोशिश टॉम करन की यही है कि 109 रन आए हैं, ज़्यादा बड़ा ओवर ना होने दें, यहाँ पर दबाव बना के रखें। क्या करीम जन्नत भी आज ओवर डालेंगे क्या, या यहाँ पर अब मुजीबुल रहमान को वापसी कराई जाएगी गेंदबाजी के अंदर? एक बार फिर से तैयार होते हुए जेनवन फरारिया बल्लेबाजी करने के लिए, ओवर की 5वीं गेंद है टॉम करन के, इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं 4 गेंदों के अंदर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर बचा हुआ था वो ले लिया है यहाँ पर, फिर से पटकी हुई गेंद थी, डिफेंस कर दिया इस गेंद को जेनवन फरारिया ने, कोई रन नहीं मिलेगा। जी हाँ, एक और डॉट गेंद यहाँ पर, एक और डॉट गेंद यहाँ पर जो है इस तरीके का खेल चल रहा है। लेटेस्ट भाई कह रहे हैं आपकी टीम कौन सी है भाई? लेटेस्ट भाई मैं तो आज कैप्टन सैम पार्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, उम्मीद यही कर रहा हूँ जीते। बाकी गेंदबाजी देखते हैं किस तरीके से करेंगे, अभी तो कंट्रोल्ड मैच चल रहा है, दोनों तरफ बराबर घूम रहा है मैच, एक स्टेबल मैच है, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। एक बार फिर से अगली गेंद डोनल फरारिया को, लेग स्टंप पे गेंद थी, कलायो को सारे खेला स्क्वायर की दिशा में, 1 रन और आता हुआ, 10 रन आए इस ओवर से और स्ट्राइक है डोनल फरारिया के पास। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 43 रन एक विकेट नुकसान पर हरारे हरिकेन्स का स्कोर है। मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगले जो 2 ओवर है या पीटर हेड्सगुलू और मुजीबुल रहमान से डरवा लेना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर रिक्वायरमेंट बढ़ा तो थोड़ा बहुत दबाव बन सकता है। और पीटर हेड्सगुलू ने एक विकेट चटका दिया है अपने पिछले ओवर के अंदर, मगर करीम जन्नत को बुलाया गया है। वाह, यहाँ पर जन्नत जहाँ आ चुके हैं, करीम जन्नत आ चुके हैं यूँ कहें, और अब देखना होगा क्या यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से खेल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अब करीम जन्नत पिछले मैच के मुजरिम आ चुके हैं बल्ले गेंदबाजी करने के लिए, और पिछले मुकाबले में 2 ओवर 46 रन दिए थे। क्या भरपाई कर पाएंगे उसकी, क्या यहाँ पर भरपाई हो पाएगी, क्या भरपाई कर पाएंगे क्या, देखना होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि मुकाबले में यहाँ पर गेंदबाजी जो है वो काफ़ी जो है बल्लेबाजी जो है काफ़ी अच्छी हो रही है। फिर से पटकी हुई गेंद, करीम जन्नत के ऑप्शन के बाहर, ड्राइव किया उस गेंद को, गेंद जाएगी कवर दिशा में, फील्डर से मिसफील्ड हुई है, 1 रन तो ले लिया है और 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। जी हाँ, 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है बल्लेबाज को, डेनवन फरारिया को। स्ट्राइक पे आए उथप्पा, 35 गेंदें 69 रन की जरूरत, 11.83 रन
प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं। यहाँ पर उथप्पा का विकेट भी काफ़ी अहम रहेगा कि करीम जन्नत उथप्पा को आउट कर पाएंगे, ये देखना होगा। करीम जन्नत एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए, जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला है थर्ड मैन की दिशा में, लीजिए एक और छक्का आता हुआ उथप्पा के बल्ले से, ऑस्टन के बाहर पटकी हुई गेंद कट कर दिया और थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया इस शॉट को 6 रन के लिए, और रॉबिन उथप्पा के बल्ले से निकलता हुआ यह लाजवाब शॉट। और करीम जन्नत अभी भी समझ नहीं पाए हैं इस पिच के ऊपर आप तेज नहीं, आप शॉर्ट पिच नहीं, स्लोअर गेंदों का यूज करेंगे तभी बच पाएंगे। यहाँ पर 34 गेंदों में 63 रन, जी हाँ 34 गेंदों में 63 रन चाहिए जीतने के लिए, 11.12 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं। करीम जन्नत बिल्कुल जन्नत दिखाते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को, एक बार फिर से अगली गेंद स्लो रन गेंद पटकी हुई गेंद थी पुल कर दिया है, एक बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद का ये 1 रन मिलेगा इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आ जाएंगे जेनन फरारिया। 8 रन आ चुके हैं 3 गेंदों के अंदर, 51 रन 1 विकेट नुकसान पर, 4.3 गेंदें हो चुकी हैं, 33 गेंदों में अभी 62 रनों की है ज़रूरत, और ऐसा लग रहा है करीम जन्नत यहीं से ही मैच करवाएंगे, पिलवादी आते ही साथ में भाई। बिल्कुल करीम जन्नत जो है वो बल्लेबाजों को ऐसा दिखा देते हैं कि भाई जन्नत जैसी आके खुल जाती है इनकी। चलिए अगली गेंद पटकी हुई गेंद ऑस्टन की तरफ, एक बार फिर से स्लो वन गेंद, इस बार समझदारी से ये गेंद स्लो वन गेंद की थी और मिस कर गए पूरी तरीके से उस गेंद को, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, डॉट गेंद आता हुआ, जी हाँ डॉट गेंद आता हुआ यहाँ पर, स्कोर अभी भी आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको, एक आधा विकेट भी निकालेंगे क्या, ये देखने की बात रहेगी। एक बार चलते हैं अगली गेंद की तरफ, करीम जन्नत की ओर की अगली गेंद, स्ट्राइक में मौजूद बल्लेबाज डेनन फरारिया, पटकी भी गेंद थी, ड्राइव किया उस गेंद को और 1 रन मिलता हुआ, जी हाँ 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। करीम जन्नत बड़े ही खतरों से खेल रहे हैं यहाँ पर, गेंदबाजी करते हुए खतरों से खेल रहे हैं और रन बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, रन देने की कोशिश बहुत कर रहे हैं पर बल्लेबाज फायदा नहीं उठा रहे। 9 रन आ चुके हैं 31 गेंदों में 61 रन चाहिए जीतने के लिए, 11.81 का रिक्वायर्ड रन रेट है। उथप्पा स्ट्राइक पर मौजूद 15 गेंदों में 27 रन दे बना चुके हैं। करीम जन्नत चाहेंगे कि इस आखिरी गेंद पर, ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल से दिया नहीं जाए, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, स्लो वन गेंद थी, कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की दिशा में, 1 रन जी हाँ मिल गया है, दूसरा भी पूरा करते हुए 2 रन आते हुए यहाँ पर। अब 30 गेंदों में चाहिए 59 रन जीतने के लिए, मैच बिल्कुल बराबरी पे खड़ा है यहाँ पर, और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 54 रन 1 विकेट नुकसान पर हरारे हरिकेन्स का स्कोर है। डोनन फरारिया स्ट्राइक मौजूद है, मेरे हिसाब से मुजीबुल रहमान को बुलाइए भैया, मुजीबुल रहमान ही कुछ कर पाएंगे, जी हाँ मुजीबुल रहमान को बुलाइएगा क्योंकि मुजीबुल रहमान ही कुछ यहाँ से कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, मुजीबुल रहमान कुछ कर पा के दिखाएंगे यहाँ पर, ये देखना होगा। लाइक करते रहिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और यहाँ से जुड़ते रहिएगा इस मुकाबले में, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, एंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को, क्योंकि मुकाबला जो है हो सकता है कि सुपर से भी ऊपर देखने को मिले। यहाँ पर जिस तरीके से खेल चल रहा है ऐसा लग रहा है कि भैया संभल के ही खेलें तो बढ़िया रहेगा। चलिए एक बार फिर से सामने मौजूद होंगे बल्लेबाज यहाँ पर, जॉनवन फरारिया गेंदबाजी करने के लिए पीटर हेड्सग्लू को बुलाया गया है, एक और लेग स्पिनर गेंदबाज है, एक भी छटका चुके हैं पीटर हेड्सग्लू गेंद लेकर चलेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज पीटर हेड्सग्लू सामने डेनन फरारिया, पीटर हेड्सग्लू के सामने लेग स्पिनर गेंदबाज हैं, शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग जो है सर्कल के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर से हेड्सग्लू की गेंद ऑफ स्टंप पे गेंद थी, ड्राइव किया उस गेंद को मगर फील्डर मौजूद गेंद को पकड़ लिया, कोई रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद जो है डॉट गेंद है, चाहेंगे पीटर हेड्सग्लू का ये ओवर थोड़ा बड़ा बनाया जाए, अगर पीटर हेड्सग्लू यहाँ से पवेलियन निकाल दें कहा था बल्लेबाज को तो थोड़ा सा बदबाव रहेगा। एक बार फिर से पीटर हेड्सग्लू गेंद लेकर चलते हुए, जनन फरारिया है स्ट्राइक पर, 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद पीटर हेड्सग्लू के ओवर की, फरारिया को एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला, सीधे बल्ले से खेला इस शॉट को, गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में 6 रन के लिए, यहाँ पर शॉट आता हुआ जनवन फरारिया के बल्ले से 6 रन के लिए और छक्का बटोरते हुए दूसरी गेंद पर, स्कोर पहुंचता हुआ 60 रन 1 विकेट नुकसान पर, 5.2 गेंदें हो चुकी हैं, 28 गेंदों में 53 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर्ड रन रेट 11.36 का। यहाँ पर थोड़ी सी गलती करी यहाँ पर मुजीबुल रहमान को लाना चाहिए था क्योंकि मुजीबुल रहमान जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं ऐसे प्रेशर सिचुएशन के अंदर। एक बार फिर से अगली गेंद यहाँ पर पीटर हेड्सग्लू को कवर दिशा में खेला इस शॉट को, 1 रन लिया है और इस 1 रन के साथ 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 27 गेंदों में 52 रन चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर डाल रहे हैं मुझे यहाँ पर पीटर हेड्सग्लू, कोशिश ये करनी होगी कि रन ना दें यहाँ पर, दबाव बना के रखें, क्या बना पाएंगे दबाव ये देखना होगा। लाइक करते रहिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करिए चैनल को
और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। एक बार फिर से अगली गेंद यहाँ पर सामने मौजूद बल्लेबाज है रविंद्र थापा, पटकी भी गेंद लेफ्ट बाहर, पार्थिव पटेल ने गेंद को गिर पड़ के पकड़ लिया गेंद को यहाँ पर, नहीं तो वाइड के 5 रन मिल जाते हैं। यहाँ पर वाइड गेंद आता हुआ एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ 62 रन 1 विकेट नुकसान पर 27 गेंदों में 51 रन चाहिए जीतने के लिए। पीटर हर्ट्ज़ग्लू 8 रन दे चुके हैं इस ओवर में, कोशिश यही है कि बची हुई 3 गेंदों के अंदर रन ज्यादा दिए न जाए, दबाव बनाए यहाँ पर। तो क्या लगता है एक बार फिर से रविंद्र थापा तैयार है, एक बार फिर से पटकी भी गेंद रविंद्र थापा को पैड पे लगी है, इनसाइड एज लगा और गेंद पैड पे लगी है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। डॉट गेंद आता हुआ, डॉट गेंद जो है वो काफी तक रिलीफ देगी केप टाउन सैम्प आर्मी के लिए, क्योंकि यहाँ पर दबाव बना के रखा हुआ है बल्लेबाजों ने। डेरन फरारिया भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, थप्पा भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। एक बार फिर से अगली गेंद पीटर हर्ट्ज़ग्लू के ओवर की 5वीं गेंद, थप्पा है स्ट्राइक पर, पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, मगर फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर यहाँ पर और स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं डैनवन फरारिया। स्कोर हो चुका है 63 रन 1 विकेट नुकसान पर 5.5 गेंदों के बाद, 25 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। क्या आखिरी गेंद पर विकेट चटका पाएंगे यहाँ पर विकेट का देखना होगा। एक बार फिर से अगली गेंद पीटर हर्ट्ज़ग्लू के ओवर की, डैनवन फरारिया है स्ट्राइक पर, पटकी हुई गेंद इस बार पुल करने गए, मिस कर गए इस गेंद को पूरी तरीके से और यहाँ पर जो है डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 9 रन आए इस ओवर से, 24 गेंदों में 50 रन चाहिए जीतने के लिए, 63 रन 1 विकेट नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। रविंद्र थप्पा होंगे स्ट्राइक पर जो कि 18 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर यहाँ पर सिचुएशन है मुजीबुल रहमान के लिए। क्या मुजीबुल रहमान को यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से रहेगा, क्योंकि मुजीबुल रहमान जो है शायद इस सिचुएशन में गेम को निकाल पाए। मुजीबुल रहमान एक अभी एक और बचा हुआ है मुजीबुल रहमान का और एक बचा है यहाँ पर नगरावा का और टॉम करन का और जन्नत का बचा हुआ है। मेरे हिसाब से भैया भरपूर रन बनाएंगे जन्नत का और बचा हुआ है। ऐसे गेम का मजा आता है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट भाई, बिल्कुल फंसा हुआ है कभी इधर कभी उधर, सिचुएशन ये है कि घबराहट सी हो रही है सभी व्यूअर्स को भी और जो मुकाबला खेल रहे हैं उनको भी, डगआउट में प्रेशर बना हुआ है मगर मजा आ रहा है खेल देखने में। चौथा मुकाबला है, टफ फाइट, अभी पता लग रहा है कौन जीतेगा इस मुकाबले को और 6 ओवर हो चुके हैं वैसे तो, मगर यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी। नगरावा को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, 15 रन दिए हैं पहले ओवर के अंदर, क्या दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। राउंड द स्टंप गए हैं रविंद्र थप्पा के लिए, नगरावा के ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पे, थप्पा स्लो वन गेंद थी, कलाई साइड टहलाया मिड विकेट दिशा में, 1 रन और मिल गया है और यहाँ पर 1 रन से संतुष्ट करना होगा। 23 गेंदों में 49 रनों की है जरूरत, रिक्वायर रन रेट 12.78 का, 12.78 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बनाने होंगे। क्या लगता है आपको, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी या फिर विकेट गिरेगा, ये देखना होगा। एक बार फिर से तैयार हो जाइएगा, सामने मौजूद सामने मौजूद बल्लेबाज होंगे जैनवन फरारिया, बड़े बड़े शॉट लगाने में बड़े माहिर हैं, मगर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपको 23 गेंदों में 49 रन चाहिए जीतने के लिए। चलिए अगली गेंद, एक बार फिर से सामने मौजूद बल्लेबाज जैनवन फरारिया राउंड द विकेट गेंदबाजी करें, ऑस्टम पे गेंद थी, कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट दिशा में बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। यहाँ पर जैनवन फरारिया के बल्ले से निकलता हुआ चौका, 68 रन बन चुके हैं 1 विकेट नुकसान पर, 6.2 गेंदें हो चुकी है, 22 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है यहाँ पर और मुकाबला बिल्कुल रॉक एंड रोल चल रहा है। कभी केप टाउन आगे निकलती है तो कभी यहाँ पर हरारे हरिकेन्स की टीम जो है वो आगे निकलते नजर आती है। 62 जी हाँ, यहाँ पर 68 रन बन चुके हैं 1 विकेट नुकसान पर, 6.2 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर। नगरावा जो है थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, 5 रन दे चुके हैं 2 गेंदों के अंदर। एक बार फिर से अगली चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, यहाँ पर तीसरी गेंद नगरावा के सोर के फरिया को, फिर से 100 रन गेंद, मगर अंदर आती हुई गेंद थी, बोल्ड कर दिया, लीजिए जिस विकेट की तलाश थी यहाँ पर दिलाते हुए नगरावा, बोल्ड कर दिया जैनवन फरारिया को, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गेंद ने उछाल नहीं लिया, पुल करने गए जैनवन फरारिया और अपना विकेट जो है वो गंवाते हुए 11 गेंदों में 14 रन बनाकर एक चौका एक छक्का लगाकर जैनवन फरारिया का बिल्कुल मिडल स्टंप जो है वो उखाड़ दिया नगरावा ने और दूसरा झटका लगता हुआ हरारे हरिकेन्स को, 68 रन 2 विकेट नुकसान पर, 6.3 गेंदें हो चुकी हैं और जैनवन फरारिया 11 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए एक चौका एक छक्का लगाया था, बोल्ड किया नगरावा ने, 21 गेंदों में अब 45 रनों की है जरूरत। क्या लगता है आपको, मुकाबला फिर से खुल चुका है, रॉक एंड रोल की तरह ये मुकाबला चल रहा है और रॉक एंड रोल बना हुआ है ये मुकाबला, जी हाँ बना भी हुआ है रॉक एंड रोल ये मुकाबला और काफी जबरदस्त ये मुकाबला जो है वो चलते जा रहा है। अब देखते हैं किस तरीके
से ये खेल आगे बढ़ेगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला सुपर से भी ऊपर, जी हाँ सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद है। अब यहाँ से अभी भी आखिरी कुछ ओवर्स बचे हुए हैं और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, जी हाँ अंत भला तो सब भला देखने को मिलता है, मगर सिचुएशन यही है कि रनों की दरकार है। क्या रन मिलेंगे, क्या रन मिलेंगे यहाँ पर, ये देखना होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को। बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ मॉर्गन आ चुके हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं, मगर बहुत साल हो चुके हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे हुए इनको भी। देखते हैं अब आगे किस तरीके से बढ़ता है ये खेल। चलिए सामने मौजूद बल्लेबाज इयान मॉर्गन और नगरावा जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं इस पिच के ऊपर। नगरावा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे ये देख रहा हूँ, क्योंकि ओवर की 3 गेंदें बची हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज अच्छे रन बटोरता है, तो मॉर्गन है तैयार, इयान मॉर्गन है तैयार। ओवर की ये 4th गेंद नगरावा के इस ओवर की, मॉर्गन को ओवर द विकेट गेंदबाजी करें। यॉर्कर गेंद 30 बार सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग दिशा में, 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर इयान मॉर्गन को। जी हाँ इयान मॉर्गन को मिलता हुआ यहाँ पर 1 रन स्ट्राइक पे आते हुए रॉबिन उथप्पा, और अब चाहिए 20 गेंदों में 44 रन। जी हाँ 3.20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए होंगे। अब नगरावा की कोशिश यही है कि बची हुई 2 गेंदों में ज़्यादा बड़े शॉट लगाने ना दिए, जो चौका या छक्का दिए ना जाए यहाँ पर, और टीम का जो है, टीम का जो स्कोर है और टीम के जो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है उसको और बढ़ाया जाए यहाँ पर। चले नगरावा, वैसे देखा जाए इनका अमूमन पहला ओवर खराब जाता है, दूसरा ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए रॉबिन थप्पा के लिए स्लो वन गेंद यहाँ पर लीजिए, बोल्ड कर दिया, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, रॉबिन उथप्पा को भी बोल्ड कर दिया। स्लो वन गेंद थी, शफल करके ऑफ स्टंप की तरफ आए थे मगर जाकर गेंद लगी स्टंप पे यहाँ पर और बोल्ड हो गए रॉबिन उथप्पा। एक और विकेट गिरता हुआ इस ओवर में और आर नगरावा ने यहाँ पर मैच खोल दिया और मैच को डाल दिया है झोली में यहाँ पर केपटाउन की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3rd झटका लगता हुआ हरारी हरिकेन्स की टीम को, 69 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 6.5 गेंदें हो गई हैं, सिर्फ 6 रन आए हैं इस ओवर के अंदर। 19 गेंदों में 44 रन चाहिए जीतने के लिए। रॉबिन उथप्पा 20 गेंदों में 31 रन बनाकर 2 चौके 2 छक्के लगाकर क्लीन बोल्ड होते हुए नगरावा को दूसरा विकेट मिलता हुआ यहाँ पर। इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा है मगर ये ओवर काफ़ी बेहतर, सिर्फ 6 ही रन दिए हैं। मोहम्मद नबी आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर। दबाव अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हो चुका है हरारी हरिकेन्स के ऊपर, तो क्या मोहम्मद नबी इस मुकाबले को निकालेंगे अपनी टीम के, क्या मोहम्मद नबी अपनी टीम के लिए यहाँ पर रन बनाते नजर आएंगे, ये देखना होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद है, जी हाँ सुपर से भी ऊपर रहने की उम्मीद रहेगी यहाँ पर। जिस तरीके का ये खेल चल रहा है, मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है इस खेल के अंदर, जिस तरीके से ये खेल चलता रहा है। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिए हमारे साथ। मोहम्मद नबी पिछले मुकाबले में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आए थे, आज इस मुकाबले के अंदर भी क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि सिचुएशन यहाँ फंसी हुई है, क्योंकि यहाँ से चाहिए अब यहाँ पर 19 गेंदों में 44 रन। मोहम्मद नबी है तैयार। नगरावा के ओवर की आखिरी गेंद है, नगवारा के ओवर की आखिरी गेंद, मोहम्मद नबी को सिंगल मिलेगा इस गेंद पर। 18 गेंदें, 43 रनों की जरूरत, रिक्वायरमेंट रेट 14.33 का हो चुका है। अगर देखा जाए तो करीम जन्नत का एक और बच्चा हुआ है, टॉम करन का एक और बच्चा हुआ है, मुजीबुल रहमान का एक और बच्चा हुआ है, यही 3 गेंदबाज हैं यहाँ पर जो है अब केप टाउन सैम्प आर्मी के लिए। क्या करीम जन्नत को पहले गेंदबाजी करवा लें या फिर मुजीबुल रहमान को, क्योंकि अगर करीम जन्नत को आखिरी ओवर लेके गए और 25 रन भी चाहिए हो तो करीम जन्नत जो है वो बिल्कुल जन्नत दिखा देंगे बल्लेबाजों को यहाँ पर। देखते हैं मुकाबला किस तरीके चलता है यहाँ पर, किस तरीके से खेल जो है वो आगे बढ़ता जाता है। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और अब बची हैं सिर्फ 18 गेंदें, रन चाहिए कुल मिला के यहाँ पर 43। जो भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। यहाँ सही सिचुएशन है इयान मॉर्गन के सामने, मोहम्मद नबी के सामने मुजीबुल रहमान को लाने का, क्योंकि मुजीबुल रहमान का एक और बचा हुआ है, और शायद करीम जन्नत और टॉम करन जो है वो आखिरी के 2 ओवर कर सकते हैं, मगर करीम जन्नत का जो आखिरी ओवर पिछले मुकाबले में था वो कहीं ना कहीं दिल के धड़कने जो है बढ़ा रहा है यहाँ पर। अब देखना होगा किस तरीके से ये खेल चलता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, इंजॉय करिएगा।
मुकाबले को। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर मोहम्मद नबी और गेंदबाजी करने के लिए मुजीबुर रहमान। जी हाँ, मुजीबुर रहमान को लेकर आए हैं। मुजीबुर रहमान आठवां ओवर डाल रहे हैं। मुजीबुर रहमान की ओर की पहली गेंद मोहम्मद नबी को ऑफ स्टंप के बाहर। ये गेंद पार्थिव पटेल ने फिर से गेंद को छोड़ दिया और पार्थिव पटेल की अगर विकेट कीपिंग हो नहीं रही तो कर क्यों रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि पार्थिव पटेल जो है विकेट कीपिंग करते हुए इतनी गलतियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्र का तकाजा है शायद, वो खेल भी क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा टीम के अंदर। और दो रन मिलते हुए इस गेंद पर 22 के यहाँ पर मोहम्मद नबी को स्कोर होता हुआ 72 रन 3 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद मोहम्मद नबी को यहाँ पर मुजीबुर रहमान के इस बार हवा में खेला इस शॉट को, गेंद जा रही है कवर की दिशा में, फील्डर से जस्ट आ गए। जी नहीं, फील्डर ने कोशिश की जंप लगाकर गेंद तक पहुंचने की मगर पहुंच नहीं पाए और चौका मिल गया इस गेंद पर मोहम्मद नबी को। 2 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं, 16 गेंदों में 37 रन चाहिए जीतने के लिए। और मोहम्मद नबी ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया है, 3 गेंदों में 7 रन बना चुके हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने जानते हैं। और मोहम्मद नबी जो हैं कहीं ना कहीं जानते हैं मुजीबुर रहमान किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, इसलिए सामने शॉट लगाना जो है यहाँ पर और काफ़ी बढ़िया है। चले चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। मोहम्मद नबी को अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आते हुए एक और बार कोशिश की, फील्डर ने गेंद हाथ से लग के बाउंड्री तक पहुंची मगर कैच पकड़ नहीं पाए और कैच छूटता हुआ यहां पर मोहम्मद नबी का। सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे तो 8 रन आ चुके हैं 3 गेंदों के अंदर। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा पार्थिव पटेल को फील्डिंग लगानी भी शायद नहीं आती है कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि अपने बेस्ट फील्डर को लगाई है यार। चैम्बेल अच्छे ऊंचे कद के लंबे खिलाड़ी, अच्छे फील्डर हैं, रमन गुरबाज अच्छे फील्डर हैं, उनको लगाइए बाउंड्री पर। मगर यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को जहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं फील्डर मगर पहुँच नहीं पा रहे हैं और 8 रन आ चुके हैं, 15 गेंदे 35 रन चाहिए जीतने के लिए। और मोहम्मद नबी 4 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ से अगर बात की जाए इस मुकाबले का सूरत हाल जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, एक सिचुएशन जो है बनी हुई है उस मुकाबले के अंदर, मगर वही खेल है, वही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाना है। मुजीबुर रहमान गेंदबाजी तो अच्छी करते ही हैं और गेंदबाजी अच्छी कर भी रहे हैं मगर फील्डर जो है वो अगर साथ देंगे, तो यहाँ से खेला हो बे। जी हाँ, यहाँ से खेला। स्वप्नाचार्य भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मिश्र जी कैसे हो? बढ़िया हो सर जी। कहाँ आउट है भाई? आउट नहीं है भैया, रन मिले हैं, कोशिश की थी। 15 गेंदे 35 रनों की जरूरत मुजीबुर रहमान को, अपनी 3 गेंदें निकालना होगा, 3 गेंदें यहाँ से निकालनी होगी। क्या लगता है आपको निकाल पाएंगे? करीम जन्नत का भी एक ओवर है, वो भी प्रेशर रहेगा कहीं ना कहीं गेंदबाज कप्तान पार्थिव पटेल के ऊपर, मगर देखिए मज़ा नहीं आया, विकेट कीपिंग पार्थिव पटेल से हुई नहीं है, कई बार एक्स्ट्रा रन जो है वो देते हुए नजर आए हैं। ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे विकेटकीपर के पास से आप रन नहीं देंगे क्योंकि गेंदबाज बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है गेंदबाजी करने का, अगर पहली गेंद डॉट होती तो शायद 2 रन ही मिलते। यहाँ पर फील्डर इंजर्ड हुए हैं तो इसलिए खेल रुका है थोड़ी देर के लिए, लगता है कैलकुलेशन चल रही है किसे जिताना है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है। बाकी लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं देख रहा हूँ यार काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुकाबले के लिए और मगर यार लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। यहाँ पर ऋतिक कुमार भाई किसे जीतेगी? भाई भाई मैं तो सपोर्ट कर रहा था आज केप टाउन सैम आर्मी को, उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ मैच की पहली गेंद से ही, मैच की पहले शुरुआत से ही। और मुकाबले में खेला हो बे, खेला तो हो चुका है, अब क्या पहला होगा इस मुकाबले में ये देखना होगा। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज, यहाँ स्ट्राइक पे मौजूद है बल्लेबाज यहाँ पर मोहम्मद नबी, फिर से लेग स्टंप पे ये गेंद थी, खेल दिया उसको फाइन लेग की दिशा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए। 10-12 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 14 गेंदे 31 रनों की जरूरत, इतना तो करीम जन्नत अकेले ही दे देंगे। मुजीबुर रहमान लेग स्टंप पे करने गए, जी हाँ इनसाइड एज लगा, गेंद निकल गई फाइन लेग की दिशा में। मोहम्मद नबी 5 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या लगता है आपको इस मुकाबले के सूरत हाल की तरफ, क्या लग रहा है कि खेला होबे कि पहला होबे? चलिए एक बार फिर से अगली गेंद यहाँ पर सामने मौजूद बल्लेबाज मोहम्मद नबी, इस बार बड़ा शॉट खेलने गए थे, गेंद जा रही है मिड विकेट दिशा में, 1 रन तो ले लिया है, 2रा रन लेने की कोशिश थी, मना कर दिया एरन मॉर्गन ने, कहा भैया उमर हो गई क्या दूसरा भगवा रहे हो। स्कोर हो चुका है 83 रन 3 विकेट नुकसान पर, 7.5 गेंदे हो गई हैं, 13 गेंदे 30 रन। यह आखिरी गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है मुजीबुर रहमान के लिए, अगर एरन मॉर्गन ने चौका छक्का बटोर लिया और शायद मैच में बने रहेंगे, अगर विकेट आ गई तो खेल जो है वो खुल जाएगा फिर से एक बार। चलिए देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले के सूरत हाल में। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को, क्योंकि मुकाबला सुपर से भी ऊपर रहेगा। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। अगली गेंद यार मॉर्गन को इस बार ड्राइव किया उस गेंद को, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ ओवर समाप्ति होती हुई। जी हाँ ओवर समाप्त हो चुका है, मगर अगर बात की जाए तो सिर्फ अब 12 गेंदों में, जी हाँ 12 गेंदों में अब चाहिए 29 रन, 12 गेंदे 29 रन की जरूरत।
14.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। 12 गेंदों में 29 रनों की है जरूरत। 84 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। इयान मॉर्गन क्रीज पर मौजूद हैं, तो क्या आप करीम जन्नत या टॉम करन किसको ओवर देंगे? अक्षर पटेल किसको ओवर थमाएंगे? जिसको थमाएंगे खासकर करीम जन्नत थमाएंगे, और इस रहेगा चाहे आगे थमाइए चाहे अभी थमाइएगा। टॉम करन भी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है इस पहले ओवर की, तो देखिए दोनों बल्लेबाजों पर दबाव रहेगा कि 29 रन बचाने हैं दोनों को मिलकर, तो कितने ओवर छोड़ेंगे लास्ट ओवर में ये देखना होगा। लाइक करते रहिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। नवा ओवर चलने को आ चुका है, नवा ओवर होने को आ चुका है। देखते हैं यहाँ से किस तरीके से खेल आगे बढ़ेगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और इन्जॉय करते रहिए इस मुकाबले को। खेला चल रहा है यहाँ पर टॉम करन, जी हाँ टॉम करन को दिया गया है नवा ओवर। टॉम करन जो है वो नवा ओवर डालते नजर आ रहे हैं। पहली गेंद टॉम करन के इस ओवर के इस सामने मौजूद बल्लेबाज यान मॉर्गन, स्लोअर वन गेंद, पटकी हुई गेंद, पुल किया गया गेंद को, गेंद जाती हुई मिड विकेट फील्डर की तरफ और ले लीजिए विकेट मिलता हुआ यहाँ पर। पहली गेंद पर आते ही टॉम करन ने आउट कर दिया, कैच आउट कर दिया यहाँ पर यान मॉर्गन को। थोड़ा शॉर्ट ओवर गेंद थी उसको पुल करने गए और सीधा मिड विकेट फील्डर ने जंप लगाकर बाउंड्री पर पकड़ा है कैच और यान मॉर्गन कैच आउट होते हुए। 3 गेंदों में 2 रन बनाकर यान मॉर्गन पवेलियन जाते हुए। 11 गेंदों में 29 रन चाहिए जीतने के लिए और 84 रन 4 विकेट नुकसान पर स्कोर हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हरारे हरिकेन्स के लिए। और क्या लाजवाब कैच था वहाँ पर, बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर फील्डर द्वारा, फील्डर थे करीम जन्नत। चलो वह गेंदबाजी नहीं तो फील्डिंग के भरोसे ही कैच पकड़ा दिया है यहाँ पर, कैच पकड़ा है करीम जन्नत ने, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। स्कोर होता हुआ 84 रन 4 विकेट नुकसान पर। 11 गेंदें बची हैं, 11 गेंदों में चाहिए 29 रन जीतने के लिए। मुकाबला सुपर से भी ऊपर। देखिए लाइक में कमी मत रखिएगा आप सब लोग, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला सुपर से भी ऊपर चल रहा है। आखिरी के कुछ ओवर्स बचे हुए हैं, आखिरी के कुछ ओवर्स के अंदर रनों की गति जो है बढ़ानी होगी, रनों की गति जो है चलानी होगी। क्या लगता है आपको, क्या रन यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे? क्या लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। एक बार फिर से स्ट्राइक पे मौजूद इरफान पठान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज टॉम करन की गेंद, पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया इस गेंद को, गेंद जाती है स्क्वायर लेग की दिशा में। क्या बाउंड्री तक पहुंचेगी गेंद? फील्डर ने कोशिश की, पैर लगाया जरूर मगर चेक होगी बाउंड्री। यहां पर बाउंड्री को चेक करना होगा कि पहुंचे थे कि नहीं वहां पर, फील्डर एक बार देखना होगा। ऐसा लग तो रहा है कि चौका हो जाएगा, अगर ये चौका होगा तो 10 गेंदों में 25 रन चाहिए जीतने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हुए जी मुझे बुलवा, हमने खुद ही कह दिया है कि मैं रोक नहीं पाया और शायद चौका हो गया है यहाँ पर। जी हाँ चौका हो गया है इस गेंद पर, आते ही इरफान पठान ने आते ही चौका चढ़ दिया यहाँ पर टॉम करन की गेंदबाजी के ऊपर। 88 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर। 8.2 गेंदें हो चुकी हैं और अब इरफान पठान हैं स्ट्राइक पर। 10 गेंदों में 25 रन चाहिए जीतने के लिए। तो क्या लगता है आपको, यहाँ से इरफान पठान क्या कमाल करके दिखाएंगे, क्या इस मैच को जिता के दिखाएंगे? क्या देखना होगा एक बार फिर से तैयार होते हुए इरफान पठान, लाजवाब बल्लेबाज हैं। चलिए अगली गेंद टॉम करन के इस ओवर के, इरफान पठान है स्ट्राइक पर। स्लोअर वन गेंद ऑस्टम की तरफ, पार्थिव पटेल ने गेंद को पकड़ा है मगर अंपायर ने इसको करार दिया है, वाइड गेंद दिया है अंपायर ने। 10 गेंदों में चाहिए 26 रन जीतने के लिए। 3 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर, 2 गेंदें हो चुकी हैं। क्या लगता है टॉम करन इस ओवर के अंदर रन बचा पाएंगे अपनी टीम के लिए? क्या लगता है आपको, से रन बनते हुए नजर आएंगे क्या, ये देखना होगा। जो भाई नए जुड़े हैं प्लीज लाइक करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। टॉम करन के ओवर की अगली गेंद, जोशफान पठान को गेंद, इस बार स्टंप से गेंद बिल्कुल करीब से निकली है, पुल करने गए गेंद को, इरफान पठान मिस कर गए इस गेंद को। तो अब बची है 9 गेंदें, 24 रनों की है जरूरत। 9 गेंदें 24 रनों की है जरूरत। रिक्वायरमेंट रेट 16 का हो गया, रिक्वायरमेंट को अब छोड़िएगा क्योंकि यहाँ पर अब बड़े शॉट चाहिए, सिर्फ चौके या छक्के ही गिने जाएंगे। तो भैया चौके छक्के लगाइएगा और सिंगल डबल भी दौड़िएगा तब जाकर रन बनेंगे, मगर अब सिचुएशन ये है कि आपको छक्कों से ही बात करना होगा यहाँ पर। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जुड़े, लाइक नहीं किया तो लाइक करते रहिएगा। फिर से टॉम करन के ओवर के अगले, स्लो रन गेंद लेग स्पिन पे ये गेंद थी, फिर से जाकर टकराई है, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई, अब किसी डॉट नहीं, आपको सिंगल दौड़ लिया है, लेग बाय का सिंगल होना चाहिए ऐसे। तो स्ट्राइक पे आते हुए मोहम्मद नबी, 90 रन 4 विकेट नुकसान पर। 8 गेंदें 23 रन, कोशिश टॉम करन की है कि मोहम्मद नबी को आउट कर दिया जाए और बची हुई 2 गेंदों में या फिर 2 सिंगल दिए जाए जिससे आखिरी ओवर में 20 रन या 18 रन रहे तो शायद एक दबाव रहेगा बल्लेबाज ही टीम के ऊपर। चलिए एक बार फिर
गेंद लेकर चलते हुए यहां पर चौमकरण, 8 गेंदें 23 रन की है जरूरत। क्या लगता है इस मुकाबले में, आज खेला तो हुआ है भाई, खेला तो हुआ है इस मुकाबले में, देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से मोहम्मद नबी को गेंद, टॉमकरण गेंद लेकर चलते हुए, ओ अर्की, ये 5वीं गेंद, पटकी भी गेंद, सीधे बल्ले से खेला, गेंद को गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ यहां पर स्ट्राइक पर फिर से इरफान पठान आ जाएंगे, 7 गेंदें 22 रन। इरफान पठान को चौका छक्का कुछ तो लगाना पड़ेगा, तभी आखिरी ओवर तक उम्मीदें बचेंगी। 91 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर 8.5 गेंद हो गए। टॉमकरण का बढ़िया ओवर, 7 रन आए अभी तक इस ओवर में, 5 गेंदों के अंदर। आखिरी गेंद, क्या बड़ा शॉट होगा, एक बार फिर से देखना होगा। यहाँ पर टॉमकरण गेंद लेकर चलते हुए सामने इरफान पठान, इरफान पठान को ये गेंद स्लो वन गेंद बोल्ड कर दिया, यहाँ पर लीजिए एक और विकेट गिरता हुआ, यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ, यहाँ पर हरारे हरिकेन्स को इरफान पठान हो गए हैं बोल्ड यहाँ पर, और 4 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए टॉमकरण को मिलती हुई एक और विकेट। यहाँ पर 2 विकेट छटकाए हैं टॉमकरण ने, 17 रन देकर यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी करी, और अब कह भी रहे थे कि आज गेंदबाजी अच्छी करेंगे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन 5 विकेट नुकसान पर हरारे हरिकेन्स का स्कोर है। 6 गेंदों में 22 रन चाहिए जीतने के लिए, मगर अच्छी बात यह है कि मोहम्मद नबी हैं स्ट्राइक पर और करीम जन्नत को करनी है गेंदबाजी। करीम जन्नत को करनी है गेंदबाजी, क्या करीम जन्नत ये 22 रन बचा पाएंगे, ये भी सस्पेंस है भाई, ये भी सस्पेंस है, क्योंकि करीम जन्नत पिछले मुकाबले में जब लास्ट ओवर करने आए थे 25-26 रन खाए थे, तो और सामने मोहम्मद नबी हैं जो कि उनके साथ खेले हुए हैं, जानते हैं किस तरीके देखते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट चांस रहेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं करीम जन्नत के लिए। आखिरी छः गेंदें बची हैं और सामने मौजूद मोहम्मद नबी, क्या लगता है आपको कि मोहम्मद नबी इन 6 गेंदों के अंदर 22 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला देंगे, क्या टीम उनकी जीतते हुए नजर आएगी, क्या ये देखना होगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। मुकाबला सुपर से भी ऊपर चलने की उम्मीद है यान मॉर्गन की टीम, हरारे हरिकेन्स की ये टीम, क्या लग रहा है कुछ करेगी। चलिए देखिए, जोंगवे आ चुके हैं बल्लेबाजी करने, जोंगवे ने भी पिछले मुकाबले 10 गेंदों में 22 रन बनाए थे। पहली गेंद, इस बार मोहम्मद नबी को कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद आती हुई, पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद, तो मतलब 5 गेंदें 22 रन, 4 छक्के लगाने पड़ेंगे भैया। करीम जन्नत की पहली गेंद जो है वो डॉट और गेंद हो गई, बड़े खुश नजर आए थे करीम जन्नत जब ये गेंद जो है वो डॉट हुई है, मगर 3 गेंदें निकालनी है अभी भी इस मुकाबले के लिए, तो क्या 3 गेंदें निकाल पाए करीम जन्नत, क्या बची हुई 2-3 गेंदों के अंदर 2 छक्के लगा पाएंगे, यहाँ पर देखना होगा। मोहम्मद नबी हैं स्ट्राइक पर, अगली गेंद करीम जन्नत जो है वो लेकर चलेंगे, 5 गेंदों में 22 रन चाहिए जीतने के लिए। सामने मौजूद बल्लेबाज मोहम्मद नबी, एक बार फिर से स्लो वन गेंद, ऑस्टम की तरफ एक गेंद थी, ड्राइव किया उस गेंद को, 1 रन और मिलता हुआ स्ट्राइक पर, नहीं 1 रन नहीं लिया यहाँ पर, 4 गेंदें 4 छक्के तभी खेल होगा। करीम जन्नत कर रहे हैं गेंदबाजी और यहाँ पर 4 गेंदों में 22 रन चाहिए। करीम जन्नत फिर से खुश नजर आ रहे हैं, एक और डॉट गेंद गिरी है, तो उसके बाद फिर से स्माइल दिखाते हुए करीम जन्नत, क्या जन्नत जब अपनी टीम को जीत दिलाएंगे यहाँ से। बिल्कुल 2 गेंदें डॉट करा दी हैं। 3री गेंद करीम जन्नत की, पटकी भी गेंद, ड्राइव किया उस गेंद को, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, एक और चौका आता हुआ, तो मतलब 3 गेंदें 18 रन चाहिए, मतलब हर गेंद पर छक्का चाहिए यहाँ पर मोहम्मद नबी को। 95 रन 5 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है हरारे हरिकेन्स का, 9.3 गेंदें हो चुकी हैं और यहाँ पर 3 गेंदों में 18 रनों की है जरूरत। जी हाँ, 3 गेंदों में 18 रनों की है जरूरत। स्ट्राइक पर मौजूद मोहम्मद नबी 10 गेंदों में 17 रन बना चुके हैं, मगर अगली अब 3 गेंदों में हर गेंद पर छक्का चाहिए होगा, हर गेंद पर छक्का चाहिए होगा यहाँ पर। अगली गेंद यहाँ पर सामने मौजूद, यहाँ पर करीम जन्नत गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने है मोहम्मद नबी का छक्का लगा देंगे। अगली गेंद स्लो वन गेंद, कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट दिशा में, फील्डर नीचे आते हुए कैच आउट हो गए यहाँ पर मोहम्मद नबी, और विकेट गिरता हुआ मोहम्मद नबी का, और करीम जन्नत काफी खुश आज 15 रन दिए हैं और विकेट भी मिला है करीम जन्नत को, और मोहम्मद नबी को आउट किया है 11 गेंदों में 17 रन बनाकर। मोहम्मद नबी जो है पवेलियन जाते हैं 95 रन 6 विकेट नुकसान पर 9.4 गेंदों के बाद, और चेज करने वालों को तमाचा दे दिया है जिम्बाब्वे लीग ने, कहा कि लियो चौथा मुकाबला भी डिफेंड करते हुए नजर आएंगे हम यहाँ पर। काफी लोग कह रहे थे हरारे हार गए रे, हरारे की टीम हार गई है, और मुझे लग रहा है कि पूरे टूर्नामेंट में हरारे की टीम ऐसी टीम होगी जो एक भी मैच नहीं जीतेगी, क्योंकि एक टीम होती है टूर्नामेंट के अंदर जो एक भी मैच नहीं जीतती है यहाँ पर।
यहां से अगर बात की जाए तो अब बल्लेबाजी करने के लिए एक और बल्लेबाज आ चुके हैं और दो गेंदें बची हैं। अब करीम जन्नत नो बॉल ना डाले, बस नो बॉल और दो छक्के ना डाले या पांच वाइड ना दे दे कहीं, तो करीम जन्नत जो है ऐसा काम बहुत जल्दी कर देते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आते हुए, दो गेंदे 18 रनों की है ज़रूरत और यहाँ से मुकाबला काफ़ी रॉक एंड रोल रहा मगर पिछले ओवर में और इस ओवर में खेल बदल गया और मुकाबला जो है केप टाउन सैम्प आर्मी की तरफ झुक गया। यहाँ पर ये देखो हरारे हार गया, बिल्कुल भाई दर्शन प्रसाद भाई हरारे हार गया है, हरारे हार के हार हारा नहीं है अभी, हार के करीब है। रिंकू सिंह दिल ने कहा अरे रोहन भाई रिंकू सिंह पहुँचेंगे, टेंशन मतलब पहुँचेंगे, खेलेंगे रिंकू सिंह भी, इनका नाम भी हार है। सॉरी भाई क्या बोले, चले अगली गेंद स्लोर गेंद पैड पर लगी है गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर और लीजिए यहाँ पर पांचवी गेंद भी डॉट गेंद होती हुई, स्कोर हो चुका है 96 रन 6 विकेट नुकसान पर। अच्छा वो रन सिंगल नहीं लिया, वाह इनको अभी भी उम्मीद है भैया, इनको अभी भी उम्मीद है क्या, देखना होगा देखना होगा। मुकाबला ख़त्म हो चुका है, महज एक औपचारिकता बचा है ये मुकाबला और यहाँ से करीम जन्नत की बात की जाए तो एक गेंद पर 17 रन चाहिए जीतने के लिए, नामुमकिन है। और राहुल शर्मा कह रहे हैं लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया भाई टू, अभी इंडिया से राहुल शर्मा भाई दिल्ली से हैं। और मेरा नाम दिवाकर मिश्रा, मैं हूँ दिल्ली से, आपके लिए कॉमेंट्री लेके आऊँ। उस मुकाबले के एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने गए, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर और 15 रन से, जी हाँ 15 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है, 15 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर अगर बताए तो यहाँ पर केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम 15 रन से इस मुकाबले को जीत चुके हैं, तो हार मिल गई है यहाँ पर हरारे हरिकेन्स की टीम को, हरारे फिर से हार गई है, कहाँ गए हरारे वाले, बहुत बोल रहे थे हरारे हरारे आज चेज होगा, ये होगा फलाना होगा ढिमका होगा, अरे जिम्बाब्वे टी10 लीग है जो चल रही है, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। यहाँ पर एक नो बॉल हो गया भैया, मैच खत्म हो गया, जगेश्वर भाई मैच खत्म हो चुका है, स्कोर कार्ड अपडेट नहीं हुआ मगर बता दें आपको कि यहाँ पर लो जी आखिरी गेंद पर पहुँच गए, चले पहुँच गए और यहाँ से मुकाबला फिनिश होता हुआ और हरारे, जी हाँ हरारे की टीम जो है वो हार गई है और इस मुकाबले को जीत लिया है, जी हाँ इस मुकाबले को जीत लिया है यहाँ पर जो है टीम हमारी कौन सी थी यार भूल गए, इसको यहाँ पर कैप्टन स्वयं आर्मी की टीम ने जीत दर्ज करी है और हमें भी पहली जीत मिलती हुई हमें हमारे इस टूर्नामेंट में, मुझे मिलती मतलब इनफैक्ट 12 गेंदों में दो गेंदों में 18 रन चाहिए थे, पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी गेंद पर भी सिंगल आया था, 15 रन से यहाँ पर जीत चुकी है, बात करें यहाँ 15 रन से जीत चुकी है यहाँ पर जो कि केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम, तो मुकाबला ख़त्म हो चुका है। अब जुड़ते हैं तब से दूसरे मुकाबले, दूसरे मुकाबले की भी स्ट्रीम चालू हो चुकी है और चौथा मुकाबला गया है पार्थिव पटेल की टीम के हक में, यहाँ पर केप टाउन सैम्प आर्मी की टीम जीत नजर आई है, नाम ही हरारे। चलो भाई धन्यवाद आप सब लोगों को सपोर्ट करने का, मिलूंगा मैं आपसे अब तीसरे मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में शशांक भाई आप सबका इंतज़ार करते हुए, भैया जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, टीम इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लीजिएगा भैया, टीम इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लीजिए। शशांक भाई बता रहे हैं भैया आज कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। दूसरा मुकाबला बस अब कुछ ही देर में शुरू होगा, जी दूसरा मुकाबला भी बस कुछ ही देर में शुरू होते हुए नज़र आएगा, तो आप सब लोग जुड़ जाइएगा। डर्बन कलंदर वर्सेस जॉन्सबर्ग बफेलोज का मुकाबला है, पांचवा मुकाबला है ये, कहीं ना कहीं अब जिम्बाब्वे टी10 लीग का ये पांचवा मुकाबला, तो पांचवे मुकाबले में भी जुड़ जाइएगा। हरारे हरिकेन्स की टीम हार गई है भैया, हरारे हरिकेन्स की टीम हार गई है और यहाँ पर जीत दर्ज करी है, जी हाँ जीत दर्ज करी है यहाँ पर जो है स्वयं आर्मी की टीम ने, स्वयं आर्मी जो है जीतने जा रही है। ग्लोबल टी20 में कौन सी टीम विन होगी, हफीज़ भाई देख ही नहीं रहे उस मुकाबले को, फेवरेट पकड़ लीजिएगा नहीं तो अगर मैच देखोगे बता देंगे आपको कहीं ना कहीं उसमें यार। चलिए सवाल जो है लाइक कर दिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, मिलते हैं आपसे अगले मुकाबले में, तब तक के लिए यहाँ पर गुड नाइट, सबक खैर, जय हिंद जय भारत।